through the highways and on and on.
through the sun rays, and I... Keep
It's elevating me. अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। इनफिनिक्स स्मार्ट फोन प्रेजेंटिंग वर्ल्ड कप ई स्पोर्ट्स विच इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया टुडे गेमिंग। मैं हूं आपका होस्ट और कास्टर आरजी और आज मुझे दोबारा इस दफा एक दफा फिर ज्वाइन किया है बहुत ही अमेजिंग कास्टर डीमैन। डीमैन, वैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर कल के गेम्स को देख के आज से क्या आपके तासुरात हैं? भी कल के मैचेस देख के हमने भी एक माइंड सेट अपने जो बनाया हुआ था बिल्कुल चेंज हमें देखने को मिला है। बिल्कुल ऑपोजिट गेम अगर बात की जाए, जो टीम्स इतनी मतलब कि जिन पर नजरें थी मेरी कि यार कि ये टीमें विन करके आ सकती हैं, टॉप फोर में आ सकती हैं, बट बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें गई हैं। और भाई एक ज़बरदस्त किस्म का कल का जो दिन रहा है, तो मेरे ख्याल से आज भी हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्योंकि फुल हैवी जिस तरह वो कहते हैं ना बूम बाम वाला सिस्टम जो कल हमें देखने को मिला, आज के दिन में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। और जिस तरह कल आज देखते हैं कौन सी चार टीमें क्वालिफाई करके जाती है। एज यू गाइज नो दैट कि रीजनल इन्विटेशनल फाइनल्स जो क्वार्टर फाइनल्स जो हो रहे हैं हमारे, अभी इनमें से चार टीमें हमने आज के दिन में सेलेक्ट करनी, बट टोटल 12 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी फ्रॉम पाकिस्तान रीजन। और जैसे कि आपको पता है कि बैक एंड पे सारे जितने भी हैं ये रीजन ओपन जो है टोटल क्वालिफायर जो राउंड है वो बस साथ साथ चलता जा रहा है। और भाई अगर आप अभी इस चैनल के ऊपर नए नए अभी अभी ज्वाइन किए हो तो भी मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब टू इंडिया टुडेज गेमिंग चैनल, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इस चैनल के ऊपर आपको आफ्टर डे आपको देखने को मिलती रहेगी। और इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडिया टुडे गेमिंग आपके साथ जो है वो शेयर करता रहेगा, आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देता रहेगा। तो मेक श्योर यू गाइज जस्ट सिंपली सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके साथ ही साथ स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिए ना दीजिएगा क्योंकि आपका जो प्यार है ना उस स्ट्रीम के ऊपर भी दिखना चाहिए और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के ऊपर भी ऑल लिखा होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो आपको चैट के ऊपर पिन हुआ हुआ मिल जाएगा हमारा इंस्टा का लिंक, आप सिंपली अपना प्यार जो है इंस्टा को फॉलो करके भी शो करते रहें। और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सिंपल DM इंडिया टुडे गेमिंग ऑन इंस्टाग्राम और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और सबसे मज़े की बात आरजी जो मुझे जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है उनके लिए भी ये बड़े मज़े की बात होगी, सुन के मोस्टली जितने भी हमारे व्यूवर्स बैठे होंगे उनको ये चीज़ नहीं मालूम होगी, बट हमारा यहाँ पे गिव अवे भी चल रहा है जो कि काफ़ी इनसेन लेवल का 15 लाख जो फ्री फायर के डायमंड्स है वो हम गिव अवे करें ऑन डिस्कॉर्ड।
और डिस्कॉर्ड का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप जाके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें और आपको सारी जो है ना चीज़ें वगैरह उधर डिस्कॉर्ड पे देखने को मिल जाएंगी कि हाउ यू गाइज कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। और डिस्कॉर्ड में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यू आर राइट, आपने एक बात की थी इंडिया टुडे गेमिंग की, उन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप ऑर्गेनाइज किया, तो उनको यहाँ पे आप इंस्टाग्राम फॉलो करें। बट दूसरी बात, वहाँ पे इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की भी है, क्योंकि उन्होंने भी इतना बड़ा टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने मिल के इंडिया टुडे गेमिंग एंड ऑल्सो प्लेटोनिया ई स्पोर्ट जो कि ब्रॉडकास्ट पार्टनर है इन तीनों के साथ एग्जैक्ट मिलकर इस इवेंट किए। तो उनको भी जाए, उनके इंस्टाग्राम फॉलो करें, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वही बात यह है कि ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी कोई ना कोई इंसेंटिव मिले बार बार आप लोगों को ये करने की। बट बात होगी इन सब की, बात होगी बड़े बड़े नामों की। अब बात करते हैं डीमन प्राइस पूल की। 75 लाख रुपए का इंडियन रुपीस का प्राइस पूल है यहाँ पे, जहाँ पे पहले वाले को मिल रहे हैं 35 लाख रुपए, और दूसरे को 15 लाख, तीसरे को 8, चौथे को 6, पांचों को 4, इस तरह नीचे जाते जाते आखिरी वाले को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। और फिर फैन फेवरेट के 50 आ रहे हैं, एमवीपी के 50 आ रहे हैं, आईजीएल के 50 आ रहे हैं, मतलब बेस्ट क्लच और बेस्ट अंडरडॉग टीम के भी 50,000 रुपए हैं। एंड रिमाइंड, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये इंडियन रुपीज है तो पाकिस्तानी करेंसी में थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ भी है कि भी पाकिस्तानी करेंसी में काफ़ी डबल दी प्राइस हो जाएंगे, तो इट्स मीन के 1 लाख रुपीज़ इन पाकिस्तानी रुपीज़, मतलब कि इससे प्लस ही होंगे अगर जब मतलब कि भी आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ को, INR को PKR में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको डबल इन प्राइस ही दिख रहा होगा। बट अगर बात कीजिए टोटल प्राइस पूल की, तो दिस इज़ एक्चुअली इनसेन प्राइस पूल जो कि भाई वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का हमारे पास यहाँ पर आने वाला है। और फर्स्ट प्राइज़ की बात की जाए और प्रॉपर एक लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और प्लस फेवरेट, मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी है कि फैन फेवरेट को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, MVP को भी, जो टूर्नामेंट का पूरा टूर्नामेंट का जो MVP होगा उसको भी कुछ ना कुछ यहाँ पर भी मिलेगा। तो मतलब कि भी हर एक जो मतलब कि भी बेस्ट IGL MVP फेवरेट प्लेयर जिसने सबसे बेहतरीन क्लच किया होगा एंड द बेस्ट अंडरडॉग टीम जो मतलब कि भी एक एक राइजिंग स्टार होते हैं। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात मुझे यही लगेगी कि यहाँ पर जो एक नई टीम जो उबर के मतलब कि आपके सामने आएगी गाइस, उसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब कि भी अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि वो आगे और इस तरह के अच्छे अच्छे गेम प्ले करता रहे, तो उसको इस तरह की चीज़ें जो है अप्रिशिएट करने के लिए कुछ भी प्राइस दे दो, तो वो मेरे ख्याल से वो इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि उसके बाद वो उस अंडरडॉग से वो एक मेरे ख्याल से प्रॉपर कंपेटिटिव वर्ल्ड में एक चैंपियंस कराए जो है ना करार दिए जाएंगे इन फ्यूचर। बट हे यू गो कैजुअल आपके सामने रहेगा आरजी। बरमूडा पहला नंबर पे खेला जाएगा, दूसरी तरफ परगेट्री और तीसरे नंबर पे मैप कालाहारी खेला जाएगा, और इनको फिर एक और दफ़ा रिपीट किया जाएगा मैप 4, 5 और 6 के ऊपर दोबारा। तो हम लोग को हर एक मैप दो दफ़ा देखने को मिलेगा। ग्रुप टू खेलेगा आज, जो डे टू है पाकिस्तान रीजनल क्वालिफायर्स का, और आज जिस तरह इन्होंने बात की थी हमारे पास 12 टीमें दोबारा खेलेंगी, उन 12 में से सिर्फ और सिर्फ 4 टीमें आगे जाएंगी। तो आपके पास बहुत चांसेस है, 6 मैप्स आपके पास। अगर आपको हाथ नहीं बैठा हुआ, आपको ये भी नहीं पता कि दूसरी टीम इस मैप पर किस तरह खेलती है, स्ट्रेटजीज नहीं पता, तो आपको मौका दोबारा मिलेगा, बिकॉज वही बात है, एक मैप दो दफा खेला जा रहा है। बरमूडा सबका फेवरेट है, सबका वो डिफॉल्ट मैप होता है, तो सबको उस पर थोड़े से हाथ ज्यादा बैठा हुआ। पर जो कालाहारी पे हमें नई नई टीम्स उभर के आती है, जैसे हमने कल की बात करें डीमन, पर बरमूडा के ऊपर 5 MT 5 म्यूटेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, दोनों में उन्होंने अर्ली एग्जिट लिया था मैप से, बट मैप 2, 3 और 5, 6 के ऊपर उनकी परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थी, स्पेशली मैप 2, 3 के ऊपर, विच क्लियरली शोज के कुछ टीम्स के कुछ मैप्स बहुत फेवरेट होते हैं, वहां पर डोमिनेट करती है। तो आई होप कि आप अपने मैप के ऊपर जिस पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस पे आपका हाथ सही तरह बैठा हो। एग्जैक्टली, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है, जो इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि भी पहला मैच टीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच लेके चल रही होती है, क्योंकि पहला ही मैच में अगर आपके कुछ अच्छे पॉइंट्स बन गए तो आपको थोड़ा सा वो एक लेवल मेंटेन करने के लिए आपको एक चीज़ मिल जाती है कि यार कि हमने इस लेवल को, इस प्लेस को हमने मेंटेन करके रखना है। बट अगर 5 म्यूटेंट की कल की बात की जाए, तो दीज गाइज आर प्लेइंग इनसेन आफ्टर द फर्स्ट मैच, बट पहले मैच में एज यू टोल्ड के भी उन्होंने उस तरह का मतलब कि गेम प्ले नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने जो दूसरा तीसरे और बाकी मैचेस में जो उन्होंने तबाही मचाई है, मैं कहता हूँ कि भी दैट वाज इनसेन, उन्होंने बिल्कुल अपने जो कहते ना बिल्कुल पास भी किसी को आने नहीं दिया। बट अगर STX की कल की बात करूँ, तो मैं उसकी उसके लिए हुआ कि यार कि एकदम वो जो उसका एक लक फैक्टर हुआ कि वो चौथे नंबर पे आके रुके, अदरवाइज वो यहाँ से बाहर भी जा सकता था। चले अगर पॉइंट टेबल की बात कीजिए, तो पॉइंट टेबल आपके सामने रहने वाला है, और पॉइंट सिस्टम यही इस तरह रहेगा कि जो टीम बुया करेगी उसको यहाँ पे 12 पॉइंट्स मिलने वाले हैं विदाउट एनी किल, मतलब ये किल्स के बगैर आपको बता रहा हूँ, किल का जो किल के पॉइंट अलग से होते हैं और किल के पॉइंट भी मैटर करते हैं। सेकंड प्लेस पे हमें मिलेंगे 9 पॉइंट्स, थर्ड 8, 4, 7, 5
6 5 6 and 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 and 11 and 12 प्लेस पे जो भी टीम आएगी, जो भी उस रैंक पे स्टैंड कर रहा होगा, उसको यहाँ पे प्लेसमेंट का कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर गाइस जो आज के दिन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जिस तरह कल का हमें देखने को मिला कि भी बहुत ज्यादा अर्ली फाइट्स हमें देखने को मिली, क्योंकि दो से तीन टीमें हर मैप के ऊपर क्लैश कर रही थी। और सिर्फ ये बात नहीं कि दो तीन मैप्स के ऊपर क्लैश कर रहे थे, उनकी किल्स हो रही थी। कल हमने जब देखा था चार टॉप टीम्स क्वालिफाई कर रहे थे, उनके पॉइंट्स आई थिंक जो 5 MT थी वो मे बी 80 के ऊपर खड़ी हुई थी, दूसरी 71, दो टीम 71 के ऊपर खड़ी थी, और XTX जो आखिरी टीम थी वो 68 के ऊपर खड़ी हुई थी। अब आप इनको एक एवरेज के ऊपर निकाले तो XTX ने 6 मैप्स के ऊपर एटलीस्ट 12 से 13 पॉइंट्स निकाले हैं, और 12 से 13 पॉइंट का मतलब उन्होंने कुछ मैप पे एक मैप में बुया भी निकाला है, बाकी मैप्स उन्होंने 10-12 पॉइंट्स निकाले हैं। तो जो टीम्स आज के उनके लिए आई थिंक ये मेंटालिटी लेके जाना जरूरी है कि 68 एटलीस्ट 70 पॉइंट्स उनको 6 मैप्स के ऊपर चाहिए, 12 से 13 पॉइंट हर गेम में चाहिए। जहां पे एक गेम लैग करते हैं वहां पे अगली गेम उनको 20 22 पॉइंट चाहिए, या हर दो तीसरी गेम के बाद उनको या तो बूया चाहिए या तो उनको किल्स के साथ काफी ज्यादा पॉइंट्स, रैंक पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। बिकॉज अगर आपने दो तीन मैप्स में लैग कर गए तो DT दो मैप्स बहुत अच्छा खेली थी, हमने कल भी देखा था DT का पहला मैप और आखिरी मैप बहुत अमेजिंग था, बट वो 50 पॉइंट के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ऑल दो मेरा ये मतलब आप लोग की पहली मैप है, बट इट डजंट मैटर, आपको आज के पहले दिन से अपनी ना वो होता है ना पॉइंट्स गेन करने शुरू कर लेने चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिए आपके लिए उतना उतना मुश्किल होता जाएगा, स्पेशली जब आपको 60-70 पॉइंट्स चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट, और या अगर आपकी टीम कंपेटिटिव है तो शायद वो ज्यादा पॉइंट भी ले जाए। एग्जैक्टली पॉइंट बहुत मैटर करने वाले हैं आज के इस दिन के अंदर भी, और टीम्स ये माइंड बना के आई होंगी कि हमने किधर किधर जाना है। एज ऑलरेडी गो थ्रू विद द टीम्स, मतलब टीम के नाम से जो मैं आज के दिन में जो ग्रुप टू में आप खेलने वाले हैं उसमें से टीम्स में जा रहा था, तो भाई उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें और बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम मुझे देखने को मिले। तो इट्स मीन कि आज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलने वाला है। और अभी भी अगर बात कीजिए जो कल की अगर लिस्ट की बात कीजिए, जो टॉप लेवल टीम्स कल के फर्स्ट ग्रुप में रहती थी, तो आज का उस लिहाज से जो आज का ग्रुप है इतना मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगा जितना का फर्स्ट ग्रुप था। तो आज का ग्रुप देखते हैं कि आज यहाँ पर टीम्स किस तरह परफॉर्म करती हैं, क्योंकि कल का ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, टीम्स काफ़ी वेल नोन बीच में टीम्स मुझे नजर आ रही थी, बट आज के दिन के अंदर अगर बात कीजिए तो डीमन प्राइड की बात करूँ, डीमन प्राइड काफ़ी अच्छा एक वो कहते ना एक तबाही किस्म की टीम फ्रॉम पाकिस्तान साइड, अगर वो टीम यहाँ पर देखते हैं किस तरह परफॉर्म करती है। एज मतलब कि कल जिस तरह हमने हाउस ऑफ ब्लड को मैंने पहले ही एक बड़ा शाउट आउट दे दिया कि यार ये बड़े क्रेजी बॉयज हैं, वो यहाँ से कल क्वालिफाई कर नहीं पाए, बट देखते हैं कि आज डीमंस का मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बट डीमंस आर प्लेड वेरी वेल इन पाकिस्तानी रीजन, वो काफी अच्छी टीम रहने वाली है फ्री फायर की। तो देखते हैं कि आज के इस वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में हमें देखते हैं कि वो किस तरह यहाँ पे भी वो कहते हैं अपना जो प्रॉपर स्किल IQ गेम प्ले किस तरह दिखाते हैं हमें। बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट की इस खास तौर पे वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप की बात की जाए डीमन, तो जो टीमें जिनके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, जिनके ऊपर हमने कहा था ये टीम बहुत अच्छी है, ये आके सबको मारेगी, इनके ऊपर ख्याल करना है, उन टीमों से परफॉर्म नहीं किया जा रहा, और जो टीमें जिनको कोई नहीं जानता, जो नए नाम आ रहे हैं, उन लोगों ने ऐसा धूम मचा दिया, मैं कहता हूँ कि उन लोगों को हर तरफ उन लोगों ने खोले हुए यहाँ पे पॉइंट्स गेन करना शुरू, किल्स लेना शुरू किए हैं। मतलब 5 MT के गेम में जाते हमें पता था एक टीम अच्छी है, जानी पहचानी है, बट वही वाली बात यह है कि इतनी कोई हमारी फेवरेट नहीं थी उस कल के ग्रुप में जाते हुए, बट उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रोटेशन, उनकी केमिस्ट्री ऑन पॉइंट थी गेम के शुरू से लेके 25 जब तक मैप खत्म नहीं होता पूरे मैप तक उनकी जो केमिस्ट्री थी ना वो इतनी अच्छी थी कि वो स्टार्ट से चार बंदे लेके चलते थे, और जब आखिरी सर्कल बनते थे तो एक ही टीम नजर आती थी जिनके चार बंदे वो थे 5 म्यूटेंट्स, बाकी किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 1 खड़े होंगे, नहीं, लेकिन 5 म्यूटेंट्स वहां पे वलीद के साथ, वहां पे 2 फेस के साथ सारे के सारे प्लेयर्स खड़े होते थे, और उनकी ये भी नहीं थी कि वो कहीं जाके छुप के कोने में बैठ जाते थे, नहीं, वो होते थे सर्कल के दरमियान में, वो होते सबके दरमियान में, उनकी इतनी अच्छी मैप प्रेडिक्शंस थी कि सर्कल दरमियान में खड़े होकर सारे किल्स ले रहे होते थे गेंद, और फिर भी वो सर्वाइव कर रहे थे, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी। तो आई थिंक आज भी शायद हमें, मेरी उम्मीद है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि आज भी मुझे उसी तरह कुछ अच्छी टीम नजर आए। बिल्कुल, मैं भी यही देखना चाहूंगा कि आज जो है वो किस तरह का जो माहौल जो है आज जब बरमूडा का जो पहला मैच रहेगा, तो मेरे ख्याल से हमें पहले मैच में ही ये नजर आ जाता है कि कौन सी टीम्स परफॉर्म करने वाली हैं ऑन द स्टेज,
एंड कौन सी टीम्स जो है थोड़ा पीछे रहेगी आज। पर अगर बात कीजिए पहले 3 मैचेस की, तो पहले 3 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द पॉइंट टेबल। अगर जो बात कीजिए स्कोर बोर्ड की, मैं बात करूँ तो स्कोर बोर्ड में ये पहला जो 3 मैचेस रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद जो आखिरी 3 मैचेस हैं उसमें डू एंड डाई कंडीशन रहेगी, जिस तरह का कल वाला सीन रहा था कि टीम जो है वो अपनी प्लेस के लिए, मतलब कि भी थर्ड एंड फोर्थ प्लेस के लिए भी काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। तो आज भी देखते हैं कि क्या सीन बनता है कि टीम्स जो हैं जो जो आई डोंट वांट टू सी ए बिग नेम्स ऑन द सेकंड पेज। और आल्सो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि अंडरडॉग्स जो टीम्स हैं, जो कि न्यू न्यू टीम्स हैं, जो जो कि यहाँ पर भी हमारे सामने पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रही होंगी, वो भी जम करके आ गए हैं। एक नए नाम्स के, नए हमें टीमों के नाम देखने को मिले, नए प्लेयर्स हमें देखने को मिले। जो जो अगर बात की जाए फ्री फायर की, तो फ्री फायर वर्ल्ड में डे बाई डे हमें न्यू से न्यू टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है, और दिस इज एक्चुअली गुड। मैं कहता हूँ कि जितना न्यू टैलेंट हमारे सामने ऑन स्क्रीन आता रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल। ये काफी आगे तक जाएगा, क्योंकि ये तो एक लाइक स्टेप है अभी। अगर इंडिया टुडे गेमिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, कि ये तो अभी जस्ट स्टेप है, अभी इस तरह के बहुत सारे और भी इवेंट आएंगे, और इतना बड़ा इवेंट भी आपके सामने लेके आए हैं, तो मतलब इससे भी बड़े और इवेंट आने वाले हैं फ्रॉम द इंडियन टुडे गेमिंग साइड। और आप देखिएगा कि भी देखते हैं कि भी इन फ्यूचर जो है कि कौन कौन से इवेंट आते हैं, बट इस इवेंट को आपने फुल हैवी जो है ना लव और लव शो करना है, अपना प्यार शो करना है इस चैनल के ऊपर, और हर टीम को मेरे ख्याल से सपोर्ट करना चाहिए आपको इस जो पार्टिसिपेट कर रही है डे टू डे गेमिंग। बिल्कुल। और ये जो मौके होते हैं, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी तो आप रीजनल क्वालिफायर्स खेले, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप अच्छी टीम है तो आपको नेपाल और इंडिया की टीम से भी मुकाबला पड़ेगा, जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बेहतरीन टीम्स का शुमार होता है। वहाँ पे फ्री फायर की दुनिया वहाँ पे बसती है, वहाँ पे ज्यादा बेहतरीन टीम्स भी मिलेंगी आपको बाकी पूरे रीजन के अंदर। तो पहले तो आपको एक पहला हर्डल क्रॉस करना है, बट दूसरी बात, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दोबारा भी मिलेगा, और सीखने की बात की जाए तो इससे बेहतर मौका सीखने का कहीं नहीं होगा। बट इन सब की हमने बात बहुत कर ली है डीमन, इन सब को रखते हैं एक तरफ खोपचे में। बात करते हैं आज के दिन की, मैप नंबर 1 बरमूडा का स्टार्ट हो चुका है, और आज के लिए ये मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टीम्स के लिए एक वो मोमेंटम सेट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस सेट हो जाता है। ये डे 2 मैप 1 है, और ग्रुप वो भी 2 का। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखते हैं कि मैप की तरफ अगर बात कीजिए, तो मैप बमूदा एज यूजुअल अगर बात कीजिए, लुक एट द शिपयार्ड वाली साइड पे देखें, बड़ी जल्दी से LFP के बॉयज वहाँ पर लैंड कर चुके हैं, और अभी बाकी टीम्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, और अभी तक कोई भी मुझे ड्रॉप क्लैश नज़र नहीं आ रहा आरजी। और अभी अगर बात कीजिए जो क्लॉक टावर है, मेरे ख्याल से मोस्टली टीम्स का फेवरेट रहने वाला होता है, बट इस मैच के अंदर मुझे SCN के बॉयज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और मज़े की बात अगर आप देखें, आज का जो पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, तो वी डोंट हैव ए ड्रॉप क्लैश, अभी तो कोई भी हमें ड्रॉप क्लैश उस तरह नजर नहीं आ रहा। एंड आई थिंक ए गाय इज डिसकनेक्टेड, जो कि मेरे को बिल्कुल नहाने वाली साइड पे जाने लग पड़ा है, बट देखते हैं कि अभी क्या सीन बनता है। टीम 10 जो है एक प्लेयर PS का यहाँ पर भी बिल्कुल साइड टू साइड नजर आ रहा था, और फाइनली अगर टीम 5 MYC की बात करूँ, तो लुक एट दिस भी यहाँ पर अभी जल्दी से इन्होंने जितना टाइम इनको चाहिए लूट का, और काफी इजी लूट इनको मिल जाएगी, क्योंकि आज का जो पहला दिन, जो पहला स्टार्ट रहा है, तो मुझे ड्रॉप क्लैश पहले ही दिन में नजर नहीं आ रही। इट्स मीन के हर प्लेयर के पास एक अच्छी लूट रहने वाली है, हर टीम के पास अच्छी गन्स रहने वाली है, मतलब कि टीम्स काफी सोच समझ के आज चार्ज करते हुए नजर आ रही होंगी। इन्हें फर्स्ट मैच और फर्स्ट ब्लड हमें देखते हैं कि कौन सी टीम का फर्स्ट ब्लड यहाँ पे भी गिरता हुआ नजर आता है, ये भी हम साथ साथ देखते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो हमें सबसे क्लियर एक ही क्लैश नजर आया, वो RZ टीम का, आर्मी की टीम का, और साथ ही MYC की टीम है, और ऑब्जर्वेटरी के पास यहाँ पे दोनों की टीम मौजूद है। आई थिंक इन दोनों को अंदाजा भी हो चुका है, जिस तरह चारों चारों इकट्ठे मौजूद हैं, एक ही तरह खेल रहे हैं, और अपनी ईस्ट साइड सॉरी वेस्ट साइड को टीम आर्मी एक तरह से देख के खेलते हुए नजर आ रही है कि इस साइड पे कोई ना कोई टीम मौजूद है, तो इनको अब ये अंदाजा कि टीम दूसरी मौजूद है, थोड़ा डिफेंसिव भी खेल रहे हैं, आधा आधा साइड लूट भी कर रहे हैं। दोनों की टीम्स के प्लेयर्स को देखिए, कुछ भी अग्रेसिव नहीं हो रहे, बट मैं बात कहता कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्लड नजर आए शायद, बट यहाँ से आर्मी की टीम, उनको अर्ली क्लास से कोई लगन नहीं है, उनको कोई शौक नहीं कि हम यहाँ पे अर्ली फाइट ले। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से अपनी गन उठाई है, उन्होंने वहां से कहा कि हम यहाँ से 2-9-11 होने, 9-2-11 होने लगे हैं, और वह वहां से निकल के कहीं और रोटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज द टाइम जहाँ पर टीम्स को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपेटिटिव वर्ल्ड में ये चीजें काफी मैटर करती हैं। अर्ली फाइट जो है उसमें ऑफ कोर्स अगर बात की जाए अर्ली फाइट्स की, तो यहाँ पर हमें लूट अच्छी देखने को नहीं मिल रही होती, एक प्रॉपरली सिचुएशन की बात करूँ टीम्स के पास वो नहीं आ रही होती, बट किसी टाइम पे भी यहाँ पर नॉक पड़ सकता है। एंड फर्स्ट नॉक, ओ माय गॉड लुक एट दिस, फर्स्ट नॉक, एंड यहाँ पर कंफर्म तो मेरे ख्याल से कंफर्म करना तो बनता है, एंड हे यू गो द फर्स्ट ब्लड इन फ्रंट ऑफ यू।
पहला यहाँ पर अगर बात कीजिए ना, यहाँ पर खून लग चुका है एलएस के बॉयज को, तो आप देखते हैं कि एलएस के बॉयज अब बाकी किस जैसे किस तरह उठाते हैं। बट अब टीम की बात करूँ, टीम जो कि बात कीजिए गोर्जी की बात कीजिए, तो वो अब जो है ना आज के दिन में उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अर्ली स्टेजेस में उनकी एक एक प्लेयर उन्होंने लूज कर दिया, एंड नाउ द टीम नीड टू मूव फॉरवर्ड। अब उनको आगे की तरफ जाना चाहिए, ना कि भी मेरे ख्याल से क्लैश करना चाहिए। अगर क्लैश कर सकते हैं तो दिस इज एक्चुअली गुड। बट एमवाईसी का एक प्लेयर और नॉक होता है, दिस इज द सेकंड प्लेयर जो कि यहां पे नॉक होगा, एंड न्यू किल लीडर ऑन बोर्ड। भाई क्या जबरदस्त यार, जीजी भाई आते ही साथ यहाँ पर जितना मतलब कि हमें स्लो एंड स्टेडी गेम लग रही थी, एकदम 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 एक माहौल जो है ना गर्मा गर्मी का बन चुका है यार आरजी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यहाँ पे आज जी का उमर यहाँ से अर्ली एक एग्जिट लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं, फौजी शॉटगन यहाँ पे उनके पास पैन रहने वाला है, तो एक लॉन्ग रेंज फाइट इनके लिए एक फेवरेबल नहीं होगी, बट इनके ऊपर बिल्कुल रश किया जा रहा है और इनके साथ ही साथ एलएस का स्क्वाड भी इनके ऊपर रैप अराउंड करते हुए नजर आ रहा है। ब्लैक हॉक आई थिंक इन्होंने मिस किया है या सर्कल अराउंड कर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं टीम में किधर प्लेयर्स मौजूद है, बट यहाँ पे अब इन सेकंड स्क्वाड का बचना बहुत मुश्किल हो चुका है, इनको रश किया जा रहा है एलएस के स्क्वाड के ऊपर। तो अब जोकर यहाँ पे थोड़े से जो है ना मैं कहता हूँ कि इनके सामने मौजूद है, बट समी इनके पास गाड़ी मौजूद थी, उन्होंने यहाँ से सुकून से भाग गए हैं। जोकर थोड़ी सी शॉर्ट्स लैंड करने की कोशिश जरूर करते हैं बट मुश्किल होती है, कुछ भी कनेक्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पर ट्रेसिंग करने की प्रॉपरली कोशिश की है कि यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेस किया जाए, बट अगर बात कीजिए गाड़ी काफी डैमेज हो चुकी है, एंड ही इज जस्ट टाइमली मूव फ्रॉम दिस प्लेस। गाड़ी को काफी डैमेज मिल जाएगा, लुक एट दिस, मतलब गाड़ी से अभी भी मुझे स्मोक नजर आ रहा है। तो भाई अगर थोड़ा सा और एक स्टेबल स्प्रे यहाँ पर भी पड़ता तो गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती थी। यहाँ पर भी गाड़ी ब्लास्ट होती तो डायरेक्ट नॉक नहीं होता, डेथ सेंटेंस ही मिल जाता है उनको कि भाई जन टाटा बाय बाय। तो अभी अगर बात की जाए लाइक आप देख सकते हैं फोर डी की बात करूँ, तो वहां पर अगर बात देखें गोर्जी की बात करें तो बिल्कुल उनके आसपास बिल्कुल साइड टू साइड यहाँ पर समी यहाँ पर रहने वाले हैं। समी के पास बिल्कुल यहाँ पर एक चार्ज बढ़ चुका है, एंड मेरे ख्याल से समी इज दी ओनली गाय हेयर, और यहाँ पर मैर आ चुका है, मैर यहाँ पे क्लोज करना चाहेंगे, एंड हे यू गो मैर। ओहो भाई साहब, भाई समी ने यहाँ पर तबाही बचा दिया, बट समी ने एक और प्लेयर को नॉक किया, बट समी को बैक एंड से एक अच्छा स्प्रे आता है और जल्दी से एक बात की 4D अपने प्लेयर को यहाँ पर भी रिवाइव करने के लिए पहुंच चुके हैं। समी को यहाँ पर कंफर्म करेंगे, एंड 4D भी अपना एक प्लेयर लूज कर चुके हैं, बट अगर 4D की बात करूँ तो यहाँ पर उनके पास भी एक किल आ जाएगा। अभी भी CN की बात करूँ तो CN के पास भी यहाँ पर टीम रहने वाली है, वो भी यहाँ पर यही देख रही है कि अभी यहाँ पर किस तरह की जो माहौल जो है कहाँ कहाँ तक पहुंचता है। गर्मा गर्मी का माहौल तो काफी लग रहा है मुझे आज। बिल्कुल, यहाँ पे हमें अब फाइट्स होते हुए नजर आए स्पेशली इन द फिफ्थ मिनट। यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर दो टीम्स आ चुकी है, कल भी हमने यहाँ पे 5MT और FF की फाइट देखी, तो अब दोबारा यहाँ पे फाइट होते हुए नजर आ रही है। TG का स्क्वाड फैक्ट्री के बिल्कुल बाहर मौजूद है, इनके ऊपर लाइट साइड से CN का स्क्वाड भी मौजूद है। क्वेटा यहाँ पे नॉकडाउन कर दिए गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए शील्ड्स लगाई गई है और अब रिवाइव कर लिया जाएगा। बट यहाँ से जहाँ पे लोग मौजूद है इतना कोई खास शील्ड्स नहीं है, थोड़ा सा इनको आई थिंक कवर अपना थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ी सी मूवमेंट करने की जरूरत है। CN का स्क्वाड यहाँ पे सर्कल उधर फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, बिल्कुल रश आता यहाँ पे TG के शाकी को नॉकडाउन कर देते हैं और साथ रेड से शाकी को और बैड सनी को भी कर देते हैं। चार प्लेयर बल्कि आठ प्लेयर एक ही जगह के ऊपर फाइट लेते हैं नजर आ रहे हैं CN, बट इस फाइट में हमें ज्यादा अच्छी चीज वो नजर आती है जहां से आहिस्ता आहिस्ता टीम्स के सारे प्लेयर्स को TG के यहाँ से नॉकडाउन कर चुके हैं। आई थिंक एक ही पीछे बचा है, बिल्कुल एक प्लेयर रह चुका है, बट अगर बात की जाए टीम 10 की तो टीम 10 भी यहाँ पे क्लोज में रहने वाली है, तो टीम 10 भी यहाँ पे देख रही होगी कि क्या सीन बनता है कि नहीं बनता। TG क्वेटा भाईजन देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह खेलते हैं, क्योंकि क्वेटा इज हेड यहाँ पे नेट फेंकते हैं और रेड को काफी लो HP भी कर देते हैं, ऑलमोस्ट हाफ HP कर दिया, बट रेड जो है वो जल्दी से इन्हें कवर फील्ड यहाँ पे मूव करके जाता है। और अभी देखते हैं कि अभी आखिरी जो है किस तरह यहाँ पे प्ले करते हैं, क्योंकि LFP की बात करूँ वो भी साइड टू साइड यहाँ पे मूव कर रही है, DP की बात करूँ DP भी यहाँ पर रहने वाली है, जोन का डैमेज यहाँ पर मेरे ख्याल से टीम अभी कुछ ही देर में अभी ऑब्जर्व करते हुए नजर आएगी। MYC की बात करूँ तो भाई वो यहाँ पर जोन का डैमेज कैरी करते हुए नजर आ रहा है, LFP के बॉयज भी यहाँ पर कुछ कैरी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ अगर 7S की बात करूँ वो भी थोड़ी देर में जोन के शिकार होने वाले हैं, DP एंड LS के बॉयज ये भी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये टीम किस तरह यहाँ पर भी खेलती है, किस तरह मूव करती है। बट अभी भी अगर बात की जाए CN रेड को देखें, वहाँ पे फैक्ट्री वाली उस एरिया में यहाँ पर भी रहने वाले हैं और अभी भी वहाँ पर ही हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर मे भी कोई फाइट देखने को मिले, बट LFP के बॉयज हमें देखने को मिल रहे हैं। जल्दी से इन्होंने भी यहाँ पर लूट एंड अपनी अपने लिए हीलिंग्स उठा रहे हैं, क्योंकि दिस बॉय नो दैट कि जोन के बाद जो है काफ़ी हमें डैमेज मिल जाएगा, तो उसके बाद हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हीलिंग काफ़ी मैटर करती है, आप मेडिसिन जो है जितनी आप उठा सकें उतनी ही कम रहेंगी।
पीएस का स्क्वाड हमें जो काफी कंसंट्रेशन नजर आ रही है वो एक तो क्वाटा की तरफ नजर, कोटा की तरफ नजर आ रही, दूसरी तरफ हमें वो उस फैक्ट्री की तरफ नजर आ रही है। एसबी का स्क्वाड भी वहीं पे है, पीएस का स्क्वाड भी वहीं पे मौजूद है। और ये वो बात है कि जो हम सर्कल को देखें जो थोड़ा सा ना मैप के निचले हिस्से की तरफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए फैक्ट्री सर्कल का सेंटर बनता है। सारी की सारी टीम कोशिश यही थी कि हम सारी फैक्ट्री के अंदर रिजाइड कर लें, बट अब मसला ये है कि सीएन का स्क्वाड वहीं पे है, 5-4-D का स्क्वाड वहीं पे है और लेफ्ट साइड पे एक और स्क्वाड फैक्ट्री के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल हो चुका है। और अगर हम फाइट की बात करें तो अभी भी 11 स्क्वाड्स अलाइव हैं, 37 प्लेयर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फैक्ट्री के अंदर यहाँ रहना कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी होगी, बिकॉज आप फाइट जीत भी जाते हैं, वही वाली बात है, जंग में जो होते हैं ना लॉस दोनों साइड्स का होता है, तो आप अपने प्लेयर लूज कर देंगे। और इन तीन में से अगर आप इन तीन स्क्वाड से जीतते भी हैं तो पीछे 8 स्क्वाड्स बचे होंगे जिनके चार चार प्लेयर जिंदा होंगे, तो गोइंग इनटू द लेटर गेम जहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके, 16 मिनट गुजर चुके, वहां पे आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली अगर आपने बुआ सिक्योर करना है। तो आई थिंक फैक्ट्री से निकल जाए, और यही कह रही है मेरे ख्याल में पीएस का स्क्वाड फैक्ट्री को रैप अराउंड कर रही है, फैक्ट्री से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, पीएस को अगर देखिए, सीएन के बॉयज को देखें तो सीएन तो बिल्कुल फैक्ट्री को होल्ड करके बैठी है, बिल्कुल अंदर के साइड पे रहने वाले हैं, बट 4D के बॉयज भी यहाँ पर रहेंगे। और उसी उसी के साथ मेरे ख्याल से सब टीमों को ये अंदाजा हो चुका है कि हमारे लेफ्ट राइट यहाँ पे टीम्स रहने वाली हैं, तो वो काफी सोच समझ के ही यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर बात करें किसी के भी मतलब कि प्रॉपर एडीएस में आती है कोई भी टीम आती है तो उसको यहाँ पे टेक डाउन किया जा सकता है आराम सुकून से। जो टीम जितनी भी यहाँ पर रहने वाली है, सीएन की बात कीजिए, 4D की बात कीजिए, तो ये बॉयज इतने क्रेजी रहने वाले हैं कि ये इतनी पावर रखते हैं कि किसी टीम के लिए को भी एक टफ टाइम देते हुए नजर आएंगे। तो ये भी देखते हैं कि यार कि किस तरह यहाँ पर की टीम्स जो हैं आगे परफॉर्म करते हुए नजर आती हैं, किस तरह खेलते हुए नजर आती हैं। बट पीएस कामी की बात करूँ वो भी यहाँ पर रहने वाला है, एलएफपी की बात कीजिए, तो टीम्स आज काफी सोच समझ के खेलते हुए नजर आ रही है कंपेयर टू यस्टरडेज मैच। कल के अगर मैच की बात करें आरजी, तो जिस तरह कल की हमें जो फाइट्स हमें देखने को मिली है वो आज वो सिलसिला नहीं है, काफी सोच समझ के एक प्रॉपर वे में यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल रही है, एक वो जल्दबाजी नहीं की जा रही जिसने कल एक प्रॉपर एग्रेसिव सीन हमें देखने को मिल रहा था। बट सर्कल की बात की जाए आरजी, लुक एट दिस, फैक्ट्री को ही यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है, और फैक्ट्री में ऑलरेडी टीम्स वहां पर जो होल्ड करके बैठी थी, तो मेरे ख्याल से नाउ एक एक अगर थोड़ी देर और यहाँ पर भी होल्ड किया जाता है उनकी तरफ से, पीएस की तरफ से एंड सीएन की तरफ से, तो उनको ये चीज काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है कि अगर सर्कल बैक टू बैक वहां पर आता है तो इतनी देर में बाकी टीम्स जो हैं और एक दूसरे से फाइट करके एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगी, यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट का काफी फायदा हो जाएगा। अभी भी 11 टीमें ऑन बोर्ड रहने वाली हैं आरजी। 11 टीमें अभी भी ऑन बोर्ड है, पिछले मतलब हमारी फाइट जो पहले 2 मिनट नहीं हुई उसके बाद 2 से 5 मिनट तक हमारे पास काफी ज्यादा फाइट होती हुई नजर आई थी, लेकिन 5 से 10 मिनट के दरमियान अब वो तूफान फिर थम चुका है, टीम्स आ चुकी है रोटेशन की तरफ। और पीएस की कितनी खुशकिस्मती है, इनके बिल्कुल साथ जाके एक बॉक्स गिरा है, मतलब ऐसी किस्मत मुझे भी चाहिए कि आपके उस ऊपर आके बॉक्स गिरा, आपको बाहर भी निकलना पड़े। अब इनका लेवल 3 हेलमेट वगैरह भी मिल चुका है, मेरे थोड़ा सा डैमेज ले रहे हैं और इनको अकेले प्लेयर्स वैसे के यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ख्याल भी करना पड़ेगा इनको, आप जैसा उड़ते उड़ते आ रहे हैं गलत जगह ही ना आगे फंस जाए। बट उनके लिए अच्छी बात यह है कि हैंगर में कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है। बट इवन अब सीरियस टाइप की बात ये कहते हैं वो फैक्ट्री के आसपास 6 से 7 स्क्वाड्स मौजूद है, फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही सर्कल बन रहा है, एलए एलएफपी और दिस इज इनसेन। और यहाँ पे एलए के और एलएफपी के बहुत जल्दी फाइट होने वाली है, डीपी इज मैं कहता हूँ थोड़ी सी रिलेटिवली सेफ है, एलएस 4D पीएस और ये 4 स्क्वाड जो फैक्ट्री के बाहर है ना, इज एग्जैक्टली अंदर बाहर है, इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, गॉडजिला ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज भी ले रहे हैं। एंड राइट नाउ जो मुझे यहाँ पर जो टीम नजर आ रही है सीएन की बात करूँ तो सीएन यहाँ पर भी टीपीपी प्रॉपर ले रही है, टीपीपी लेके पीएस को प्रॉपर देख रही है, एंड लुक एट दिस गेम प्लान, दिस इज स्नाइपर, बट ओ भाई साहब टाइमली शॉट उसने किया है, बट लुक एट द टीम, मतलब टीम एक होता है एक टीम वर्क होता है तो प्रॉपर होता है, बट मेड अपने ऊपर ही करते हुए भाई अमेजिंग। यहाँ पर काफी थोड़ा सा जो है ना मिसकम्युनिकेशन हो गई कि एकदम से उन्होंने जब किया तो उसी टाइम यहाँ पर हो गया, बट हियर यू गो ही जस्ट अगेन, ओ भाई साहब इतनी इतनी आसानी से नहीं, इतनी इतनी ट्रिक्स यहाँ पर जो है ना इतनी जल्दी नहीं बचने वाली, बट लुक एट दिस स्टिल सीएन के बॉयज अभी भी यहाँ पर भी इसी मौके की तलाश में कि अब जो है हम यहाँ पे और प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे, बट वंस अगेन एक दफा फिर टेक डाउन किया जाता है। एंड यहाँ पर कामी की जो नजरें हैं ना, कामी की नजरें बहुत तेज रहने वाली हैं, यहाँ से स्नाइपर उसके पास भी रहने वाली है, जल्दी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह वो ऊपर से कोशिश कर रहा है कि हम टेक डाउन करते हैं, बट वंस अगेन दोबारा से उसको टेक डाउन किया जाता है, तो जितनी जितनी दफा नोक होंगे तो ये भी डिसएडवांटेज है उस, बिल्कुल उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि जितने दफा नोक होंगे नेक्स्ट टाइम अगर नोक होते तो हमारी जो प्रॉपरली हम ब्लीड आउट बहुत तेजी से होंगे
अगर थर्ड पे होते हैं या तीसरे पे होते हैं तो आप अगर जरा सा भी दूर रहने वाले हैं आप, तो आपको रिवाइव का मौका नहीं मिलने वाला। तो जितने ज्यादा नोक देंगे आपके लिए अपनी अपने लिए ही परेशानी बनेगी। बट स्टिल अगर बात की जाए एलएस की, तो एलएस यहाँ पर अपने आपको हील अप करते हुए नजर आ रहा है। एलएस के बॉयज के पास भी एक अच्छी प्लेस रहने वाली है, यहाँ पर भी सर्कल के पास ही रहेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए दूसरी टीम की, बात करूँ आरजी की, बात करूँ बिल्कुल जोन के एच पे रहने वाले हैं, तो जोन से निकल के आगे भी जाना। यहाँ पे दो प्लेस यहाँ पे नोक हो चुके हैं। अभी भी बात करूँ एलएफपी की तरफ से एक जबरदस्त किस्म का स्प्रे एंड वन मोर प्लेयर इज डाउन एंड हियर यू गो टीम पीआरजी आर्मी इज एलिमिनेटेड। यहाँ पर दूसरी टीम ऑन द 11th प्लेस हमें यहाँ पर छोड़ के जा चुकी है। ट्रिपल किल यहाँ पर मिल चुका है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और अभी भी फाइट जो है अभी भी बूम बाम सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हे यू गो गोर्जी के पास बॉयज की बात करूँ तो यहाँ पर ये लड़के भी तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द बैक टू बैक एक फाइट के अंदर मुब्तला होते होते देखते हैं कि आप आगे किस तरह मूव करते हैं। लुक एट दिस दिस शार्पनेस, मैं इस चीज की बात कर रहा था कि टीम्स जो है इस चीज को काफी मैटर कर रही होती है कि यहाँ पर अगर बात की जाए He just need to heal up, but oh bhai saab, unluckily, जितनी देर वो कवर में जाते रहे आरजी, कवर में जाने से पहले पहले वो थोड़ा सा हील अप कर लेते तो ये नौबत ना देखनी पड़ती उनको। गॉडज़िला यहाँ पे बहुत आउट इन दी ओपन मौजूद है, सर्कल के अंदर जाना है बट उज़ैर वहीं पे सर्कल के अंदर की तरफ मौजूद है। शायद उज़ैर को इस बात का अंदाजा है कि गॉडज़िला बाहर है, हल तो उज़ैर की काम है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बट ये डीपी का ये सर्कल के अंदर एंट्रेंस फैक्ट्री की जो है ना विसिनिटी जहाँ पे वॉल्स है इसके अंदर जाना ही सबसे बड़ा मसला है कि वो वॉल्स के अंदर जाने के लिए इनको एक आउट इन दी ओपन मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो फेक शील्ड आई थिंक थोड़े ध्यान से इस्तेमाल करें। LFP दो प्लेयर यहाँ पे सर्कल के बाहर मौजूद है, इनके पीछे भी एक प्लेयर मौजूद है आई थिंक, और उसको इग्नोर करके ही इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अब डीमन दिस इज द टाइम, ये वो मौका है जहाँ पे हमारे पास पूरे साइकिल के इर्द गिर्द फाइट्स होते हुए नजर आएंगे, जिनको अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पॉन पॉइंट करना, जिनके ऊपर नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इतने ज्यादा स्क्वाड इतने छोटे सेक्टर में, मतलब एक एक बिल्डिंग है फैक्ट्री की और उसी के इर्द गिर्द 10 स्क्वाड्स मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और वंस अगेन CN अभी भी अगर बात की CN की तो लुक एट दिस, CN अभी भी फैक्ट्री में रहने वाली है और यहाँ पर थोड़ा सा हाउस होल्ड उनको फैक्ट्री होल्ड का उनको पता है कि यार के फैक्ट्री को होल्ड कैसे करना है। और यहाँ पर सारी जो भी टीमें आती जा रही हैं DP की बात की जाए बाकी टीमों की बात की जाए तो यहाँ पर नॉक पे नॉक निकालने की पूरा डैमेज निकालने की कोशिश की जा रही है। बट अभी भी अगर बात की जाए यहाँ पर भी एक प्रॉपरली एबिलिटीज यहाँ पर यूज की जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगे। अल्फा यहाँ पर रहने वाले एलए के बॉय की बात करूँगा, एलए के बॉय अभी भी इस मौके की तलाश में, स्नाइपिंग काफी यहाँ पर देखने को मिली। कल की बात अगर करें तो हमें कल मैं कहता रहूं कि यार कोई स्नैपर नहीं यूज करा, कोई स्नैपर नहीं यूज करा, एंड लुक एट दिस क्विक शॉट, ओ भाई साहब व्हाट ए शॉट। अल्फा इज ए क्रेजी स्नाइपर, यहाँ पर अल्फा की जबरदस्त किस्म की गेम प्ले हमें देखने को मिली। अभी बात करें एलए की, बात करूं तो एलए अभी क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। डीपी के लिए कुछ परेशानी यहाँ पर जरूर बन जा सकती है, जल्दी से शील्ड टू शील्ड आगे की तरफ मूव करेंगे, अभी भी बिल्कुल मौका नहीं देने वाले कि वो बैक ऑफ करें। यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर बात करूं अभी और नेड स्पैम करते हुए, ओ भाई पीछे से प्रॉपर जो है ना फाइट यहाँ मुझे देखने को मिल सकती है। बट डीपी के बॉयज ने बिल्कुल मौका नहीं दिया उनको टेक अपनी और किल्स देने का राइट नाउ। अभी अगर बात करूं पीएस के बॉयज की, बात करूं नोमी की, बात करूं नोमी अभी भी यहाँ पर अगर बात करूं गोर्जी की, बात करूं तो बैट पे रेज रहने वाला है। रेज देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह आगे की तरफ मूव करता है। बट अभी भी CN की बॉयज की बात करूं, दीज गाइज आर स्टिल प्लेइंग आरजी। अब यहाँ पे पीएस के प्लेयर नजर आता है, उनको सबसे ज्यादा टाइम डील करते हैं बट वो प्लेयर दीवार के पीछे चला जाएगा। एटम और किंग अब यहाँ पे भी हाई ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, अब लो ग्राउंड के ऊपर इनको एलए के प्लेयर्स नजर आना शुरू होते हैं और एलए के प्लेयर्स को अब यहाँ पे सर्कल भी बहुत ज्यादा डैमेज डील कर रहा है। तो एक ही प्लेयर छत के ऊपर बैठा है, सबको इतना डैमेज डील किया जा रहा है। पीछे से पीएस की तरफ से थर्ड पार्टी भी किया जा रहा है, एलए एक मुसीबत में फंस चुकी है क्योंकि एटम टॉप पे, एटम को भी थोड़ा सा डैमेज रिट्रीव होता है। बट एटम को क्या टेंशन है, एटम छत पे मौजूद है, एटम को कोई तीसरी टीम भी थर्ड पार्टी कर रही। तो इट्स जस्ट अबाउट एलए का फाइट दोबारा पीएस से शुरू हो चुकी है और पीएस के जानू को थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा। ऑल्दो बड़ा फनी सा नेम है इनका बट कोई बात नहीं, इनको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा वरना इनको यहाँ से जल्दी अलविदा कर दिया जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पीछे भाई यहाँ पर बिल्कुल मौका, बिल्कुल CN के बॉयज जो है बिल्कुल दूसरी टीम को बिल्कुल क्लोज करने का मौका नहीं दे रहे। 4D के बॉयज भी यहाँ पे नॉक होते नजर आ रहे हैं। किल फीड की बात करूँ तो किल फीड बड़ी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। LS की जोकर भी यहाँ पे नॉक्स निकालते हुए नजर आएंगे और अभी भी अगर बात करूँ फैक्ट्री के अंदर भी एक होल्ड काफी बेहतर नजर आ रहा है। LA के बॉयज भी ये चाह रहे हैं कि यार इस मैच के अंदर एक अच्छे चिकन के साथ, सॉरी एक अच्छे भैया के साथ हम मूव करें और आगे की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं कि यार किस तरह मूव करते हैं। अब्दुल्ला यहाँ पर रहने वाले हैं, अब्दुल्ला भी यहाँ से LA के मूव करेंगे। CN की बात करूँ, CN का एक प्लेयर UN रहने वाला, रेड UN, तो
देखते हैं कि यार ये एक लड़का किस तरह खेलता है, अकेला लड़का यहाँ पर किस तरह परफॉर्म करता है, ही इज जस्ट गोइंग फॉर अ हील बैटल, यहाँ पर अपने आपको हील बैटल करते हुए नजर आ रहा है, बट ही हैव द ओनली फर्स्ट लास्ट फर्स्ट एड और मेरे ख्याल से ये भी जोन के अंदर ही यहाँ पर एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। फिर अभी बात करूं एलए की बॉयज की, बात करूं तो एलए भी अब आगे की तरफ मूव करते हुए जाएगी, टॉप थ्री टीमें देखती देखती टॉप थ्री टीमें रह चुकी हैं, सर्कल आखिर एंड टू एंड जाता हुआ नजर आएगा। प्यारा नेड यार, अमेजिंग नेड फ्रॉम द एलए साइड एंड वंस अगेन पीएस वर्सेस द अनदर गाइस द एलएस बॉयज, पीएस एलएस बॉयज। मेरा ख्याल है कि भी यहां पर जो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है वो काफी इंटेंस रहेगी, यहाँ पे कवर में तो रहते हैं एलएस के बॉयज वाले, बट एलएस की बात करूं तो एलएस की जिस तरह ही जोन यहाँ पे टच करेगा काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है, बट एलएस पीएस के बॉयज अकेले रह चुके थे। हे यू गो भाई भाई, बुया बुया अगेन बुया, फर्स्ट बुया यहाँ पर भी जाता है एलएस और ब्लैक हॉक इज द एमवीपी और अमेजिंग बुया आपके सामने गाइस, लेजेंड स्टाइल, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नजर आई, खासतौर पे ब्लैक हॉक, मतलब एनिग्मा ने काफी अच्छा खेला, के 18 ने जो करे प्लेयर्स थे, बट जिस तरह वो आखिरी प्लेयर जिनकी 8 किल्स उनकी थी और वो एमवीपी ब्लैक हॉक हुए हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट बुया लेजेंड स्टाइल ने सिक्योर किया, 12 पॉइंट सिक्योर किया आई थिंक बुया से, और 10-11 इनकी एटलीस्ट किल्स होंगी, मुझे इनकी किल्स की एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर ब्लैक हॉक की 8 है तो इनकी टीम की तो 10-12 होंगी ना, तो इनके मिला के यहाँ पे 24-22 से 23 पॉइंट बन जाते हैं। डीमन क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, क्या एक खूबसूरत आज मैच देखने को बरमूडा का मिला है, इतना इंटेंस, इतना क्रेजी सर्कल था कि फैक्ट्री की जान ही नहीं छोड़ रहा था, और आखिरी सर्कल भी फैक्ट्री से बाहर बन गया, मतलब हो ना कि आप 95% वो फैक्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम फैक्ट्री के अंदर बैठ गई है, और एक पीएस का स्क्वाड था जो फैक्ट्री के बाहर मौजूद था, एंड इन दी एंड उनके लिए फायदा देगा क्योंकि आखिर में सर्कल ने सबको दगा दे दिया, उसने कहा मैं फैक्ट्री से बाहर जा रहा हूँ, और वो आखिर में इसलिए पीएस का स्क्वाड सेकंड नंबर पर सर्वाइव भी कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, और काफ़ क्या ज़बरदस्त किस्म का बुया निकला निकल के आया, और प्लस अगर बात कीजिए प्रॉपर कंपेटिटिव मैच जिसको बोलते हैं ना, वो आज हमें देखने को मिला है, और अगर बात कीजिए स्नाइपिंग की तो आज स्नाइपिंग भी मुझे देखने को मिल चुकी है, आई एम लाइक ए स्नाइपर, मतलब कि स्नाइपर पर्सन में रहने वाला हूँ, मुझे कुछ और गन नहीं पसंद, मुझे स्नाइपिंग का काफ़ी क्रेज रहने वाला होता है इन फ्री फायर, और फ्री फायर भी देख अभी मुझे फाइनली इन दिस मैच, पहले ही मैच में मुझे स्नाइपर देखने को मिल चुकी है, एंड अमेजिंग भाई सारी अगर बात कीजिए सारी टीमों की बात करूँ, सारों ने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म के खेला और सोच समझ के खेला है, हर टीम ने मेरे ख्याल से एक प्लान जिसे कहते हैं ना प्रॉपर प्लान उन्होंने स्टेप रखा है, और काफी सोच समझ के, और मेरे ख्याल से कुछ प्रेडिक्शंस यहाँ पर भी मुश्किलात का सामना भी टीम्स को करना पड़ा जिन्होंने प्रेडिक्ट करके कि यार फैक्ट्री का एरिया ही हम कवर करते हैं क्योंकि फैक्ट्री टू फैक्ट्री ही सर्कल मूव कर रहा है, तो मेरे ख्याल से फैक्ट्री को जिस टीम ने यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश किया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात हुआ, जैसे सीएन की बात कीजिए स्टार्ट टू एंड मुझे सीएन की टीम जो है वो फैक्ट्री के अंदर नजर आई थी, और फैक्ट्री के अंदर ही उनकी जो लास्ट प्लेयर भी था वो जोन से डैमेज होता नजर आया था, तो जो अब बात की जाए मैप वाइज यहाँ पर स्कोर कार्ड आपके सामने रहेगा गाइज, भाई लेजेंड स्टाइल बॉयज ने यहाँ पर भी बोया निकाला है, कितना डिफरेंस है, कितना मैसिव डिफरेंस है टीम लेगेसी पिशावरियंस के दरमियान में और लेजेंड स्टाइल्स के दरमियान में, 12 पॉइंट्स उन्होंने रैंक से लिए हैं जबकि लेगेसी के यहाँ पे 8-9 पीछे ही पॉइंट है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट किल पॉइंट्स में देखें दूसरी टीम की मैक्सिमम 4 किल्स है, 5 किल्स है, 6 किल्स है, जबकि लेजेंड स्टाइल्स के टीम की यहाँ पे 13 किल्स है और 25 पॉइंट निकाले हैं, बट एक और चीज इनसे जो हमें नजर आती है कि लेजेंड स्टाइल्स के ब्लैक हॉक की अकेले 8 किल्स है और 8 किल किसी एक टीम की भी नहीं है, मतलब किसी टीम ने 8 किल्स नहीं निकाले, वो अकेले प्लेयर्स ने टीम से ज्यादा बेहतर खेला है, बट कार्टून नेटवर्क यहाँ पे हमारे पास चौथे नंबर पे रहेंगे 11 पॉइंट के साथ, LFP 9 पॉइंट के साथ पांचवे पे, और 4 डायमंड्स नंबर छठे पे रहेंगे 7 पॉइंट के साथ, टीम कार्टून नेटवर्क ने भी अच्छा खेला था, खासतौर पर उनके प्लेयर्स एक जो हाई ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए छत के ऊपर बैठे हुए थे काफी देर से स्नाइपिंग भी कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें नंबर 4 भी मिला है यहाँ पे। बिल्कुल कार्टून नेटवर्क फैक्ट्री को काफी स्टार्ट टू एंड उन्होंने होल्ड किया एज आई टोल्ड यू, तो भाई अपनी जितनी लोकेशन आप चेंज करते रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बट जी जैक एफएफ क्लब यहाँ पर रहने वाले हैं ऑन 7 प्लेस विद 6 पॉइंट, उसी के साथ सेम अगर बात कीजिए RGA ऑफिशियल यहाँ पर रहने वाली 5 पॉइंट के साथ, और सेम डीमन प्राइड यहाँ भी यहाँ पर रहेगी 5 पॉइंट के साथ, तो यहाँ पर ये डीमन प्राइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 प्लेस के ऊपर जब वो एलिमिनेट हुए हैं तो मुझे लग गया था कि पता कि यार के मैच जो है ना काफी सोच समझ के टीमें खेलना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ऑफकोर्स एज अगर जितने भी हमारे प्लेयर्स हमारे साथ रहने वाले हैं वो ये चीजें देख रहे होंगे सीख रहे होंगे कि यार की किस तरह आपने मैनेज करना है, किस के अगर आप बरमूडा खेल रहे हैं आपने किस तरह उसको टैकल करना है कि भी आपने या तो फिर डिफेंस होके खेलना, अगर बात कीजिए किल्स खुद चल के आई हैं, अगर बात कीजिए वेलेस की बात करूं तो किल्स खुद खुद चल के आई हैं उनके पास,
और ऐसे सर्कल्स की एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि आप सर्कल के अंदर कोई ऐसी जगह ढूंढे, कोई ऐसी पोजीशन ढूंढे जहां पे आपकी एवरी साइड कवर्ड हो। मतलब आपको अब ऐसे सर्कल के अंदर बचना इतहाई इतहाई मुश्किल हो चुका है। मतलब आप जहां भी देखोगे आपको एक बंदा नजर आएगा, एक स्क्वाड नजर आएगा, छुप के बैठोगे, मतलब दरख्त के पीछे पूरे के पूरा एक फौज बैठी होगी, आपका इंतजार कर रही होगी। तो ऐसे में तो सर्वाइव करना सबसे मुश्किल होता है, और खास तौर पर ऐसे सर्कल में जहां पे आखिरी सर्कल में 10 10 नौ नौ स्क्वाड रहते हैं। तो वही बात है, आपके पास स्किल फ्री में आएंगी, चलते हुए आएंगी, बट आपको उस टाइम पे एक चीज आपकी ऑन ऑन पॉइंट होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए आपके कहाँ कहाँ से आपकी एंगल्स कवर्ड नहीं है, आप कहाँ कहाँ से यहाँ पे होता है ना कि वल्नरेबल हो, आपको नजर आता है यहाँ से भी आ सकता है यहाँ से भी। पर अगर आपने अपने एंगल्स कवर किए हुए हैं तो आपको फ्री किल्स ऑल अक्रॉस द मैप मिलेंगी। आपको वहां पे एक बंदा भागता हुआ नजर आएगा या आपको सर्कल के अंदर जाता हुआ नजर आएगा, और यही मेरे ख्याल में काम लेजेंड स्टाइल्स ने भी किया है। उन्होंने अपनी एंगल्स कवर किए, उन्होंने जगह अच्छी ढूंढी, और उसके बाद उन्होंने लोग जो सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे थे, जो कवर से कवर मूव कर रहे थे, उनको वहां पे नॉक करके एलिमिनेट भी किया था। इसी वजह उनके 13 किल्स भी आई नजर में। बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करूंगा, और यही चीजें मेरे ख्याल से टीम्स अब सोच समझ के ही अब आएंगी आगे, और ये प्लान करके आएंगी कि कैसे कवर करना है अपने आप को। और नेक्स्ट मैच देखते हैं, क्योंकि जो कि भी काफी इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है हर टीम के लिए। और ऑफ कोर्स भी अगर बात की जाए एलएस की, मैं बात करूं तो एलएस के बॉयज तो ये सोच रहे होंगे कि भी अब अगले मैच के अंदर भी हम एक मैसिव किस्म की किल्स अगर कर लेते हैं तो वो भी दीज गाइज आर अनकैचेबल ऑन दिस स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में बिल्कुल अगर अनकैचेबल टीम रहती है तो काफी मुश्किलात जो का सामना जो है डिफरेंट टीम्स को करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस जो टीम स्कोर ज्यादा बना लेती है, पॉइंट ज्यादा बना लेती है, इन टोटल पॉइंट की बात करूँ तो पॉइंट की सारी गेम रहती है यहाँ पर मोस्टली। अगर आपकी बात करूँ तो यहाँ पर मैंने मोस्टली मैचेस में ऐसा भी देखा है कि जो टीम बुया निकाल चुकी होती है और मतलब की भी प्रॉपर गेम कर रही होती है और बुया भी निकाल रही है, ठीक है, प्लेस निकाल रही है, बट एक ऐसी टीम आगे जा रही होती है फर्स्ट प्लेस के ऊपर जिसने कोई बुया नहीं निकाला होता, बट सेकंड थर्ड प्लेस पे आ रही होती है, बट उसके किल्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं ऑन दैट टाइम। अगर बात कीजिए पॉइंट सिस्टम की, पॉइंट सिस्टम आपके साथ शेयर किया हुआ, सिक्स सेकंड एंड थर्ड पे काफी ऑसम पॉइंट रहते हैं। अगर आपके पास अच्छी किल्स हैं और आपने बुया भी नहीं निकाला हुआ तो काफी मतलब कि आप जंप करके ऑन टॉप जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको बुया पे 12 मिल रहे हैं तो जो टीम दूसरे तीसरे नंबर पे है उनको 9 8 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो 3 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं, वो सिर्फ सिर्फ 3 किल्स होती हैं, बट आपकी किल्स भी उतनी ज्यादा ही होनी चाहिए। रैग पॉइंट्स में तो जो दूसरी टीम थी वो इसलिए इतनी नीचे थी क्योंकि ओवरऑल स्कोर मैप वाइज स्कोर कार्ड के अंदर, क्योंकि लेजेंड साइज की किल्स भी बहुत ज्यादा थी। बट डीमन आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हमारी जाते हुए इस गेम के अंदर भी वो यही थी कि डीमन प्राइड एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। कल की तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि बिल्कुल हाउस ऑफ ब्लड अच्छी परफॉर्मेंस देगी, बट आई थिंक ये टूर्नामेंट ना हमें मायूस करने के लिए आई है। इन्होंने कहा कि आज तो हमने कास्ता से जो लगाई ना एक्सपेक्टेशन, जो उनकी प्रेडिक्शन होंगी उनको हमने करना है मायूस, जो ये बिल्कुल कहेंगे उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हुए हमें नजर आ रहा है आज भी। बिल्कुल ऐसा ही, और देखते हैं कि भी अभी बाकी जो जो अभी टीम ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, जो भी टॉप ऑफ कोर्स सबकी नजरें टॉप 4 पे रहने वाली होंगी कि टॉप 4 में जो टीमें अभी हमें नजर आ रही हैं तो वो पॉइंट्स अपनी जो प्लेस है वो उसको स्टेबल कर पाती हैं इन द नेक्स्ट मैच के नहीं, क्योंकि हर टीम अभी क्रॉस करना चाह रही होगी। अगर बात कीजिए जो पहली टीम रहती है उसके पास अच्छे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, मुझे काफी जबरदस्त पॉइंट्स उनके पास नजर आते हैं, बट अगर कोई और टीम नेक्स्ट मैच के अंदर किल्स भी निकालती है, बुया भी निकालती है, तो ऑफ कोर्स उसको क्रॉस कर सकती है। और अगर बात कीजिए अर्ली क्लैशेस की, टीम्स बिल्कुल अवॉइड कर रही है, मैंने देखा कि बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल हट के, अर्ली क्लैशेस से हट के दूर दूर होके लूट करके प्रॉपर लूट के बाद ही आते हैं। तो भाई हियर यू गो गाइज, हम आ चुके हैं नेक्स्ट मैप के ऊपर, मैच हो चुका है स्टार्ट, और देखते हैं कि भी इस मैच के अंदर हमें किस तरह टीम परफॉर्म करते हुए नजर आती है। क्या एलएस वंस अगेन एक अनबीटेबल गेम यहां पर भी निकालती है, वंस अगेन बुया निकालती है कि नहीं निकालती? पर्गेट्री का मैप है, डे 2 मैप टू ग्रुप 2, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक जो प्लेन है वो हाफ हाफ में कट कर रहा है मैप को, तो कोई इतना कोई खास मसला नहीं है। साउथ से नॉर्थ की तरफ ओ, जा रहा है, और क्लैशेस। ओ डीमन यू आर राइट, वो नीचे बॉटम आइलैंड के ऊपर जहाँ पे फायर ब्रिगेड है, लंबा मिल है, वहां पे हमारे पास 6 से 7 स्क्वाड, रेज का स्क्वाड, गॉड Z4T LFP LS और जो पिछले बार जीते भी थे, और यहाँ पे RZ जो कि मेरे ख्याल में MYC का स्क्वाड है वो भी वहीं पे रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ MYC की अच्छी बातें काफी दूर मौजूद है, बट छोड़े सबको एक बात कोने पे रखते हैं, ऑलरेडी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एक ऐसी के पास ऑफिशियल गन भी है, वो चेज भी करते हुए नजर आ रहे हैं RS के स्क्वाड को।
कुछ मिले भी नजारे, कुछ शॉर्टकट्स भी नजारे, बट अभी तक यहाँ पे एक उस्ताद ने मिली कर दिया है शमी को, अब और केन ने वहां पे इरफान को नॉक डाउन कर दिया, तीनों के तीन प्लेयर्स सरवाइव करते नजारे, बट उस्ताद को इस दफा नॉक करते हैं केन आके यहाँ पे फिल करते हैं, बट यहाँ पे 1v1 चल रहा है और टीम के साइड से बता रही है कि कंधों पे है, बट यहाँ पे सामने एक दो मैं खाली पांच बंदे नीचे लेटे हुए हैं, एक बंदे के मैं तो नहीं कहूंगा फ्री किल्स, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसके लिए तीन तीन बंदे नीचे गिरवाने पड़े हैं इनको, मतलब वहां पे एक प्लेयर आखिरी सरवाइव कर गया था, वो ना करता था वो पूरी की पूरी टीम गई थी, तो बहुत अगली फाइट ली थी। दूसरी साइड पे फौजी सबसे डैमेज लेते हैं 4G के साइड से, और ये वही बातें, ये वो फायर ब्रिगेड वाला इलाका है लंबा मिल वाला जहां पे टीम्स काफी ज्यादा उतरी हैं, और वहां पे अब उजैर आई थिंक काफी मुसीबतें फंस चुके हैं, उनके राइट साइड पे जेंटल मौजूद है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सास्के भी मौजूद हैं। असेंबल होते हुए नजर आएंगी, तो देखते हैं 4D के बॉय यहाँ पर किस तरह खेलते हुए नजर आते हैं। अभी जो पिछला मैच जो अभी मैच का जो स्टार्ट रहा है, अभी जस्ट मैं गाइज आपके साथ शेयर करता चलूंगी, अभी सिर्फ ढाई मिनट अभी गुजरे हैं और इतनी तबाही मच चुकी है। वी हैव स्टिल ऑन बोर्ड 12 टीम्स, अभी भी अगर बात कीजिए हमारे पास 12 टीमें ऑन बोर्ड यहाँ पे रहने वाली है और अभी भी खेलते हुए नजर आ रही है, बट अभी भी बात कीजिए फाइट वाला जो माहौल है वो कम नहीं हुआ। 4D की बात कीजिए, 4D का एक प्लेयर यहाँ पे नॉक नजर आ रहा है, और अभी भी बात करूं यहाँ पे गोडजी की बात, बॉयज की बात करूं, गोडजी नो दैट के पास में ये बंदे रहने वाले हैं। समी की बात करूं, समी यहाँ पे क्लोज करना चाह रहे हैं 4D के बॉयज को, यहाँ पे टेक डाउन करना चाह रहे हैं, एक प्लेयर यहाँ पे नॉक करने वाला है, दूसरा प्लेयर को यहाँ पर भी टेक डाउन करेंगे, एंड हियर यू गो 4D इज इन ट्रबल। यहाँ पे गोडजी के बॉयज की, समी की बात करूं, समी अभी भी यहाँ पर यही चाह रहा है कि यहाँ पर भी किल्स जो है ना उसको कंफर्म, हमें हमारे पास किल्स जो कंफर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर जरूर सिक्योर करेंगे, अपनी किल को यहाँ पर अपने नाम करेंगे। और अभी भी अगर 4D की बात करूँ, 4D अपने दो प्लेयर्स यहाँ पर लूज कर चुका है, एंड उजैर एंड फराज ये दो प्लेयर्स रहने वाले हैं जो अपनी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहेंगे। प्यारा नेड यहाँ पर फेंका जाता है बट कनेक्ट नहीं होता, समहाउ उजैर जो है वापस से अपनी ही प्लेस पे आते हैं एंड यहाँ पर क्लोज करना जरूर चाहेंगे, लो एसपी थोड़ा सा होते हैं एंड यहाँ पर जिस तरह ही बाहर निकल के स्प्रे करना चाहते हैं, ही हैव द एसएमजी हैव लाइक गुड फायर पावर, और मेरे ख्याल से देखते हैं कि अभी एक फायर रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं क्या वो यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं बन कर पाते, बट उजैर इज हियर स्टिल। अगर बात की जाए ओ माय गॉड, गोडजी का एक प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन होता है बट सिक्योरली यहाँ पर किल्स को कंफर्म किया जाएगा, जीजीज फॉर दिस टीम, बट फराज इज द ओनली गाय, सैडली 4D हैव द ओनली गाय लेफ्ट इस मैप के ऊपर, अकेले रहने वाले हैं 4D। लेकिन इन सब फाइट्स के बावजूद अभी तक कोई स्क्वाड रहा वहां से एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन जितना का जितनी अजीब बात कीजिएगा, सारे क्लस्टर हमारा बॉटम साइड पे बना था, सारी टीम्स वहीं उतरी थी, वहीं पे सर्कल हमारे पास बना, ये सब काफी मैप को गए कर रहा है सेंटर और नॉर्थ सेंटर की तरफ, वो नॉर्थ की तरफ बनता हुआ नजर आया जहां पे PS का स्क्वाड है। आई थिंक जहां पे इस वक्त एयर ड्रॉप जा भी रहा है वो जगह काफी सेफ रहेगी, बट अभी भी MYC PS आई थिंक LA के स्क्वाड्स को जो भी गिरते हैं कोई मेजर मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी देखें तो इतने बड़े सर्कल की प्रिडिक्शन लगाना कि इसने किस तरफ जाना है बहुत मुश्किल होगा, तो अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाए लूट के ऊपर, अपने लिए गाड़ी अपने आई थिंक गाड़ियां इकट्ठी करना बहुत जरूरी होती है इन जैसे गेम्स के अंदर, क्योंकि आपके लिए रोटेशन उतनी आसान हो जाती है, गाड़ियां कवर भी प्रोवाइड करती है अच्छा खासा आपको लेटर सर्कल्स के अंदर, तो यही काम इनको भी करना चाहिए कि सुकून से अभी आराम करें, अगला सर्कल जैसे ही बनता है तभी रोटेशन करना शुरू कर दे, बेशक अभी सर्कल कैच पे चले जाए। आरजी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये टीमें मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बिल्कुल उनको ये चीज़ें पता भी होंगी और मेरे ख्याल से मूव भी उसी तरह करते हुए रहेंगे। 4D के बिल्कुल सामने LS का एक लड़का आता है, LS का भाई आते ही 4D को भी यहाँ पर एलिमिनेट करेगा, पहली टीम जो कि यहाँ से एलिमिनेट हो रुकी जाती है, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात कीजिए तो पिछले मैच के अंदर वो काफी जबरदस्त गेम प्ले करते हुए नजर आई थी, बट इन दिस मैच मुझे उस तरह परफॉर्मेंस 4D की उस तरह नजर नहीं आई, पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है, पर मेरे ख्याल से आज का जो ये मैच रहने वाला है वो अमेजिंग रहेगा फ्रॉम दिस साइड। अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा स्टार्ट मिल चुका है काफी टीम्स को, लेकिन एक कुछ टीम्स के यहाँ पे जो अर्ली एग्जिट नजर आए, 48 प्लेयर्स आए थे यहाँ पे, एक पूरा स्क्वाड, एक स्क्वाड के तीन प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट PS का स्क्वाड इनकी एक अच्छी डिसेंट गेम गई थी पिछली गेम में, इन्होंने यहाँ पे तीन सेकेंड पोजिशन के ऊपर आए थे, काफी किल्स भी सिक्योर की थी, बट इनको ऐसी ताकि अबव एवरेज परफॉर्मेंस देने की जरूरत है अगर ये क्वालिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज लेजेंड स्टाइल वो तो काफी डिसेंट अपने लिए एक लीड बना चुके हैं, बट अभी भी उनको कंफर्टेबल नहीं होना।
एक चीज आई थिंक डीमन आप एग्री करेंगे, सी काफी जो प्लेयर्स है ना यहाँ पे आज के दिन, उनका थोड़ा एम मुझे काफी पसंद आ रहा है। कुछ लॉन्ग रेंज फाइट्स हमने देखे, कुछ क्विक स्कोप पिछले मैच के ऊपर देखे, स्नाइपर शॉट्स देखी हैं। अगर हम पीएस की बात भी करें तो पीएस के हर एक प्लेयर ने जो स्नाइपर शॉट्स मारी थी एटम और किंग के ऊपर लो ग्राउंड के ऊपर होके, क्लियरली शोज के यहाँ पे कितने इंप्रेसिव और कितनी कॉम्पिटिटिव टीम्स मौजूद है। एग्जैक्टली और अभी अभी वही चीज हमें देखने को मिल रही है। टीम्स अगर बात कीजिए, 6 मिनट्स गुजर चुके हैं, अभी भी 11 टीमें ऑन बोर्ड रहने वाली, 41 प्लेयर्स रहने वाले हैं, मतलब कि इतने इतने बड़े क्लस्टर के बाद भी टीम्स अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। दिस इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग हमें देखना, हम जो देखना चाह रहे हैं टीम्स जो है वो हमें दिखाना नहीं चाह रही, हम देखना चाह रहे हैं हमें फाइट हो भी एक दूसरे से यहाँ पर फाइट करते नजर आए। बट फाइनली अगर बात की जाए, फाइट वापस आती है डीपी के साथ, यहाँ पर भी पीएस का यहाँ पर भी एक कहते हैं गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आएंगे। बट देखते हैं नोमी यहाँ पे किस तरह खेलते हैं, नोमी आगे की तरफ मूव करते हैं कि नहीं करते, बट ही जस्ट गॉट समथिंग एंड उसके बाद यहाँ से मूव करेगा और इसके बाद आगे ही जाएगा नोमी, यहाँ पर वापस से अपने अपने कंपाउंड में आके कवर में रहेगा और इस कंपाउंड के बाद देखते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह मूव करते हैं, किस तरह खेलते नजर आते हैं। बट डीपी अगर बात करूँ, डीपी की टीम यहाँ पर रहने वाली है और बिल्कुल बिल्कुल कोना यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक छोटा सा कोना मिल जाए, वहां से भी उसको टेक डाउन करें, तो देखते हैं कि क्या बनता है। डीपी आई थिंक यहाँ पे पीएस को एक काम करना चाहिए कि एक किल के लिए इंतजार करना चाहिए कि कैसे जैसे इनको एक किल मिलती है, एक यहाँ पे नॉक मिलता है तो इनको रश कर लेना चाहिए। दोनों एक कंपाउंड किल, कंपाउंड टू कंपाउंड जाने के दरमियान जहाँ कोई कवर मौजूद ना हो तो आपको यही कर लेना चाहिए कि सुकून से इंतजार करें, जैसे आपको एक नॉक मिलता है आप फौरन रश करें और आपके साथ एक एडवांटेज होता है, नंबर्स एडवांटेज, 4v3 होगा, 4v2 होगा, बिकॉज यहाँ पे दूसरे पे डीपी के 3 प्लेयर सर्वाइव करे। ऑल्दो इनको ये तो नहीं पता, इनको लगा कि शायद पूरा का पूरा स्क्वाड मौजूद है वहां पे, बट कोई बात है, आप जैसे प्लेयर नॉक करें आप रश कर सकते हो और ये फ्री किल्स आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे सर्कल बाद में बनेगा तो ये डीपी एक साइड पे, आपके दूसरी साइड पर एक और स्क्वाड मौजूद है, आपके लिए मसला होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आप ही हैं जो इस वक्त सेंटर हो चुके हैं। बट आरजी का एक और स्क्वाड वो काफी अच्छे, उनके लिए परफॉर्मेंस जा रही है, उनको 4 किल्स मिल चुके हैं, स्पेशली गॉडज़िला जेंटल के यहाँ पे काफी किल्स मौजूद है और इस जेएफसी थोड़ी सी मुसीबत में फंस चुकी है क्योंकि उनको एक प्लेयर भी लूज कर चुकी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है और अभी अभी भी अगर बात की जाए जो टीम पीएस रहने वाली है, ये भी देखते हैं कि यहाँ पर पीएस के बॉयज अब आगे किस तरह मूव करते हैं क्योंकि सर्कल के अंदर भी जाना है, अभी तक इसी साइड पर रहने वाले हैं और डीपी के बॉयज यहाँ पर वो जान चुके हैं कि एक प्लेयर हम लूज कर चुके हैं, हसन को ये लूज कर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं। इज दिस ओपी और डीपी, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट नजर आ रहे हैं, देखते हैं कि गॉडज़िला यहाँ पर रहने वाले हैं, रेप्टर यहाँ पर रहने वाले हैं और इसको अभी भी बात की जाए तो अभी भी यहाँ पर टीम जो है पीएस के नॉमी यहाँ पर रहने वाले हैं। एफएफ देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह खेलते हैं, अभी भी नॉक्स पीएस के पावर पर यहाँ पर निकालते हैं, डीपी नजर आ रहे हैं, रेप्टर का यहाँ पर भी पहला नॉक यहाँ पे गिरता है, जल्दी से रिवाइव भी मिल जाएगा। अभी भी जानू की बात करो तो जानू यहाँ पर कह रहे ना, जानू मैं तेरे हाथ ना आनी और वो जल्दी से रिवाइव हो जाते, नॉक हो के भी जानू वापस से जिंदा हो जाते और लेकिन खूबसूरत सा नेड आता है कामी के ऊपर, यहाँ पे रैप्टर थोड़ा सा बिली को बचाने की कोशिश करते हैं और नोबी के बिल्कुल पीछे आ चुके हैं नोबी, यहाँ पे जानू थोड़े से नॉकडाउन हो जाएंगे रैप्टर के हाथों और अभी 2 प्लेयर सर्वाइव कर, उन्हें मौका ही नहीं जिनको इनको आगे रिवाइव शिवाइव करें, बट खूबसूरत तरीके से यहाँ पे वॉल का इस्तेमाल किया जाए, रैप्टर यहाँ से भागते भागते बगैर किसी को देखते हुए घर के तरफ जा चुके हैं और साथ साथ उनकी बेहतरीन कोशिश है किसी ना किसी तरह मैं जूक करवा सकूँ। फ्री फायर की तो बात मुझे बहुत पसंद आती है कि वो जूक जो पार्ट है ना वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 2 प्लेयर्स डीपी के सर्वाइव करें, पीएस के भी 2 प्लेयर सर्वाइव करें, बट यहाँ पे पहले का स्क्वाड आ चुका है वो माल गनीमत लेने के लिए और एक ही नेट आता जो नोमी और अनुषा दोनों को नॉकडाउन करके एलिमिनेट कर देता है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे नॉकडाउन आई थिंक कर चुका है। बिल्कुल पेशावरियंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी एक स्ट्रगल करेगी इस मैप के अंदर, बट डोंट वरी गाइस, अभी हमारे पास अभी भी काफ़ी मैच पड़े हुए हैं तो काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट अभी भी अब आपके लिए रहने वाला है, तो अभी भी आपके पास मौका मिलेगा बैक बैक ऑन ट्रैक आने का। तो देखते हैं कि अभी भी बात कीजिए, शाजी यहाँ पर रहने वाले हैं तो LA के बॉयज यहाँ पर देखते हैं किस तरह खेलते हैं और यहाँ पर अभी भी स्प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह मेरे ख्याल से गाड़ी से उतरना चाहिए था बट नहीं उतरे, गाड़ी यहाँ पर डैमेज होती है और इसी के साथ अगर बात की जाए LA यहाँ पर किल्स की अगर बात करूँ, LA यहाँ पे 4 किल्स कन्फर्म करते हैं, TG कोयटा की बात करूँ यहाँ पे नॉक रहने वाला है, जल्दी से उसको भी रिवाइव मिलना चाहिए, बट अल्फा नीचे से LA के बॉयज जो है वो जल्दी से आगे की तरफ आएंगे मेरे ख्याल से, यहाँ पर किल्स जो है उनको और भी चाहिए क्योंकि उनको खून लग चुका है, वो यहाँ पे जरूर यहाँ पे टेक डाउन करेंगे। सैफ यहाँ पे नॉक रहने वाले हैं और अभी भी बात करूं कोयटा यहाँ पे रहने वाले, बैड सनी इज हियर, मूव करेंगे काफी लो एचपी रहेंगे, वंस अगेन बैड सनी को यहाँ पे नॉक कर दिएगा, अल्फा इज मूविंग फॉरवर्ड, शाजी यहाँ पर LA के नॉक रहेंगे और अभी भी यहाँ पर 3 मैन पावर LA यहाँ पर रहेगी और ओ माय गॉड LA के शाजी को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, बट स्टिल दिस टीम इज ऑन बोर्ड, अभी भी यहाँ पर तुम्हारी गेम प्ले हमें देखने को मिल रहे हैं, हियर यू गो टीम इज एलिमिनेटेड, TG को यहाँ पर खूबसूरत तरीके से 8 किल्स इन टोटल, LA is on ground,
अल्फा यहाँ पर रहने वाले हैं। अब्दुल्ला की किल्स की बात करूं तो 5 किल्स अकेले अब्दुल्ला के रहने वाले हैं इधर यार। आरजीबी अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एलए, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। और एलए का स्क्वाड है जहां जिसने डीपी के स्क्वाड को यहां पे टीए के स्क्वाड को बनाया, पीएस के स्क्वाड तीनों को उन्होंने एलिमिनेट किया है। ऑल्दो इनकी 8 किल्स है बट वहां पे पीएस के दो प्लेयर्स को उन्होंने एलिमिनेट किया, फिर डीपी के दो प्लेयर्स को उन्होंने एलिमिनेट किया, रही सही के साथ उन्होंने पूरे के पूरे आखिरी यहाँ पे टीजी के स्क्वाड को भी एलिमिनेट किया था। तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही इस वक्त एलए के स्क्वाड की तरफ से, जहां पे इन्होंने 20 पॉइंट्स ऑलरेडी अपने लिए गेन कर चुके हैं और 8 किल्स हो चुके हैं। अभी तो 7 स्क्वाड भी पीछे से बचे हैं, तो आई थिंक अब ये लोग थोड़ा सा पैसिव खेले जहां पे इनकी किल्स आई थिंक काफी हो चुके हैं, इनको रैंक पॉइंट्स थोड़े से गेन करने चाहिए। ऑन द अदर हैंड जेएफसी यहाँ पे 4 किल्स हो चुके, 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, डिसेंट गेम इनकी जा रही है बट अच्छी पोजीशन भी है, बट थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा ये 2-3 स्क्वाड्स के राइट एट द सेंटर बने हुए, जिस तरह हम पीएस की बात करते थे ये जब आप बीच में सैंडविच हो जाए तो वो आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर दो टीम्स रश कर सकती है और आपको दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख भी रही होती है। बिल्कुल, आपके ऊपर वो कह रहे हैं सलाद और रायता भी डाल देते हैं तो काफी मुश्किल एलएस का स्क्वाड रोटेट करे ब्रिज से, थोड़ा सा लेट रोटेट करे बट उनके लिए अच्छी बात है कि ना तो ब्रिज के आसपास कोई है तो सारी की सारी टीम सर्कल के सेंटर की तरफ मौजूद हैं। और ये हमें पिछली गेम में भी नजर आया, कल के दिन हमें टीम सेंटर की तरफ सिर्फ 5 एम्प्टी नजर आती थी बट आज की ज्यादातर टीम सर्कल का सेंटर खेलना प्रेफर करती है और एजेस के ऊपर हमें बहुत कम टीम खेलती हुई नजर आती। फैक्ट्री में भी यही हुआ था, सारी टीम वहीं पर मौजूद थी, सबके सब वही रोटेशन कर रहे थे, अर्ली रोटेशन भी वहीं आई थी, तो आई थिंक आज भी यही कुछ हो रहा है भाई। इस मैच के अंदर भी यही सीन बनेगा मेरे ख्याल से, जो टीम्स हैं वो ये चीज़ समझती हैं कि भी कि जो फाइट जो है अगर वो इंटेंस लेवल पे जा रही है तो थोड़ा सा फॉल बैक करना बनता है। अल्फा ऑन द टॉप, एक हाई ग्राउंड में अल्फा मुझे नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर मुझे लग तो नहीं रहा कि टी आर के लिए जे एफ सी के लिए कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम बनने वाली है। अगर जे एफ सी के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बनती है तो काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जे एफ सी की बात कीजिए तो ऑलरेडी एक प्लेयर यहाँ पर भी लूज कर चुके हैं, सर्कल के मिड में रहने वाले हैं। और सी एन की बात करूँ तो सी एन वन से किन, अगर कार्टून की बात करूँ तो कार्टून बॉयज आर स्टिल ऑन बोर्ड, अभी भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। और अभी भी अगर बात कीजिए क्लोज में उनके पास एक टीम आ चुकी है, मे बी यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल जाए। गोडजी के बॉयज काफ़ी अच्छा गेम प्ले उनका मुझे नजर आया और समहाउ अगर बात की जाए वो यहाँ पर क्लोज करते हैं तो यहाँ एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला सीएन वर्सेस दी गोर्जी बॉयज यहां पर मुझे हमें देखने को मिल सकता है। उस्ताद मुझे नजर आ रहे हैं वो अपर हैंड यहां पे, हाई ग्राउंड की अगर बात कीजिए मुझे अल्फा भी यहां पे एलए के नजर आए थे मेरे ख्याल से, उनको भी अभी सर्कल के अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि अभी भी टीम्स की बात करूं तो टीम्स थोड़ी सी यहां पे आउट ऑफ सर्कल रहेंगी। और अभी भी अगर बात कीजिए जो बिल्कुल मिड यहां पे सिचुएशन लेके टीम 3 बैठी हुई है वो उनको भी आप उनके ऊपर भी थोड़ी देर में चलते हैं, बट अभी भी मैं बात करूं या एलएस के जिस तरह बात की जाए तो मेरे ख्याल से एलएस के बॉयज बड़ा केयरफुली यहां पे खेलते नजर आ रहे हैं। 4 मैन पावर यहां पे रहने वाली है ऑन ग्राउंड, ये 4 बंदे अगर एंड टू एंड यहाँ पे मूव करते हैं वंस अगेन अगर बात कीजिए सर्कल के अंदर आते ही यहाँ पर टीम 2 के लिए काफी परेशानी बन सकती। यहाँ से थोड़ी फौजी दूर से फायर शॉट्स फायर कर रहे हैं बट इनके लिए ज़्यादा एटमोस्ट कोशिश यही होनी चाहिए कि जो इनको सर्कल के अंदर जाना ज़्यादा प्रायोरिटी करनी चाहिए। एलएस भी यही कह रहे हैं, गाड़ी पकड़े सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं फौजी, थोड़ा सा दूर से फायर करते हैं बट नथिंग, कोई कंसर्निंग बात नहीं है दोनों स्क्वाड्स के लिए। गाड़ी यहाँ पे फायर दी जाती है और एलएस के जोकर थोड़े से डिफिकल्ट पोजीशन में फंस चुके हैं, उनको वहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे वॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओह बाहर निकलते हैं, डैमेज लेते हैं बट सर्कल उनको डैमेज दे रहा है और ये अच्छी बात रहेगी गॉड्स के लिए, आर जी ए के लिए, उनको सर्कल बाद में डैमेज। अभी तो काफी सारे शॉट्स कनेक्ट की गई हैं बट कोई भी यहाँ पे प्लेयर नॉक नहीं हुआ एंड सेफली वो सारे के साथ फाइनली आई मीन अभी थोड़ा सा वेट भी है कि सारे के सारे सब भागते हुए ओपन इन दी जाए तो फिर भी कोई नॉक नहीं हुआ तो बट उनके दूसरी तरफ एक और स्क्वाड रहेगा। अगर आप आरजी देखो उन्होंने इस लड़के ने काफी जबरदस्त प्लेयर उनका टेक डाउन कर दिया, एलएस का जो एमवीपी रहा था पिछले बुया के अंदर वो यहाँ पर रहने वाला है एंड इसको किल मिल भी जाती है समी को। लुक एट दिस, मेन प्लेयर की किल उठा ली है यहाँ पर एलएस के, तो देखते हैं कि एलएस के बॉयज अब यहाँ पर किस तरह खेलते नजर आते हैं क्योंकि एलएस के बॉयज ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा कश्मकश का शिकार हो चुके होंगे कि यार ये हुआ क्या है एकदम ना, उनको रोटेशन पहले ही कर लेनी चाहिए थी क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि भी टीम एलएस को अल्फा को भी ये चाहिए कि यहाँ पर वो रोटेट करके सर्कल के ऊपर आए क्योंकि हाई ग्राउंड उनके पास पहले से रहने वाला था। एलएस का 2 प्लेयर और नॉक हो जाते हैं, जोकर भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएगा, ओनली 1 प्लेयर इज लेफ्ट ऑफ एलएस और एलएस के बॉयज यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए फौजी यहाँ पे नॉक होते हैं, फौजी को रिवाइव मिल जाएगा बट अभी भी बात करूं यहाँ पे सीएन के रेड बॉय भी यहाँ पर रहेंगे, सीएन के पास भी यहाँ पे 4 मैन पावर रहेगी, यहाँ पर 4 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर 4 खिलाड़ियों के साथ इस मैच के अंदर खेलना काफी जबरदस्त होगा। अभी भी बात कीजिए जिस तरह का माहौल मुझे नजर आ रहा है ना, अभी भी काफी टफ फाइट हमारे पास रहने वाली है। 22 प्लेयर्स है, 22 प्रो प्लेयर्स मैं कहूंगा ऑन बोर्ड यहाँ पर हमारे साथ रहने वाले हैं, 7 टीमें हमारे पास साथ रहने वाली हैं और यहाँ पर नेट प्यारा हो सकता है कि नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत शीट लग जाए ना
कंपाउंड लेने की कोशिश की जा रही बट उनको सिर्फ कंपाउंड से टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वाड पीछे एसीके का भी वहां पे मौजूद है, ऑफिशियल को दूसरे शॉट्स मारे जाने। बट ये क्या एलए इस वक्त हाई ग्राउंड पे मौजूद है और ये एलए का स्क्वाड इस वक्त 8 किल के साथ एक अच्छी पोजीशन के ऊपर मौजूद रहेगा और इनको कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि इनके ना पीछे से ना लेफ्ट ना राइट कोई भी इनको टेंशन नहीं दे रहा। अगर सर्कल इनकी तरफ आता तो पॉसिबली इनका भूया आराम से हो सकता है। बट बॉटम साइड पे खिलाया था, जंग चल रही है, सभी यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं। फौजी यहाँ पे अपने लिए मेड किट लगा रहे हैं बट सर्कल के अंदर जाना उतना ही मुसीबत हो चुका है। यहाँ पे जेंटल नॉक डाउन होते हैं, एलए अभी भी ऊपर से बैठे हुए शॉट्स लैंड कर रहे हैं और शॉट्स काफी तक कनेक्ट भी कर रही है। अब्दुल की उम्र को नॉक डाउन करते हैं, आई थिंक उनको वहां पे शायद रिवाइव भी ना करने दें। क्विक शॉट्स मारे जा रहे हैं, अब्दुल क्लिक स्पीड पे भी जाते हैं और आरजी ऑफिशियल एलिमिनेट हो भी जाती है। जी जी जी, एफसी के बॉयज यहाँ पर अभी भी उस्ताद की बात करो, उस्ताद ऑन ग्राउंड अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं। एलएफसी की बात, एलएफपी की बात करो, एलएफपी के बॉयज भी यहाँ पर रहेंगे और अभी भी आगे की तरफ मूव करेंगे। सर्कल के पास अगर बात करूँ, तीनों टीमें सर्कल के पास रहने वाली हैं बट सर्कल के अंदर कोई भी नहीं रहने वाला। बट अगर बात कीजिए यहाँ पर एलएफपी के बॉयज की बात करूँ, एलएफपी के बॉयज यहाँ पर भी बिल्कुल कंपाउंड यहाँ पर क्लोज में रहने वाले हैं इनके, और जहाँ पर जेएफसी के पास भी कंपाउंड रहने वाले हैं। कंपाउंड टू कंपाउंड यहाँ पर मूव किया जा सकता है उनकी तरफ से। बट अगर बात की जाए अल्फा की बात करूँ तो अल्फा स्टिल ऑन हाई ग्राउंड अभी रहने वाले हैं और अभी भी अपनी टीम्स के लिए यहाँ पर बात करूँ अभी भी किल्स उठाने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। स्टिल देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी भी लुक एट दिस डैमेज, अभी भी डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल डैमेज के मामले में बिल्कुल स्लो नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। एलएसके बॉयज वंस अगेन मेरे ख्याल से जो टीम के लिए एक स्ट्रगल करने के करता हूं, जो स्ट्रगल नजर आ रही है ना एलए के बॉयज, मेरे ख्याल से यहां पर एक अच्छा भुया वंस अगेन निकाल सकते हैं जिस तरह रोटेट करके आ रहे हैं। आगे की टीम के लिए काफी परेशानी बन सकती है। और जहां पर जेएफसी की बात की जाए, जेएफसी के दो प्लेयर्स रहने वाले हैं और जेएफसी और बाकी जो बात करूं तो वो एल भाई दोनों टीमें जो है ना आपस में लड़ के मेरे ख्याल से यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगी और एलएस के लिए वंस अगेन एक चांस बन जाएगा भुया का। यहाँ पे अल्फा दूसरे स्नाइपर शॉट्स अभी भी लैंड कर रहे हैं और यहाँ पे अब तीन स्क्वाड्स अभी भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन तीन प्लेयर्स यहाँ पे, एक ही प्लेयर दूसरी तरफ से छठे स्क्वाड का रहता है जो कि यहाँ पे एलएफपी है। बट यहाँ पे अब्दुल अब रश करते हुए उन्होंने कहा मैंने काफी टाइम जाया कर, यहाँ पे मिली छे के साथ जाएंगे बट वहीं पे दानी का आता है, उन्होंने एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। दो प्लेयर्स, दो स्क्वाड सर्वाइव है, 3v2 है। थोड़ा सा ख्याल से खेलना पड़ेगा बिकॉज इतना भी आराम से नहीं। उस्ताद के पास यहाँ पे फुल एचपी मिली बाहर निकाला हुआ, अल्फा थोड़ा सा डैमेज डील करने की कोशिश करते हुए नेड आता है, खूबसूरत नेड यहाँ पे उनको एलिमिनेट कर देते है। मतलब इमेजिन आप बुया सिक्योर करें और वो भी नेट से। बिल्कुल, और मैं अभी नोट कर रहा था, मैं इतनी तेज से इतना एक्साइटेड हो चुका था कि मैं एलए को एलएस बोल रहा था, तो बट आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट अल्फा यू प्लेड वेरी वेल यार, बुया अमेजिंग परफॉर्मेंस, टीम लेगेसी और लेगेसी हो जानी चाहिए चैट के अंदर भी, लेगेसी के लिए एक ओपी हो जाना चाहिए चैट के अंदर। और स्ट्रीम को लाइक भी कर दें गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टा का लिंक जो है आपको चैट के अंदर वो भी मिल जाएगा। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एल टीम लेगेसी। लेगेसी के बारे में क्या कहेंगे यार, मुझे मतलब मैं मैच देख रहा था, मैं इतना डूब चुका था फाइट को देख के, बट आपने नोटिस किया होगा मैं एलए को एलएस बोल रहा था। कोई बात नहीं डीमन, गलतियां सबसे होती हैं। कुछ इस दफा एक्चुअली एलएस से भी हुई थी लेजेंड साल से, जो कि जल्दी एलिमिनेट हो चुकी थी, मैप को इतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए थे। बट जो दूसरी बात है कि लेगेसी जिस तरह उन्होंने खेला है, जितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने खेला है, मतलब अर्ली स्टार्ट पे उन्होंने 3 स्क्वाड्स को एलिमिनेट किया जिसमें डीपी का स्क्वाड शामिल था, जहां पे आई थिंक टीजी का स्क्वाड शामिल था और पीएसपी शामियंस का स्क्वाड भी शामिल था। 8 किल्स इनको वहां से मिले। फिर मैंने एक बात की थी अपने राइट एट द स्टार्ट, हमने डिस्कस किया था कि अब इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि उनको 10 मिनट में 8 किल्स मिल चुकी है। अगले 15 मिनट की स्ट्रेटजी तो हमने यही डिस्कस किया था, अब इनको थोड़ा सा पैसिव खेलना चाहिए। और अगले 15 मिनट इनकी एक किल भी नहीं हुई थी, ये लोगों ने इनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी यही थी कि हम सर्कल के अंदर एक अच्छी लोकेशन ढूंढे, और इनकी लोकेशन सर्कल के अंदर सबसे बेहतरीन थी। सर्कल के कोने पे थे जहां से पीछे से इनको कोई डर नहीं था, लेफ्ट राइट पे कोई नहीं था और सर्कल के अंदर हाई ग्राउंड भी इनके पास है। इसलिए अब्दुल आपको नजर आ रहा है जहां पे लोग शॉटगन मिली नेट से भाग रहे हैं, कवर के ऊपर कवर लगा रहे हैं, अब्दुल एक छत के ऊपर बैठे हुए हैं एंड इज लाइक मैं वहां से स्नाइपिंग कर रहा हूं, बंदे मारी जा रहे, एलिमिनेट कर रहा हूं। और इतने आराम से उन्होंने सर्कल के अंदर फिर दाखिल हुए और आराम से भुया भी सिक्योर किया, ताकि ये सारा का सारा था कि इन लोगों ने अपनी जो मोमेंट थी ना, अपनी जो एक स्टेप्स थे कि हमने इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, इन्होंने बहुत अर्ली फिगर आउट कर लिए थे। और वही वाली बात ही होती है कि आपकी नज़र बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए, आपने उससे आगे का भी सोचना होता है, तभी आप जीत सकते हो। यही बिल्कुल लेगेसी ने किया।
बिल्कुल एग्री विद यू। और कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर स्कोर कार्ड भी आ जाएगा और हम देख सकेंगे कि टीम्स कितने पॉइंट के साथ यहाँ पर रहने वाली हैं। तो देखते हैं कि इस मैच के अंदर टीम्स ने कितनी अपनी कारकर्दगी दिखाई, कितना मूव किया, कितने यहाँ पे पॉइंट्स उठाए, कितने किल्स उठाए, कौन कौन सी टीम किस किस प्लेस के ऊपर रही है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे कुछ ही देर के अंदर। तब तक आपने करना कि आपने स्ट्रीम को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेक श्योर यू गाइज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और गिव अवे भी आपको वो भी बताता हूँ आफ्टर द स्कोर कार्ड। ओह, तो टीम लेगेसी, ये तो एक्सपेक्टेड था हमारे पास कि नंबर वन के ऊपर आएंगे 14 किल्स उनके, जहाँ पे अब्दुल ने अकेले 10 किल सिक्योर भी किए, 26 पॉइंट्स हैं। आरजी ऑफिशियल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, काफी देर तक सर्वाइव करते रहे थे, बट सिर्फ सर्वाइवेबिलिटी की बात नहीं है, उनकी किल्स देखी जाए उनके 10 किल्स भी मौजूद हैं, तो 17 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे। जैक एफएफ क्लब, ये वो टीम थी जो सेकंड नंबर पर एलिमिनेट हुई थी, इनके दो प्लेयर्स वहां पर सर्वाइव करते, इनके ऊपर एक नेड आता है जिसकी वजह से एलिमिनेट हुए थे, बट कोई बात नहीं, 14 पॉइंट्स इनके पास है। लर्न फ्रॉम द पास्ट 13 पॉइंट के साथ, आई थिंक पिछली गेम से इन्होंने कुछ थोड़ा सा सीखा था और इनके 13 पॉइंट्स हो चुके हैं। लेजेंड स्टाइल एक अर्ली एग्जिट लेते हुए नजर आई थी, इतना भी अर्ली एग्जिट नहीं था, सातवें नंबर पे एलिमिनेट हुई थी, बट अपने नाम जो इन्होंने पहले थे ना, पहले बरमुडा के ऊपर जो डोमिनेशन शो की थी, उसके बाद ये थोड़ी सी एक अंडरमाइनिंग परफॉर्मेंस थी इनकी तरफ से, बट कोई बात नहीं, आई होप कि वापस अपने कदम ढूंढ सके, वापस परफॉर्मेंस ढूंढ सके। कार्टून नेटवर्क छठे नंबर के ऊपर 6 पॉइंट्स के साथ, और ये मैं कहूंगा कि इनकी एक यही परफॉर्मेंसेज नजर आए, जहाँ पिछली गेम में भी इनकी आई थिंक 6 से 7 पॉइंट्स थे या मे बी 8 थे, और अभी भी इन्होंने 6 से 7 पॉइंट्स लिए हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था 6 से 7 पॉइंट्स से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, आपको एटलीस्ट 10 से 12 पॉइंट हर गेम में चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। एग्जैक्टली ऐसी बात है। और अभी भी अगर बात कीजिए जो ये आपके पास स्कोर बोर्ड रहने वाला है, अभी ओवरऑल जब रिजल्ट आएगा उसमें तो फिर बिल्कुल हैवी चेंजेस मुझे देखने को नजर आ सकती हैं। चलिए अगर बात कीजिए अब आपके सामने जो जो सेकंड पेज रहने वाला है आज के दिन का, तो गार्डियंस यहाँ पर रहने वाले हैं विद 5 पॉइंट्स ऑन 7 प्लेस। मेक यू क्राई यहाँ पर चौथे नंबर 4 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे रहेगी। इसी के साथ पेशावरियंस की बात करूँ 2 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पे। डीमंस की बात कीजिए 2 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पे रहेंगे। पीआरजी आर्मी की बात करूं 2 पॉइंट्स के साथ 11वें नंबर पे रहेंगे। और 4 डायमंड्स, मुझे लग रहा था कि 4D के बॉयज यहां पर एक अच्छा गेम प्ले निकालेंगे, जबरदस्त किस्म की सीन निकालेंगे, बट उनका यहां पर जो सीन है ना वो थोड़ा सा बैक एंड पे जाता है और यहां पर भी सबसे पहले टीम एलिमिनेट हो जाती है, एक अर्ली क्लैश के अंदर ये टीम जो है शिकार हो जाती है। बट नो वरीज गाइज, अभी हमारे पास अभी भी 4 मैचेस बाकी रहने वाले हैं और 4 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि भी टीम्स किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, कैसे खेल रही हैं, क्या स्कोर कार्ड रहने वाला है, हर चीज आपके साथ शेयर करेंगे। बट अगर आपको साथ ही ओवरऑल जो है हमारा जो स्कोर कार्ड रहने वाला है उसकी अगर बात करूँ, तो यहाँ पर जम मार के पहली पोजिशन जो है वो छीन ली गई है LSK बॉयज से। दी लेगेसी टीम इज ऑन टॉप, जो लेगेसी की टीम जो पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुकी थी, बट उसने जो तेजी दिखाई है, जो शार्पनेस दिखाई है दूसरे मैच के अंदर, तो वो यहाँ पर भी पहले नंबर पे आ जाती है विद 38 पॉइंट्स। यहाँ पर भी एक 6 पॉइंट के साथ भी डिफरेंस देते हुए नजर आएगी LSK बॉयज को, तो LSK को काफी सोच समझ के खेलना पड़ेगा। सेम अगर बात की जाए RGA की बात करूं, ऑफिशियल्स की बात करूं, लर्न फ्रॉम पास्ट की बात की जाए, तो दोनों के पॉइंट्स जो है ना वो सेम रहने वाले हैं, 22-22 के पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे। थर्ड और फोर्थ प्लेस, यहाँ पर जो थर्ड मैच रहने वाला है वो यहाँ पर इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा टू होल्ड दी प्लेस। यहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि प्लेस को होल्ड करना चाहे थर्ड और फोर्थ को, तो उनको यहाँ पर तो सोच समझ के खेलना पड़ेगा। कलाहारी एज यू नो दैट कि वो लोग उसको यहाँ पर भी एग्रेसिव मैप भी कहते हैं कि यार कि उसमें एग्रेसिव गेम निकल सकती है। अगर बात कीजिए जैक एफएफ क्लब की बात करूं, तो यहाँ पर 20 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर रहने वाले हैं। कार्टून नेटवर्क की बात की जाए 17 पॉइंट के साथ 6वें नंबर पर रहेंगे। और ये रहा आपके सामने सेकंड जो है आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा। पिशावरियन यहाँ पे नंबर 7 के ऊपर रहेंगे, लेकिन पिशावरियन के लिए उठ के 7 से नंबर 3 के ऊपर आना कोई खास मुश्किल नहीं है, बिकॉज वहीं पे लर्न फ्रॉम द पास्ट भी नंबर 4 के ऊपर 22 पॉइंट के साथ मौजूद है, कोई 8 पॉइंट का ही डिफरेंस है। लेकिन मसला डीमन्स प्राइड, 4 टाइमर्स, गार्डियंस, मेक यू क्राई, खासतौर पर PGA आर्मी के साथ है, PRG आर्मी माय बैड, ये वो टीम्स हैं जो कि सिर्फ उसे 3, 5, 6, 7 पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता टीम्स अपनी जो होती है ना कि एक मोमेंटम, एक स्टेबिलिटी बनाती हुई नजर आ रही है उनकी, तो वो लोग इस टाइम पे 22 पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है। कुछ लेगेसी और लेजेंड स्टाइल 31 और 38 पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, तो आपको अब गेम अप करने की जरूरत है। ये थर्ड मैप आ चुका है, कलाहार का मैप है, इसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो टीम्स ऑलरेडी 50
40-30 पॉइंट्स के ऊपर आ चुके होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, और आप किधर खड़े होंगे, आप 10 के ऊपर, आप 9 के ऊपर खड़े होंगे, वहां से कम बैक करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और वही बात है, आपको बूया मिल जाए, शायद एक मिल जाए, बट दो बूया निकालना ये एक बहुत मुश्किल बात होती है। कल से 5 MT थी जिसने 2 बूया निकाले थे, बाकी तो उनके लिए भी निकालना बहुत मुश्किल हो चुके थे, तो आपको भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें काफी क्लोज वो पोजीशन भी नजर आ रही है, कार्टून नेटवर्क हमारे पास आई थिंक 17 पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई, लर्न फ्रॉम द पास्ट 12 के ऊपर खड़ी हुई है, तो अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैप्स हुए हैं डीमन आगे, अभी 4 मैप्स और पड़े हैं, कोई टीम इस वक्त नंबर 7 से उठ के आराम से बगैर किसी मसले के सुकून से अगर चाय शाय पी के आएंगे वो आके आराम से नंबर 1 पे जा सकती है, क्योंकि पॉइंट्स में अभी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। अभी जो टीम नंबर 1 के ऊपर खड़ी 38 वो भी एक मैप से, कल हमने जब देखा है टीम्स 28-28 25-25 पॉइंट एक गेम में सिक्योर करके जाती हैं, तो वो आराम से ओवरकम कर सकती हैं। तो टीम्स जो कि इस वक्त नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर मौजूद है, जिससे आपने पहले भी कहा था कि उनको थोड़ा सा ना अपनी थोड़ा सा वो होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, थोड़ा सा लैक, जहां पे आप लैक करके ना या स्लैक ऑफ करके वहीं पे आपको वो लोग क्वीन के ऊपर आ जाएगी, तो फॉर द नेक्स्ट 4 गेम्स आपको चुकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं आपको बता चलूं कि भी जब आपके आप जब ऑन टॉप रहते हो ना, तो आपको अपनी अपना जो अपना लेवल जो है ना उसको डाउन नहीं करना होता, क्योंकि अगर बात की जाए प्रेशर की, तो जो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स टीम्स जो जिसे डाउन रेटेड रहती हैं, जो जिन्होंने क्वालिफाई से थोड़ा से पॉइंट से डिफरेंस पे रह रहती हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। बट अगर बात की जाए टॉप लेवल टीम्स का, जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर काफ़ी टॉप पर नजर आ रही होंगी आपको, बट वही टीम की अगर बात करूँ तो उस टीम की जो प्रेशर होगा ना कि यार एक मैच हमने मिस कर दिया तो हमें जो फॉल डाउन मिलेगा वो काफी काफी महंगा पड़ सकता है उनको, तो वो टीमें जो ऑन टॉप टीम्स होती हैं उनके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होता है कि एक लेवल में रहना, एक कंसिस्टेंसी में रहना कि यार के इससे हमने डाउन नहीं जाना, वो भी काफी मैटर कर रहा होता है। बट अभी अभी देखते हैं कि भी जो अभी भी हमारे पास एज आरजी टोल्ड यू गाइस के भी अभी हमारे पास 4 मैप पड़े हुए हैं, तो मतलब कि अभी बहुत बड़ी गेम अभी भी रहती है और अभी भी पॉइंट्स टेबल बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मे बी यहाँ पर टीम्स जो हैं आज के दिन में 100 पॉइंट्स भी लेके जाते हुए नजर आए इन टोटल। और अगर बात की जाए मे बी एज आरजी ने पहले से मेंशन किया था कि अगर आपने भी इन टॉप लेवल टीम्स में रहना है, टॉप पोजीशंस में 4 की पोजीशन में रहना है, तो मेक श्योर यू गाइज हिट दी 70 पॉइंट्स, अगर आप अपने माइंड में रखते हैं कि 70 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए तो आप टॉप 4 में नजर आ रहे होंगे। और अगर टीम्स जिस तरह परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, जिस तरह मतलब कि एक स्टे एंड एक वैल्यूएबल गेम जो है उसका मतलब कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आ चुकी होगी कि टीम्स किस तरह खेलते हुए नजर आ रही हैं, बिल्कुल किसी एक टीम्स को जो है ना मौका नहीं दे रही कि यार कि किल्स तुम उठा लो तुम उठा लो, और सर्कल के एंड में जाके मैक्सिमम फाइट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर कल की बात की जाए हमें मोस्टली टीम्स जो है बड़े स्टार्ट के अंदर ही हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आ रही थी। बट अगर बात की जाए आज के मैच की, तो भाई जो टीम यहाँ पे बुया निकाल रही है उस टीम के यहाँ पे 10 से ऊपर ही किल है। लेकिन डीमन एक चीज जो हमने कल देखी थी कि एक टीम थी जिसको मैं बड़ा फेवर कर रहा था, वो आप जानते हैं डिनोमिनेटर्स की, वो टीम थी, उन्होंने पहली गेम में बड़ा अच्छा खेला था और उन्होंने आखिरी गेम में तो बहुत ही अच्छा खेला जहाँ पे उन्होंने 24 पॉइंट सिक्योर किए थे। उसकी वजह यही थी कि जब उन्होंने आखिरी गेम में रियलाइज किया कि यार हम एलिमिनेट तो हो रहे हैं, हम यहाँ से हम आगे नहीं जा पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक काम करते हैं कि अपना सब देते हैं, जो भी है ना वो दाव पे लगा देते हैं, बिकॉज हमें हार तो ऑलरेडी रहे हैं, तो हम ज्यादा इससे ऊपर ही जा सकते हैं, इससे नीचे तो हम नहीं जा सकते। ये एक बहुत ना डेंजरस मेंटालिटी होती है उन टीम्स के लिए जो कि टॉप 4 टॉप 5 में मौजूद है, बिकॉज उन्होंने अपनी पोजीशन लूज करनी है। वही वाली बात, उन्होंने ध्यान से खेला, उन्होंने कहना यार वो हमने गलत मूवमेंट कर ली, यहाँ पे गलत ली, हम वहां पे हार गए, हम तो पहले क्वालिफाई नहीं हो रहे, काम करते हैं ये हम जाके ले लेते हैं जाके, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले हार मेंटालिटी होती है बस बना देते हैं, जिसकी मैं कहता हूँ कि कोई अब मई बिल्कुल ऐसे ही है सबको मारा था। मैं आपकी बात से बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ कि यार के बिल्कुल जो आपने बातें की हैं, टीम भी इस चीज को समझती होगी, कि जो भी टीम भी समझ रही होगी, इवन हमारी जो ऑडियंस रहने वाली है हमारे साथ बनी हुई है, वो भी ये चीज समझते होंगे कि यार के ये चीजें पॉसिबल हैं, कि इस तरह का चीजें बनती हुई नजर आएंगी हमें। बट गाइज आपको एक और चीज आपके भी बताता चलूं कि आपको ये सुन के काफी अच्छा लगेगा कि आप हमारे जो गिव अवेज हैं वो भी स्टार्ट एंड डिस्कॉर्ड का लिंक जो है वो आपको इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हमारा गिव अवे जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर चलता हुआ आपको नजर आएगा। हाउ टू पार्टिसिपेट, जस्ट सिंपली ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसमें आप सिंपली हमारे गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं। 15 लाख
फ्री फायर डायमंड्स का जो गिव अवे है वो हमारे डिस्कॉर्ड पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। मैच स्टार्ट हो चुका है और मैच देखते हैं कि अभी इस मैच के अंदर अगर क्लैशेस देखने को मिलते हैं आरजी तो काफी मुश्किल सूरत हमें देखने को मिल सकती है। बट टीम्स है मुझे यहाँ पर कुछ क्लैशेस वाला सिलसिला नजर नहीं आ रहा, काफी जबरदस्त किस्म के यहाँ पर जंप्स मुझे देखने को मिल रही है और यहाँ पर क्लैशेस मे बी पीएस वर्सेस एलए यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर फाइट देखने को मिल जाएगा। दोनों प्लेयर्स अगर बात की जाए वो एक ही साइड पे यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर मे बी एक एक प्लेयर की यहाँ पर भी मसला उनका बनते हैं। मेरे ख्याल से वो ही जस्ट रियलाइज दैट और उसके बाद उसने यहाँ पर भी कल्टी मार ली। वो इंटरेस्टिंग होना है, अगर मैं ही देख रहा था कि पी और एलएस जो है ये स्क्वाड दोनों दूर दूर मौजूद है बट इनके एक एक प्लेयर यहाँ पे करीब आ रहे हैं रिफाइनरी की तरफ, मैं कहूँ ये शायद यहाँ पे फाइट हो वन वी वन नजर आया। एक्चुअली हमें ना एक पुरानी जो होती है फाइट जहाँ पे स्क्वाड्स को छोड़ो जी वन वी वन आया जाए तो वो हमें नजर आया, बट नहीं वहां से वापस दोनों ने कर लिया बिकॉज अगेन वही बात है लॉट इज ऑन द लाइन। 75 लाख का प्राइस पूल है, एक ब्रैगिंग राइट्स है, आपके पास एक टाइटल है वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप का रीजन के अंदर, तो इस तरह के वो लोग कोई कहते ना अग्रेसिव वो एक होता है ना चांस नहीं लेना चाहते, कोई ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बट इस दफा थोड़ी सी टीम्स के लिए एक अच्छी बात है कि आसपास कोई भी नहीं उतरा, कोई भी आई थिंक एक भी कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके बहुत अर्ली फाइट होती हुई हमें शायद नजर आए, तो अर्ली एग्रेशंस तो हमें नहीं नजर आएंगे, लूट किया जाएगा। और इसका एक मतलब होता है कि जब आप अर्ली फाइट्स नहीं होंगी तो फिर फाइट कभी ना कभी तो होनी है सर्कल, कभी ना कभी तो आपको मजबूर करना है फाइट, फिर लेट वो लेटर सर्कल्स में अंदर जाके फाइट का मजा आएगा। अगर आपको अर्ली क्लैशेस देखने को नहीं मिलते, टीम को अगर लूट का टाइम मिल जाता है इट्स मीन कि टीम के पास एक अच्छी एक डिसेंट लूट मौजूद रहने वाली होगी, उनके पास प्रॉपर हीलिंग रहने वाली होगी, उनके पास प्रॉपर आर्मर रहने वाला होगा, उनके पास प्रॉपर गन्स रहने वाली होंगी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एमो रहने वाली होगी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, इन्हें प्रॉपर गेम फील्ड गेम के अंदर ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। मोस्टली अगर बात की जाए इफ यू हैव ए गन मतलब कि आपको जल्दी में गन मिल भी की है तो इफ यू हैव ओनली 30 एमओ आपने सिर्फ पिक ही 30 एमओ की थी वो भाई आप कितनी 30 एमओ से पूरी टीम को तो आप टेक डाउन नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। बट अगर बात की जाए इसी तरह का अगर आपके पास एक अर्ली फाइट नहीं होती, आप आराम सुकून से अपने ड्रॉप पे जाते हो लूट करते हो और उसके बाद जो फाइट होती है आपके सामने लुक एट दी मैप यार आरजी अभी भी अगर आप देखें बड़े सुकून से टीम जो है वो लूट करते हुए नजर आएंगी आप बिल्कुल सुकून से वगैरह से लूट करनी। ऑल्दो मुझे सर्कल नजर नहीं आया जो कि थोड़ा सा मेरे लिए ना थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात है कि सर्कल का इतना बड़ा है कि आप आराम से सर्कल के सारी टीम सर्कल के अंदर आ चुकी हैं या बट वे इज द सर्कल ये क्या है मुझे कोई समझाता है, बट सो बात है इसमें सारी लूट कर रही है। टी आर का स्क्वाड देखा जाए तो पूरे मेज से लेके पूरे शोर बीच के आसपास फैली हुई है वहां पर लूट कर रही है, मैमथ की साइड पर आरजी है और दूसरी तरफ हमारे पास रिफाइनरी के अंदर डीपी का स्क्वाड आराम सुकून से लूट कर हर किसी की मेड किट गन्स वगैरह अवेलेबल होने वाली है, तो ये वो मुझे ना थोड़ा सा उस तरह की फीलिंग आ रही है। बट ऑल इन ऑल जब सर्कल आखिरी बनते जाएंगे जहां पे आपको रोटेट सर्कल एक मजबूर करेगा उन फाइट्स लेने के ऊपर कि आपको ये फाइट्स लेनी पड़ेंगी तब आप क्या करते हैं, बट इस सिचुएशन में आई थिंक सर्कल के एज खेलना बहुत मुश्किल होता है। डीमन इस मोमेंट में आप एक काम करें आप जल्दी से कोई 5 मिनट तक वो करें लूट करें फिर सर्कल के दरमियान में चले जाएं बिकॉज इस तरह सर्कल के एज खेलना इतना मुश्किल होता है कि फिर जब इतनी ज्यादा टीम सर्वाइव कर रही होती है आपके लेफ्ट राइट बैक से कोई आती है फ्रंट से कोई आती है फिर सर्कल के अंदर जगह बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज सर्कल के अंदर इतनी जगह भी नहीं होती। एग्री और अभी भी अगर बात कीजिए टीम्स अभी टाइमली मेरे ख्याल से लूट जिस टीम की कंप्लीट होती रहेगी। ऑफ कोर्स अगर डीपी की बात कीजिए डीपी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी सर्कल के मिड में रहने वाली है, अगर सर्कल अभी जिस तरह अपीयर होगा वो यहाँ पर टीम्स जो है उसके बाद रोटेट करना स्टार्ट होगी। अभी 11 अगर बात कीजिए कि मेरे ख्याल से 10 और 11 मिनट जब हो जाते हैं ना आरजी तब ही हमें फाइट देखा मिले। अभी यहाँ पर भी इन्होंने थ्रो यहाँ पर यूज किया अभी जल्दी से लोकेशन जल्दी से इन्होंने लुक एट दिस मे बी अगर बात कीजिए लुक क्लैश यहाँ पे पड़ेगा एलए के ऊपर जंप करते हैं। ओ भाई यहाँ पर ये इंटरेस्ट यहाँ पर जरूर होगा एलए के लिए एक सरप्राइज आता है LFP के नाम का और यहाँ पर काफी मुश्किलात का सामना बन सकता है LA के लिए। यहाँ पर राइट नाउ अगर बात की जाए LA वो टीम रहने वाली है जिसने भी पिछला भुया निकाला है तो ओ भाई एक वन मैन डाउन एक सरप्राइज मिलता है। जल्दी से यहाँ पे शील्ड लगाई जाती है बट शील्ड को जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा और यहाँ पर मे बी यहाँ पर माहौल जो है काफी गर्मा गर्मी का बनता हुआ नजर आया बट यहाँ पर टीम जो है जल्दी से मूव करेंगे नजर आएगी। बट अब्दुल्ला की बात की जाए अब्दुल यहाँ पर बैक एंड पे रहने वाले उसको भी यहाँ पे टेक डाउन करने की कोशिश की। ओ भाई इतने डैमेज यहाँ पर निकालते हुए नजर आए हैं LFP के बॉयज यहाँ पर फाइनली पहुंच चुके हैं सारे के सारे बॉयज आ चुके हैं पहले सिर्फ 2 आए थे एंड फाइनली यू कैन सी दैट पूरी की पूरी टीम आ जाती है। LFP का भी यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पर नॉक हो जाएगा आसन यहाँ पे नॉक हो जाएगा यहाँ पर PS is here as well this is a good surprise यहाँ पर अभी जो सिलसिला जो जारी होने वाला है LA के लिए थोड़ा मुश्किल हो चुका है LA के लिए क्या कहेंगे यार RZ this is actually an amazing fight।
एक बिल्कुल जहां पे कोई टीम नजर नहीं आती वहीं पे सडनली तीन टीम्स आ चुकी है। पीएस ने यहां पे नोमी पीएस की नोमी को यहां पे तीन किल्स भी मिल चुके हैं, तो एलएफपी अब यहां से उनको यहां से एक जो आखिरी प्लेयर रहेगा उसको भागना पड़ेगा। और यहां पे जो दूसरी टीम आई थी जिसने पहले स्टार्ट की थी फायर, जिसने शुरुआत ली थी, वो यहां से अब सुकून से जाके निकल गई है। तो पीएस पिछावियन को काफी किल्स मिल चुकी है, बट डेमन मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड, बहुत मुझे अच्छा लगा जहां लॉकडाउन किया है। फिर उन्हें उसी थ्रो का इस्तेमाल करते हुए एक और टीम आई और उन्होंने भी उधर ही आके वही काम किया और आराम से किल सिक्योर की है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग थिंग। और डीपी की बात करूं, डीमन प्राइड्स की बात करूं, तो यहाँ पर एक हाई ग्राउंड इनके पास जरूर रहता है, ये लाइक लॉन्ग रेंज मेरे ख्याल से यहाँ पर भी नॉक्स निकालने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, बट विच इज मेरे ख्याल से नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि अगर बात कीजिए इतने लॉन्ग रोटेशन के ऊपर, इतनी हाई ग्राउंड के ऊपर अगर आप नॉक निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके पास एक अच्छा मौका होता है कि वो एक अच्छा कवर बना के वहां से रोटेट करके एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। देन अगर बात कीजिए अगर नीचे वाले प्लेयर के पास स्नाइपर रहने वाली है तो वो काफी मुश्किल हो सकता है डीमन प्राइड के लिए। तो मेरे ख्याल से डीमन प्राइड को यहाँ से रोटेट करके एक अच्छी फाइट लेनी चाहिए, बिल्कुल सामने 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 होके यहाँ पर फाइट लेनी। कार्टून नेटवर्क की बात करूँ, कार्टून नेटवर्क भी यहाँ पर रहने वाली है। राइट नाउ दिस टीम डोंट हैव ए किल, अभी तक कोई किल यहाँ पर इनके बस्ते में मौजूद नहीं रहने वाली। तो देखते हैं कि इनका कितना आगे जाते हैं। एलए की बात कीजिए, एलए इज ए लकीएस्ट टीम मैं कहूँगा, क्योंकि अगर बात कीजिए हसन की बात करूँ यहाँ पर जिस तरह एलएफपी ने यहाँ पर लर्न फ्रॉम पास्ट, इस टीम ने जिस तरह यहाँ पर भी चार्ज किया था ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, कि यहाँ पर एलए के लिए मुश्किल बन चुकी थी। एलए मुझे लग रहा था कि एक दो प्लेयर यहाँ पर लूज कर देगा, बट एलए ने एकदम कम बैक किया है। टीम की बात कीजिए यहाँ पर, अगर बात कीजिए उसके बिल्कुल साथ अगर एक प्लेयर ना होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एलए भी एक वन मैन डाउन होती। बट वो एक जो तूफान जिसकी हम बात कर रहे थे कि यार वो थोड़ा सा बीच में एक दो बारिश हुई थी, थोड़ी सी हमें ना एक बारिश की एक आसार वो नजर आए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा वो बादल हट गए, आसमान साफ हो चुका है, सारी टीम अभी भी सुकून कर रही है और एलएफपी का एक प्लेयर बेचारा इधर गिर से फिर रहा है कि उसे कोई सुकून मिल जाए। बट फॉर नाउ जो सबसे ज्यादा करीब मौजूद है वो यही तीन टीम मौजूद है, टीजी का स्क्वाड अराउंड विद पीएस का स्क्वाड करीब ही मौजूद है। बट दूसरी तरफ पे यहाँ पे बाकी टीम्स आई थिंक लूट वगैरह कर लिए सबकी, अगर हम हीलिंग देखें, आर्मर्स वगैरह देखें, गन्स देखें, सब कुछ आप मौजूद है, तो उनको किसी चीज की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो बट इस सिचुएशन में आई थिंक वो टीम्स, क्योंकि मुझे उन टीम्स की समझ आती है डीमन जो अच्छा कर रही हैं, मतलब जैसे नंबर वन के ऊपर जैसे होगी एलए लेगेसी होगी, लेजेंड स्टाइल्स हो चुकी हैं, मे बी लर्न फ्रॉम द पास्ट होगी, ये पैसिव क्यों खेल रही है, क्योंकि इनके ना ये किल्स नहीं, ये हारना नहीं चाहती जल्दी। बट वो टीम्स जिनके पास कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, आई थिंक उनको निकल के कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, उनको निकल के कुछ अगलों के कंपाउंड्स के ऊपर रश करने की जरूरत है, क्योंकि इनको किल पॉइंट्स भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एलएफपी ने प्रॉपरली कोशिश की है, अगर पार कलाहारी में अगर वो यहाँ पर किल्स उठा लेते, अगर वो यहाँ पर लूज ना करते अपने प्लेयर को, तो मेरे ख्याल से जो वो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रहने वाले थे और वहाँ पर आराम सुकून से उनका माहौल बन सकता था। बट सर्कल की बात कीजिए, सर्कल आपके सामने रहेगा और जोन कुछ ही टाइम में यहाँ पर भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की सर्कल में मोस्टली बड़ी टीमें आपके सामने आप नजर है, कार्टून नेटवर्क, डीपी की बात कीजिए, पीएस की बात कीजिए, एलए की बात कीजिए, यहाँ पर आरजीए की टीमें रहने वाली हैं जो ऑन इन इन सर्कल यहाँ पर भी जरूर क्लोज में रहने वाली हैं, और सर्कल के अंदर फौरन दस्ती यहाँ पे पहुंच जाएंगी। आरजी के बॉयज भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, रेज यहाँ पर मुझे रेज का यहाँ पर लड़का नजर आ रहा है, यहाँ पर ये लड़का भी पहुंच जाएगा। अभी जो टीमें बाहर रहने वाली हैं, एलएस की टीम बाहर रहने वाली है सर्कल से, एलए की टीम बाहर रहने वाली है, एलएफपी जो कि इकलौता प्लेयर अपनी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, वो आउट ऑफ सर्कल रहेगा और बिल्कुल एलएस के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, विच इज नॉट ए गुड साइन फॉर दिस गाय, बिकॉज ही इज द ओनली वन गाय जो कि यहाँ पर आपको नजर आएगा ऑन मैप, और मुश्किल उसके लिए बन सकती है, उस लड़के के लिए बन सकती है। बट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी चार से पांच टीमें आपको देखने को मिल सकती हैं, आप अपर ग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पर पीएस के बॉयज रहने वाले, टीजी के बॉयज रहने वाले, सीएन के बॉयज रहने वाले, डीपी के बॉयज रहने वाले, इवन 4D के बॉयज भी यहाँ पर आपको ऑन ग्राउंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बैकहेंड की बात करूँ टीम 3 भी आपको नजर आएगी, रेज अगर टीआर के बॉयज देखिए, लुक एट दिस इरफान यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पास भी एक हाई ग्राउंड रहेगा, 4D के पास भी एक ऐसा एरिया रहने वाला है जहाँ से वो रोटेट कर सकते हैं बड़े से। और अगर बात करें एलएस की, तो एलएस के बॉयज भी बैकहेंड से आते हुए नजर आएंगे, जोन का डैमेज बैकहेंड से मेरे ख्याल से हसन जो रहने वाले रहेंगे, एंड यहाँ पर जंप आती है, यहाँ पर जंप आएगी क्लोज आ रही है, यहाँ पर 4D के लिए मुश्किलात यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पर ये जो एक जंप स्टार्ट यहाँ पे की गई है एलएस के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलात यहाँ पे बन सकती है, 4D के बॉय यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, 4D के बॉय मुझे लग रहा था कि यहाँ पर नॉक कर देंगे, बट
खुद यहाँ पर नॉक फिनिश हो जाएंगे। 4D के सिर्फ तीन प्लेयर मुझे नजर आ रहे हैं, आरजी एंड एलएस का एक प्लेयर नॉक होता है, जल्दी से उसको रिवाइव मिल जाएगा। और अभी भी बात करूं ब्लैक होक यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नीड्स यहाँ पर स्पैम की जा रही है उनकी तरफ से। और अभी भी अगर बात की जाए यहाँ पर मुश्किल का जो सिलसिला है, यहाँ पर जो माहौल बन चुका है, जो गर्मा गर्मी का आलम यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, विच इज वेरी इनसेन ऑफ 4D का एक और प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन कीजिएगा। एलएस के बॉयज यहाँ पर क्रेजी क्रेजी गेम प्ले करते हुए दो प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन करिए। 4D इज इन ट्रबल, अभी काफी मुश्किल भी यहाँ पर 4D नजर आने वाली है। और 4D का एक अच्छा मैं कहूंगा अच्छा मौका यहाँ पर यहाँ से 9-2-11 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर 9-2-11 नहीं होती तो काफी मुश्किलात यहाँ पर बन सकती है उनके लिए। यहाँ पर अगर अभी टाइमली अगर वो यहाँ से मूव करते हैं तो अपनी टीम को यहाँ पर एक अच्छी प्लेसमेंट के ऊपर, एक अच्छे रैंक के ऊपर यहाँ पर अपने वो अपनी टीम को यहाँ पर स्टेबल करते नजर आएंगे। 4D के दो प्लेयर्स यहाँ से मूव करेंगे, उजैर एंड उजैर। डीमन रुको, मुझे आज के ने हमें पता चल चुका है कि किस तरह मैप, किस तरह आपने ना रश करना है, आपने वो थ्रो यूज करना है, आपने अगली टीम पर जाना है, आपने अगली टीम को एलिमिनेट करना है। दिस हैज बीन द मोटो, यही होता आ रहा पिछले 11 मिनट से, और मेरे ख्याल में अगले 11 मिनट में भी यही होना है। 4D वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कोई टीम उड़ती उड़ती उनके पास आएगी और वहां पे चार प्लेयर आके उनको एलिमिनेट करेंगे, और यही पिछले 11 मिनट से हो रहा है कि एक टीम उड़ती उड़ती आती कई सर आके बाकी को एलिमिनेट कर देती है। बट यहाँ पे MYC उनके लिए मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है, सर्कल से बहुत दूर है, अगले सर्कल से भी बहुत दूर है, और इनको सर्कल के अंदर आने के लिए क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ सर्कल के अंदर बैठी हुई टीम, उन्होंने एक अच्छी पोजीशन संभाली हुई है, तो ये किल्स आराम से खुद ही लेना चाहेंगे। वो RGA की टीम है, ये आई थिंक फ्री किल्स हैं इनके लिए, तो इनको इसके ऊपर बिल्कुल कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए उमर की बात करूँ तो उमर यहाँ पर रहने वाले हैं, उमर भी यहाँ पर भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर नॉक्स निकाले जाएं, बट यहाँ पर 4G को टेक डाउन कर दिया जाएगा। और अभी भी टीम की बात करूँ तो YC, ओ माय गॉड व्हाट आई जस्ट सॉ यहाँ पर गाड़ी से नीचे दिया गया और यहाँ पर भी नॉक निकाला गया। गोडजी की बात की जाए यहाँ पर ये लड़के भी रहने वाले हैं, RGA के लड़के यहाँ पर रहने वाले हैं, और बिल्कुल सामने MYC यहाँ पर रहने वाली है अल्फा। Look at this, यहाँ पे जैसे मूव करेंगे यहाँ पर नॉक निकाला जा सकता था, बट ही जस्ट अवॉइड दिस फाइट, उससे ही मे बी ही नोटिस दैट कि यहाँ पर बाहर निकलूंगा तो मैं खुद नॉक हो सकता हूँ। और अभी बात की जाए यहाँ पर भी सेम जो है पीछे बैक एंड पे यहाँ पे नॉक रहने वाले हैं, रिवाइव का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। DP के बॉय यहाँ पर ऊपर से रोटेट करके सर्कल के अंदर एक अच्छी प्लेस को यहाँ पर होल्ड करना चाह रहे होंगे। अभी बात करूँ DP के, रैप्टर मुझे नजर आ रहे हैं, रैप्टर हैव ए गुड प्लेस जहाँ पे एक हाई ग्राउंड रहता है इसके पास, यहाँ पर ये भी नॉक निकाल सकता है, डैमेज निकाल सकता है, बट गोडजिला यहाँ पे नॉक हो जाएंगे इसी के साथ। और बात करूँ गोडजिला को भी यहाँ पर रिवाइव करना है और आगे की तरफ मूव भी करना है, गोडजिला को रिवाइव पॉसिबल बनता है कि नहीं बनता, बट यहाँ पे बिल्कुल क्लोज आने वाले हैं, यहाँ पर फाइट टू फाइट जल्दी हो रही है। DP का एक और प्लेयर यहाँ पर नॉक हो जाएगा, खटक एंड रैप्टर दो प्लेयर यहाँ पर ऑन ग्राउंड रहेंगे, एक प्लेयर की यहाँ पर किल्स जो है कंफर्म हो जाएगी। एंड LFP का हसन यहाँ पर रहने वाला है, जिसके ऊपर यहाँ पर कार्टून के नेटवर्क के बॉयज फुल दमा चौकड़ी मार के यहाँ पर बिल्कुल उनके ऊपर बैठ गए। और अभी बात कीजिए ऊपर LS के बॉयज रहेंगे, LS के बॉयज भी यहाँ पर टेक डाउन करना चाह रहे हैं DP के बॉयज को, और DP के लिए थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ पे बन चुकी हैं। अगर यहाँ पे जो भी टीम अभी टेक डाउन होगी, अभी भी 10 टीम यहाँ पर फाइनली डीमन प्राइड यहाँ पर भी ऑन 11th प्लेस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, 11 नंबर के ऊपर यहाँ पर डीमन प्राइड जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। TG के बॉय भी यहाँ पर अभी रहेंगे, और अभी जो माहौल बन चुका है यार RZ, दिस इज एक्चुअली इनसेन। क्वेटा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, बैट सनी इज हियर, और अभी भी यहाँ पर मौजूद TG के दो बॉयज, देखते हैं आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे क्लोज करेंगे LFO, एक लड़का यहाँ पर रहता है दूर से, कोई और यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा उसको। और यहाँ से फाइनली अगर बात कीजिए TG के बॉयज भी यहाँ पर भी एक अच्छी गेम निकालेंगे, कुछ करें, LS के बॉयज भी यहाँ पर रहने वाले, TG का एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक हो जाएगा। अभी बात कीजिए यहाँ पर LS के ब्लैक हॉक यहाँ पर रहने वाले हैं दूर दूर से जो लॉन्ग रेंज फाइट्स हमें देखने को मिल रही है, अभी क्लोज में मुश्किल आ जाएंगी जैसे ही सर्कल श्रिंक करेगा। यहाँ पर PS के बॉयज जाने वाले हैं, PS की टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। व्हाट ए गेम प्ले, ये गेम कहाँ पे जा रही है आरती यार, सर्कल छोटा हो चुका है, वी हैव लाइक 10 टीम्स ऑन दैट टाइम एंड नाउ वी हैव 6 टीम्स। और यहाँ पे JFC का स्क्वाड काफी अच्छी पोजीशन में, CN का कार्टून नेटवर्क का स्क्वाड भी अच्छी पोजीशन में, दोनों के दोनों कंपाउंड में, बट अब सर्कल इन दोनों से दूर बन चुके हैं, इन कंपाउंड को छोड़ना पड़ेगा। LS यहाँ पे कितनी किल्स, कितनी मुसीबतों के बाद अभी भी सर्वाइव कर रही है, द ब्लैक हॉक और एनिग्मा यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, और अब इनकी कोशिश है किसी ना किसी तरह सर्कल के अंदर जाए जाए, बट इनके ऊपर अभी भी नजरें हैं, इनके ऊपर अभी भी गोलियां बरसाई जा रही है CN की साइड से, और एनिग्मा यहाँ पे नॉक डाउन हो जाते हैं, आखिरी प्लेयर ब्लैक हॉक सर्वाइव करें, तो अब इनकी बारी है, मैं इनको कहूंगा इन्हें बचाना पड़ेगा, बट ब्लैक हॉक भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा लेजेंड्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता है, बट उनको छोड़ते कोपचे में CN यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट ले रही JFC से, दोनों को ख्याल करना पड़ेगा, जितनी मर्जी फाइट ले ले सर्कल के अंदर आप दोनों को जाना पड़ेगा, तो ये पोजीशन छोड़े, और अगले सेकंड सिक्योर सर्कल भी मूव कर रहा है, और ये सर्कल बहुत ज्यादा डैमेज डील करता है, यही कहते हैं JFC भी नजर आती है कंपाउंड से निकल रहे हैं, CN अपने प्लेयर को रिवाइव करें मोटू को, और दूसरी तरफ से एक स्क्वाड है जो कि सर्कल के अंदर की तरफ जा रहा है, वो के है गॉड्स का स्क्वाड, और वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, नंबर 8 स्क्वाड भी दूसरी तरफ से एंटर हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे नंबर 8 स्क्वाड एक सबसे अच्छी पोजीशन में बुया लेने के लिए।
बिल्कुल ऐसे ही कार्टून नेटवर्क भी अभी यही चाह रहा है कि यार कि अभी यहाँ पे जो है ना बुया हम मेरे नाम पे ही हो, बट एल ए भी यहाँ पर चाह रही थी, बट एल ए की टीम फाइनली लेगेसी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है ऑन टॉप फोर। लेगेसी की बात की जाए तो लेगेसी के चांस बन सकते थे, बट लेगेसी जल्दी मतलब कि इन शॉर्ट रेंज उन्होंने काफी प्लेयर यहाँ पे लूज कर दिए। एंड कार्टून नेटवर्क के यहाँ पर मुझे चांस लग रहा है एक प्लेयर यहाँ पे नॉक रह चुका है। अभी बात की जाए 1v3 सिचुएशन आने वाली है एंड नाउ 1v4 मोटू भी यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, बट नाउ यहाँ पे जिस तरह उस्ताद यहाँ पर अपने आप कवर बना चुके हैं, मेरे ख्याल से एक प्यारा नेड यहाँ पे कहानी खत्म कर सकता है, बट यहाँ पे नेड यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे क्लोज में आ गए एक प्लेयर यहाँ पे नॉक होता है, दूसरा प्लेयर जल्दी से वंस अगेन यहाँ पे शील्ड नॉट करता है और यहाँ पर जल्दी से अगर बात की शील्ड पे यहाँ पे ब्रोक करने की कोशिश की जाता है, क्लोज करते हैं एंड हियर यू गो बुया इज फॉर द टीम विनर ऑन योर स्क्रीन। यार कार्टून नेटवर्क के बॉयज ने जो यहाँ पर भी निकाल लिया ना गेम प्ले निकाल लिया, दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग कार्टून नेटवर्क ऑन योर स्क्रीन गाइज, बुया जी जी फॉर दिस कार्टून नेटवर्क टीम इन द चैट, जी जी हो जाना चाहिए इसके लिए इस टीम के लिए इन द चैट। कार्टून नेटवर्क क्या गेम प्ले भाई, किसी की नजर नहीं होगी कार्टून नेटवर्क के ऊपर, और जिस तरह इन्होंने एकदम नजरें घुमा के एक जंप मारी है ना, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दिस टीम गोना स्टील दी प्लेसेस, मतलब कि अभी टॉप फोर के अंदर यहाँ पर भी ये कार्टून नेटवर्क आफ्टर दिस मैच यहाँ पर आपको नजर आएगी। बिल्कुल इनकी पहली तो गेम बिल्कुल आई थिंक डिसेंट गई थी, जहाँ पे इनके पास टोटल ऑफ 14 पॉइंट्स थे, अब ये बुया के साथ इनके आई थिंक 6 से 7 किल्स होनी है, ये मिला के अब यहाँ पे इनके पास 34-35 पॉइंट्स होंगे, तो ये लेजेंड स्टाइल और उसके साथ आई थिंक LF के साथ आई थिंक वहां पे भी ये बिल्कुल नंबर 3 के ऊपर मौजूद होंगे, और लर्न फ्रॉम द पास्ट उन्होंने पुश डाउन कर दिया होना, बिकॉज लर्न फ्रॉम द पास्ट की बिल्कुल भी अच्छी गेम नहीं गई थी, राइट एट द स्टार्ट उनको वहां पे हंड डाउन किया गया था, PS के बाद उड़ते उड़ते आए थे, उनको वहां पे 3 बॉयज को एलिमिनेट उन्होंने भी कर दिया था, तो उनके लिए अच्छी गेम नहीं थी, बट यहाँ पे कार्टून नेटवर्क जहाँ पे हम उनको बच्चों ने भूल गए थे, उन्होंने हमें भी दोबारा अपनी याद दिला दी है कि हम अभी भी जिंदा है, हमें भी याद किया जाए। बट एक चीज मैंने नोटिस की है कि आप सर्कल को पढ़े, सर्कल को एक बहुत अच्छी चीज है, बट इतनी लेट गेम में जाके उतना ही मुश्किल हो जाता है। कार्टून नेटवर्क के जीतने की एक वजह ये भी थी कि जिस साइड से वो सर्कल को एंटर कर रहे थे वहां से कोई भी नहीं कर रहा था, और दूसरी साइड की बात की जाए तो वो 4-5 स्क्वाड उस साइड से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मजबूरी बन चुकी थी लड़ना, तो कार्टून नेटवर्क को अपनी लेफ्ट राइट बैक को नहीं देखना था, उन्होंने सिर्फ उसे फ्रंट को देखना था, फ्रंट के ऊपर उन्होंने कवर लगाए, उन्होंने जो पत्थर जो वहां पे दख्त थे उनसे कवर लिया, लॉन्ग रेंज फाइट्स ली जहां पे उनके एक या दो प्ले नॉकडाउन जरूर हुए थे, अटैक हुए थे, खाली किंग हुए थे उनको रिवाइव किया, बट जैसे ही उनको वो होता ना कि एक मजमा खत्म हुआ, टीम्स कम होना शुरू हुई, जब 4 टीम 3 टीम्स आना शुरू हुई, तब वो अपने उस झोंपड़ी से बाहर निकले, उन्होंने रहे से प्लेयर्स को बाहर मारना शुरू किया, और ये एक चीज शो करती है कि वो कितनी उनके अंदर अवेयरनेस है, उन्हें पता था कि ये फाइट्स को हम जीत नहीं सकते, ये फाइट्स में हम रश करना एक बेवकूफी होगी, कि उधर फाइट हो रही है 4 टीम्स की, हम वहां जाके कैसे लड़ेंगे, तो सुकून से उन्होंने पीछे रहे, और जब सारी की सारी लड़ाई खत्म होगी तब उन्होंने कहा अब हम जाके लड़ते हैं, इसी वजह से उन्होंने बुया भी सिक्योर किया। एंड ये यू गो गाइज, स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, जो टीम्स इस लास्ट थर्ड मैच के अंदर जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, कार्टून नेटवर्क का ये बुया रहा कलाहारी के मैप के ऊपर, एंड कार्टून नेटवर्क ने यहाँ पर भी पॉइंट्स की बात कीजिए 12 पॉइंट्स उनके प्लेसमेंट के मिल चुके, 8 किल्स निकाली है, इन टोटल पॉइंट्स की बात कीजिए 20 पॉइंट्स, नॉट बैड गाइज, एज आई टोल्ड यू कि ये टीम जंप करके अभी टॉप फोर के अंदर आपको मे बी ओवरऑल जो है स्कोर कार्ड में आपको देखने को मिले। LS की बात कीजिए, LS के पास 11 पॉइंट रहेंगे और सेम RGA ऑफिशियल के पास भी 11 पॉइंट रहेंगे और सेम जैक FF क्लब के पास भी यहाँ पर रहने वाले हैं, JFC के बॉयज के पास भी यहाँ पर 11 पॉइंट रहने वाले हैं, बट सेकंड पेज की बात की जाए तो 4D दी 4 डायमंड्स आपके स्क्रीन के सामने रहने वाले होंगे विद 8 पॉइंट्स, यहाँ पर भी इस मैप के अंदर 8 पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं, दी गार्डियंस के पास 6 पॉइंट्स रहेंगे, Demon Pride 2 points, RG Army के पास 2 points, then Make You Cry की बात करूं तो 1 point इनके पास रहने वाला है, Learn From Past भाई इनको अभी जो इस गेम के बाद ना इनको काफी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक जंप किया ना वो एकदम एक अर्ली फाइट के अंदर पहुंच गए थे, दिस इज एक्चुअली नॉट ए गुड साइन फॉर दिस टीम, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर LA के बॉयज को यहाँ पर भी लेके चले जाएंगे, बट उनके लिए एक सरप्राइज तब बना जब एक और टीम उसके ऊपर आ चुकी और वहां पर एक और टीम आके एक किल्स उठा के चली गई, बट ओवरऑल स्कोर कार्ड हमारे सामने है और इस वक्त लीड करी टीम लेगेसी 48 पॉइंट के साथ, लेजेंड स्टाइल वहीं पे नंबर 2 के ऊपर मौजूद है 42 पॉइंट के साथ, ये दोनों टीम अभी भी अपनी जो एक टॉप 2 पोजीशंस मेंटेन कर रही है, और दोनों की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं इस लास्ट गेम के अंदर, बट कार्टून नेटवर्क इस लास्ट भूया के बाद इस लास्ट परफॉर्मेंस के बाद नंबर 6 से उठ के नंबर 3 के ऊपर आ चुका है, और इन्होंने RGA ऑफिशियल से इनका टाइटल इनकी पोजीशन छीन ली है, RGA ऑफिशियल नंबर 4 के ऊपर 33 पॉइंट के साथ मौजूद है और जैक FF क्लब नंबर
5 के ऊपर 31 पॉइंट के साथ, और पिशावरी इनकी हमेशा से डिसेंट गेम्स जा रही है जहां पे इन्होंने 6, 7, 8, 9 पॉइंट सिक्योर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके 24 पॉइंट हो चुके हैं। बट इनको अपनी गेम, इनको अपने पॉइंट्स बहुत शदीद जरूरत है अप करने के लिए, क्योंकि पीछे 3 ही गेम्स रह गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और अभी 3 गेम्स के अंदर ही टीम्स को अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं, अपनी जो वीकनेस हैं, उसको यहाँ पे समझ के अगले 3 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। और दोबारा जगह बात कीजिए, 48 पॉइंट्स अगर यहाँ पर लेगेसी ने यहाँ पर सिक्योर कर लिए हैं, मेरे ख्याल से अगले 3 मैचेस में मुझे वो स्लो डाउन होते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि खतरे की तलवार जो है ना वो बिल्कुल लटक रही है एलएस के नाम की, बिल्कुल पीछे पीछे लेगेसी के चलते हुए नजर आ रहे हैं। सेम अगर बात कीजिए, कार्टून नेटवर्क भी उसी रेस के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, सेम एज सेम आरजीए। मतलब पॉइंट्स की अगर बात कीजिए, इतना लंबा डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। और इसी के बाद अगर सेकंड पेज की बात करूं मैं, आरजी जो लर्न फ्रॉम पास की बात करूं, तो दिस टीम हैव 23 पॉइंट्स, और उसके बाद 4 डायमंड्स की बात कीजिए, 15 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे रहेगी। द गार्डियन बॉयज विद 12 पॉइंट्स 9 प्लेस। डीमन की बात कीजिए तो यहाँ पर 9 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पे रहेगी। मेक यू क्राई हैव 6 पॉइंट्स 11 प्लेस, और उसके बाद पीआरजी आर्मी विद 5 पॉइंट्स 12 प्लेस। तो ये वो टीमें रहने वाली हैं जिनको यहाँ पर जंप मार के अभी आगे की तरफ आना है, यहाँ पर जो अपनी जो पिछली जो गेमें हो चुकी हैं उसको यहाँ पे भूल के अभी इनको यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा टू जंप ऑन ए फर्स्ट पेज, यहाँ पर सेकंड पेज से उनको जंप करके फर्स्ट पेज के ऊपर आना है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इन दिस मैच। अदरवाइज अगर बात कीजिए जो टॉप 6 पोजीशन रह रही है, तो मेरे ख्याल से अभी भी वो सिक्योर नहीं है। मतलब कि जिस तरह कल आपने देखा था कि जो 5 म्यूटेंट्स के बॉयज थे उनको मतलब कि इतनी लीड मिल चुकी थी, वो मतलब कि टेंशन फ्री होकर खेलते हुए नजर आ रहे थे, बट नॉट टूडे। आज वो केस नजर हमें नहीं आ रहा, जो टॉप पे टीम रह रही है, बिल्कुल उनके पीछे जो टीमें रह रही हैं उनके पॉइंट डिफरेंस इतने ज्यादा नहीं रहने वाले। एक अच्छी गेम निकाल ली किसी भी टीम ने तो वो यहाँ पर क्रॉस करके प्लेस जो है एक दूसरे से छीनते हुए नजर आ रही होंगी। टॉप 6 बल्कि टॉप 7 की बात करूं, टॉप 7 यहाँ पर एक दूसरे से जो रैंक्स हैं वो यहाँ पर स्विच करते हुए नजर आएंगे इन अपकमिंग मैचेस। बिल्कुल, और यहाँ पे 2 टीम्स हैं जो एक लेगेसी की टीम हो चुकी है, और अगर हम बात करें यहाँ पे लर्न फ्रॉम द पास्ट, ऑल्दो उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस से पुश डाउन हो चुकी है, अब यहाँ पे कार्टून नेटवर्क ऊपर आ चुकी है, लेजेंड स्टाइल्स का स्क्वाड है और एक आर्मी का स्क्वाड है जो कि टॉप 4 में मौजूद है। और वही बात है कि इनके अंदर खास डिफरेंस नहीं है, बट लेजेंड स्टाइल और लेगेसी इनके पास अभी भी कुछ अच्छे सब्सटेंशियल पॉइंट्स हैं। इनके पास एक मार्जिन है गलती का सिर्फ और सिर्फ 1 गेम का, आई थिंक ये 1 गेम में जल्दी भी एलिमिनेट हो गए तो कोई मसला नहीं रहेगा इनको, ये फिर भी टॉप 4 में मौजूद होंगे। बट 3 मैप्स हैं और 3 मैप्स से अब आपको कुछ ना 1-2 गेम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, बिकॉज अभी 48 के ऊपर मौजूद है जहां मैंने बात की थी, एटलीस्ट 68-70 पॉइंट्स आपको चाहिए। तो इन 3 गेमों में आपको हर गेम में आई थिंक 8-9 पॉइंट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं देनी, मतलब एक होती ना एवरेज परफॉर्मेंस दें तो आप आराम से 70 क्रॉस कर सकते हैं फॉर द लेगेसी फॉर लेजेंड स्टाइल एज वेल। बट कार्टून नेटवर्क की बात करें, फॉर द टीम जो कि नंबर 5 नंबर 6 नंबर 4 के ऊपर मौजूद है, उनको यानी उनके लिए स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी उनको बुआ चाहिए, उनको एटलीस्ट 1 बुआ चाहिए, दूसरा नहीं तो उनको 15 पॉइंट्स चाहिए होंगे गेम के अंदर जहां पे उनके कुछ रैंक पॉइंट्स 7-8 हो, 7-8 किल्स मौजूद हो, तब वो क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप के लिए। 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए और 4 टीमें आगे जाएंगी, बट ये सारा इस आगे प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी। बट बात करते चले कि ये जो सारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डेमन हमें प्रोवाइड किया इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की तरफ से, जिनकी नई प्रोडक्ट इन्फिनिक्स 11S भी आ रही, नोट 11S, तो लाजमी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं, उनके यूट्यूब पे जाएं, उनको सब्सक्राइब करें ताकि वो उन्होंने इतना बड़ा जो इवेंट आपको प्रेजेंट किया है, स्पॉन्सर किया है, ताकि वो बार 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 इस तरह की चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म्स देते रहें, और ये हम सब की इसके लिए बेहतरी है। सो यू दिस इज लाइक रिटर्निंग द फेवर फॉर देम, जितना इतना ज़्यादा उन्होंने किया है। तो आई थिंक ये हमारी साइड से था और ये 3 मैप्स हो चुके हैं। अगले 3 मैप्स के लिए आई थिंक हमें जो होने हैं वो भी दोबारा उसके ऊपर होने हैं, कालाहार के ऊपर, प्रगटी के ऊपर, कालाहारी, प्रगटी और बरमूदा के ऊपर होंगे, तो काफी इंटेंस होने वाले, बिकॉज अब कोई हमारे पास सरप्राइज फैक्टर नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, एक सरप्राइज फैक्टर तो नहीं रहने वाला, बट एक अमेजिंग गेम प्ले हमें जरूर देखने को मिलती रहेगी हर एक एरिया के तरफ से। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से हर एरिया से यहाँ पर टीम जो है पार्टिसिपेट करें, इवन जो पेशावरियन ने तो अपना नाम ही पेशावरियन रख लिया ना, तो वो तो अलग बात है, बट टीम्स जो है, टीम्स सारी जो है जहाँ से भी खेल रही हैं, जहाँ अभी अभी हमें अभी देखने को मिला इंडिया रीजन से भी कितनी अच्छी स्क्वाड्स हमें देखने को मिले, सेम नेपाल रीजन से भी काफी अच्छी टीम्स हमारे सामने आएंगी, एंड पाकिस्तान से भी न्यू टैलेंट एंड जो पुराने हमारे पास शाइनिंग स्टार, हमारे पाकिस्तान के हीरोज
जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो वो भी अभी इन जो इतना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इनको मिल रहा है। ऑफकोर्स हर हर एरिया से, मतलब हर इतनी बड़ी बड़ी कंट्री से हीरोज के साथ उनकी फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर इस ये यहाँ पर विन करना इट्स लाइक कि भी आपने एक अपने लिए सीट बना ली टू कम फॉर द फ्यूचर, आप आगे जाके आपको और भी अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप, इसके बाद इंडिया टुडे गेमिंग आपके लिए और भी स्टेप्स बनाता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अगले तीन गेम से पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएगा, विल बी राइट बैक। So I can't see the ground.
on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.
वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं आरजी आपका कास्टर, मुझे ज्वाइन किया डीमन ने। ये है वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जो कि प्रेजेंट और स्पॉन्सर्ड है इनफिनिक्स स्मार्टफोन से, जिनकी नई प्रोडक्ट आ रही है इनफिनिक्स नोट 11s। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनकी चाहे वेबसाइट पे जाएं, उनके इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं और उनको चेकआउट करें, उनको उनके पेजेस को फॉलो करें। साथ ही साथ आप इंडिया टुडे गेमिंग और प्लेटोनिया जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा ई स्पोर्ट इवेंट, तो सब चीज़ों को आप फॉलो लाइक वगैरह सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि वो फ्यूचर में करवाते रहें। बट वापस आते हैं डीमन गेम की तरफ। मैप नंबर 3 हो चुका है, 3 मैप रह चुके हैं, तो क्या क्या जज्बात है आपके भाई? आई एम जस्ट स्पीचलेस राइट नाउ कि मैं एज हमने पिछले 3 मैचेस देखे और अभी तक मुझे जो टॉप 6 टीम्स या टॉप 7 टीम्स भी आप बात कर लें तो मतलब कि अभी तक वो एक एक टीम का एक स्टेप बैक अगर जाता है, अगर अर्ली क्लैशेस की फाइट होती है, अगर वो अर्ली एलिमिनेट हो जाती है टीम तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा वो, क्योंकि वो यहाँ से मेरे ख्याल से फर्स्ट पे अगर टीम कोई अर्ली एलिमिनेट होती है तो वो बिल्कुल या तो फिर थर्ड पे होगी या तो फोर्थ पे नजर आ रही होगी, क्योंकि पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं और टीम्स काफ़ी अभी डिस्टर्ब होगी इस चीज़ को लेकर कि यार कि एक गलत स्टेप हमारी पूरी टीम को जो है ना पनिश कर सकता है। बिल्कुल, और यही हुआ है बल्कि पिछली गेम में जहाँ पे लर्न फ्रॉम द पास्ट के ऊपर दो उड़ती टीमें आई। मतलब मैं जब उड़ती उड़ती बात करूँ तो वाकई वो उड़ती उड़ती आई थी, वो ऐसे आई लैंड किया उन्होंने आके, उन्होंने लर्न फ्रॉम द पास्ट को 3 प्लेयर्स को अर्ली एलिमिनेट कर दिया, चौथा प्लेयर भी मेरे ख्याल में 11वें 12वें नंबर पर जाके एलिमिनेट हो चुका था, मे बी 9वें 8वें पे, बट ऑल इन ऑल उसे एक ही पॉइंट मिला था। तो वहाँ पे ये अब लर्न फ्रॉम द पास्ट या चौथे नंबर से उठ के अब आई थिंक 7वें 8वें पेज नंबर 2 के ऊपर चली गई है, और इसी तरह की एक गेम अच्छी है एक गेम बुरी आपको इतनी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, जो कि आपके खास तौर पे अब 3 गेमों के बाद इन 12 टीमों से 4 ने क्वालिफाई करना है, तो ये तो होगा ये तो होना ही है, ये चीज़ें हो जाएंगी। बट अभी अभी अगर बात कीजिए जो अपकमिंग 3 मैचेस रहते हैं ये ऑफकोर्स गेम चेंजिंग मैप रहेंगे, और ऑफ कोर्स हर टीम की बात कीजिए, इवन हर टीम की मैं बात करूंगा इस टाइम पे गेम चेंज प्लान अभी हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीम ऑन बोर्ड, कोई भी किसी से काम नहीं रहने वाली, हर टीम एक्सपीरियंस टीम ऑन बोर्ड रहने वाली है, और इन एक्सपीरियंस टीमों से भी अगर आपकी बात करूं तो यहाँ पर 4 टीमें ही आगे जा सकेंगी। तो देखते हैं कि आज की कौन सी 4 टीमें रहने वाली है तीन मैचेस के बाद ही ये चीज़ डिसाइड हो सकती है कि यार कि कौन सी 3 वो खुश नसीब कौन सी 4 टीमें होंगी वो जो कि यहाँ से क्वालिफाई करके आगे की तरफ खेलने जाएंगी। बट राइट नाउ अगर बात कीजिए चौथा मैच रहने वाला है आज के दूसरे दिन का, तो देखते हैं कि टीम्स अब इस मैच के अंदर कैसे परफॉर्म करती हैं। बट लुक एट दिस ऑब्जर्वर, अगर बात कीजिए यहाँ पर बिल्कुल 2 टीमें, टीम 8 की बात करूँ यहाँ पर MYC एंड 7S, यहाँ पर भी अगर बात कीजिए बिल्कुल ड्रॉप क्लैश में नजर आ रहा है। सेम अगर बात कीजिए टीम 10 और उसके साथ अगर मेरे गोडजी के बॉयज यहाँ पर जाने वाले हैं, उसके साथ अगर मेरे ख्याल से क्लैशेज बरमूदा में जो पिछले मैच के अंदर हमें क्लैशेज देखने को नहीं मिले, इन दिस मैच हमें वो क्लैशेज देखने को मिलेंगे। एक प्लेयर यहाँ पर नॉक हो चुका है एंड हियर यू गो, मेरे ख्याल से फर्स्ट ब्लड जो है ना आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में अभी 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, वी गेट द फर्स्ट ब्लड। और ऑब्जर्वेटरी में यहाँ पे डैमेज, बट एलएस का स्क्वाड दूसरी साइड पे यहाँ पे भागता नजर आता है, उसको छोड़ते हैं। एमएससी एक और प्ले 7 एस्केप को डाउन कर चुकी हैं और उनकी भी एलिमिनेट कर दिया है, 2 के जिनके नाम हो चुकी हैं और ये सारे सारे इकट्ठे मूव कर रहे हैं, बट 7 एस अब उनके लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब उनके 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, अब उनको यहाँ से भागना पड़ेगा, वही हमें नजर आ रहा है। मेरी मैप के ऊपर गौर किया जाए तो ऑब्जर्वेटरी के ईस्ट वेस्ट साइड से वो लोग भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो जो ये एक MYC को अच्छा स्टार्ट मिल गया है, उनकी जो एक लूट उनको यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी में मिल जाएगा, दूसरा वहाँ पे एक लूट मिल गया है, उनको 2 एक पॉइंट्स भी मिल चुके हैं, राइट एट द स्टार्ट कॉन्फिडेंस भी इनको मिल गया है, तो आई थिंक ये इसको एक अच्छी गेम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जब ऑन दी अदर हैंड 7S को थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्री विद यू, और यहाँ पे काफी डिफेंसिव होकर खेलना पड़ेगा, बट 4D के बॉयज यहाँ पर रहने वाले हैं, PS के नोमी यहाँ पे रहने वाले हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिल सकती है, दोनों टीमें यहाँ पर रहने वाली है। अगर बात कीजिए 4D का एक लोता उजैर यहाँ पे रहेगा, उसके बाद अगर बात कीजिए दूसरी टीम जो बाकी प्लेयर्स रहने वाले 4D के, वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दूर रहते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे असेंबल होने की जरूर कोशिश करेंगे, अगर असेंबल नहीं होते आरजी तो काफी मुश्किल वाला सीन बन सकता है। बट यहाँ पर अगर बात कीजिए नोमी की, तो नोमी तो यहाँ पर भी बिल्कुल हाथ धो के मुंह धो के यहाँ पर बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं कि यहाँ पर ये किल तो लाजमी चाहिए उजैर की। यहाँ पर अभी जो मेरे ख्याल से नोमी की यहाँ से रोटेशन है यहाँ पर बिल्कुल फंसा ली, यहाँ पर फुटस्टेप की वजह से यहाँ पर रुका जाता है, बट 4D के उजैर अपनी यहाँ पर जो है ना फुल ट्रेड यहाँ पे बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बट दूसरी अगर बात की जाए नोमी की, दूसरी नजर यहाँ पर एक और लड़के के ऊपर 4D यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत में आते हुए। PS की टीम अगर बात करूँ तो PS यहाँ पर आज
जीतने के लिए मैच, चौथा मैच खेलने के लिए। मुझे लग रही है कि ये टीम जो है ना आज क्रेजी हो चुकी है। तो जेएफसी की बात कीजिए तो जेएफसी के बॉयज भी यहाँ पर कुछ फायर करते नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटीज यहाँ पर बात कीजिए तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर प्यारा नेड हो सकता है, दिस नेड इज गोइंग टू बी इनसेन। नोमी सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते थे, बट उन्होंने अपना जो था ना कर्सर राइट थे मोड़ने से थोड़ा सा भूल गए थे, वो सीधे सीढ़ियों से सामने की तरफ उतर गए, बट वो छोड़ते हैं बात में। ये एक जो हमने नोटिस किया था आपकी बात दुरुस्त थी कि अब जो हम कंपैरिजन में लाते हैं, पीएस जो हमने बरमूडा पहला देखा था बहुत पैसे बहुत सुकून में, कोई एक दो क्लैशेज होते ऑल अक्रॉस द मैप, अब आप टीम को अग्रेसिव देख रहे हैं। मतलब एमवाईसी ने चेस किया था जाके 7S को, अब दूसरे साथ पीएस को देखे किस तरह, मतलब अपने कवर्स को छोड़ के रॉयल थंडरस्टार जब 2-3 मिनट हुए बाहर निकले उन किल्स के पीछे जा रहे हैं, बिकॉज उन्हें इस चीज का अंदाजा हो चुका है अभी नहीं तो कभी नहीं, उन्हें वो पॉइंट्स चाहिए, उन्हें वो किल्स चाहिए, उन्हें भूख लगी हुई है उस खून की उस किल्स की, ताकि वो जाके वो हासिल करें। और अब ये पीएस का स्क्वाड हो गया, एमवाईसी का स्क्वाड हो गया, लर्न फ्रॉम द पास्ट का स्क्वाड हो गया, ये अब स्क्वाड्स काफी डेंजरस होते हुए हमें नजर आएंगे। और उम्मीद यही है कि इनके टारगेट में फिर शायद वो LALS जैसी टीम्स ना आए, अगर आई तो वो इनको फौरन एलिमिनेट कर देंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर एलिमिनेट तो करना बनता भी है, बट अगर बात की जाए एमवाईसी की बात करूँ जल्दी से आरजी के ऊपर यहाँ पर जंप करते हैं, यहाँ पर भी नॉक एक निकाल लिया, बट दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पर टेक डाउन करेंगे और पूरी की पूरी टीम जो पहली टीम यहाँ पर हमें छोड़ के जाती है पीआरजी आर्मी, जो कि पहली टीम फर्स्ट टीम एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मैप बरमूडा से, हमें छोड़ के पहली टीम हमें छोड़ के जा चुकी है। वी स्टिल हैव 11 टीम्स ऑन बोर्ड, 11 टीमें अभी भी हमारे पास रहने वाली है। बट अगर बात की जाए लुक एट दिस जेएफसी बॉयज, बिल्कुल सामने टीम रहने वाली है डीपी बॉयज, यहाँ पर डीमन प्राइड यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से डीमन्स बॉयज के लिए तो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना बन चुका है इन दिस मैच, बिल्कुल हैवी सिचुएशन बन चुकी है आरजी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार उनका जो कम बैक जो वाला सीन जो है ना यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बट एक अच्छी टीम, एक अमेजिंग टीम रहने वाली है, बट उनकी अगर बात कीजिए उन्होंने जो किल्स निकाले हैं, जो उन्होंने एक रोटेशन डाली है वो समहाउ उनके लिए वर्क नहीं की, बट एक अच्छी रोटेशन और अगर किल्स यहाँ पर स्टार्ट में ही उठा लेती टीम डीमन, तो मेरे ख्याल से ये भी टॉप 6 टॉप 7 में हमें नजर आ रही थी। आई मीन ये बात ठीक है आपकी कि अभी भी 3 गेम्स रहती है और जो टीम सेकंड पेज के भी नीचे लोअर हाफ में मौजूद है वो कम बैक कर सकती है। आई मीन हमने अगर हम बात की जाए डीमन हाफ की कास्ट एक्सपीरियंस की, तो आपने भी ऐसे कम बैक्स देखे होंगे, बल्कि ऐसे मुश्किल मुश्किल कम बैक्स देखे होंगे जो इम्पॉसिबल होते हैं। तो आई थिंक ये टीम्स इनमें कैपेबिलिटी है, और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी टीमें खेल रही हैं, तो ये इस बात पे मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि आप कौन वो हैं, स्किल्ड हैं आप, यहाँ पे आपके पास वो हर स्किल्स है जो आपको इस वक्त चाहिए इस गेम में टॉप पे आने के लिए, बूया सिक्योर करने के लिए। तो आई एम होपिंग कि डीपी का स्क्वाड, जेएफसी का स्क्वाड, आगे पीछे दो तीन स्क्वाड जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहे हैं, वो आगे उठ के आए और परफॉर्मेंस दें। बट फॉर नाउ जो एक अर्ली स्टार्ट में थोड़ी सी एग्रेशन थी वो लूज हो चुकी है, बट ए ऑफिशियल यहाँ पे इनके बिल्कुल सामने डीपी का प्लेयर जाता है, उनको शॉर्ट्स लैंड करने की कोशिश करते हैं बट कुछ खास लैंड नहीं हो पाती। बट अब इस ऑफिशियल के थोड़े से मसले की बात ये है कि इनको अब यहाँ से सर्कल राउंड कर लिया कि डीपी के मेंबर्स ने, और अब इनका बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। उस सीढ़ियों के साथ बैठे हुए देखना चाह रहे कोई ऊपर आएगा तो मैं यहाँ से उसको हाई ग्राउंड से उसको एकदम थर्ड पर्सन व्यू करके मार सकता हूँ, बट इनको ख्याल करना पड़ा है एक अच्छा नेड आए इस कमरे के अंदर तो इनको एलिमिनेट कर सकता है। बट डीपी उनके पास काफी ज्यादा है, लॉन्ग रेंज से लॉक किया जाता है, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि रैप्टर एक बड़े बड़े एरिया के साथ एक लॉन्ग एरिया को कैप्चर करते हुए इसको टेक डाउन कर सकते हैं। बट डीपी के बॉयज अब जल्दी से एक नॉक निकाल के ऑन ग्राउंड यहाँ पे जाएंगे, किल को कंफर्म करेंगे। अभी बात कीजिए किल्स की, बात करूँ डीपी की, तो डीपी के बॉयज ने यहाँ पर 2 किल्स अपने नाम कर लिए, नाउ दिस टीम नीड टू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आगे की तरफ जाएगी, एक नई प्लेस की तरफ जाएगी। बट अगर बात कीजिए गोडजी की, बात कीजिए सीएन की, बात कीजिए आरजी ए की, बात करूँ मैं, ये वो टीमें रहने वाली है आज के दिन में जो कि काफी तगड़ा गेम प्ले हमें करते हुए नजर आएंगी। समी की गेम हमने पिछले मैच के अंदर भी देखी है, विच वॉज लाइक क्वाइट इम्प्रेसिव, काफी जबरदस्त गेम, इन्होंने काफी अच्छे किल्स उठाते हुए नजर आए। बट इन दिस मैच मेरे ख्याल से ये जो चौथा और पांचवा मैप रहेगा वो काफी यहाँ पे कंट्रोल में मेरे ख्याल से अगर निकलता तो जो लास्ट मैच होगा वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि टीम्स ने डू एंड डाई कंडीशन में रहना है। अगर तो यहाँ पर स्कोर जो है वो एक स्टेबल स्कोरिंग के साथ चलता हुआ नजर आएगा, सेम पॉइंट्स के साथ चलता हुआ नजर आएगा। बट एक प्यारा स्प्रे आता है पीएस का, एक यहाँ पे नॉक हो जाए दो, साथ ही जानू मानू को यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया जाएगा फ्रॉम लॉन्ग रेंज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि यार जानू तुम मेरी हो, तुम मेरी किल लो।
ओहो, लेकिन यहाँ पे पीएस के बाकी 3 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। अगर अच्छा स्टार्ट मिला था, बट यहाँ पे एक प्लेयर लूज करना 7वें मिनट के अंदर, इनको इस चीज के दर्द बाद में जाके महसूस होगा, और अभी भी मैं इस दर्द के बाद की महसूस करूँ इनके लिए, तो अभी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको तीनों तरफ से घेरा जा रहा है, एक स्क्वाड यहाँ पे टीजी का स्क्वाड लेफ्ट से आ रहा है, इनके ऊपर हाई ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे एलएस का स्क्वाड भी मौजूद रहेगा, तो अब इनके लिए मसला बनता जा रहा है। देखना पड़ेगा कैसे ये लोग सर्वाइव करते हैं। टीजी की गन की स्नाइपर की एम इनके ऊपर है, तो किसी ने यहाँ पे सर निकाला, यहाँ पे हल्की सी पीक दी, उनका एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पीएस को आई थिंक यहाँ पे रीएलोकेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किसी ना किसी तरह यहाँ पे वो टीजी जाके एलएस से लड़ ले, बट टीजी वो ही लड़ना चाहती है, वो ही फाइट लेना चाहती है, बाहर से आए रश करते हुए आ रहे, उनको पता है प्लेयर्स मौजूद हैं एंड वो जाते हैं, बस आई थिंक उनको हाई ग्राउंड का भी अंदाजा हो चुका है कि एलएस का स्क्वाड भी हाई ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, बट उसके बावजूद वो जाके रश कर रहे हैं। बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसा ही है, बट पीएस अपना एक प्लेयर यहाँ पर लूज कर जाती है। अभी भी बात की जाए 3 मैन स्टैंडिंग दिस टीम, एलएस यहाँ पर भी इस मौके पे चौका मारने की कोशिश करी कि यहाँ पर इस मौका हमारे सामने आ चुका है, तो मेरे ख्याल से 4 बंदों को तो हम नॉक कर ही सकते हैं, बट मेरे ख्याल से पहले टीजी के बॉयज यहाँ पर पीएस के ऊपर एक हैवी चार्ज कर चुके हैं, एक और प्लेयर यहाँ पर टेक डाउन कर देंगे। टीजी के बॉयज यहाँ पर जिस तरह किल्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे जिस तरह यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं, काफी मुश्किल यहाँ पर बना सकते हैं, बट एक टीजी के बॉयज फाइनली अगर बात की जाए यहाँ पर उनकी तरफ नेट्स की बारिश होते हुए नजर आ रही है। पीएस के बॉयज भी यहाँ पर नेट्स पे फेंकते नजर आए, एलएस के बॉय का प्यारा नॉक निकलता है टीजी की तरफ से, जोकर को यहां पे नॉक कर दिया जाएगा एक लंबी रेंज के ऊपर, यहां पर एलएस जो है ना थोड़ी सी स्लो डाउन हो गया। अब नाउ एलएस की बात करूं तो टीजी के बॉयज यहां पर जैसे ही यहां से निकलते हैं एलएस के ऊपर, यहां पर भी एक जबरदस्त एलएस को छोड़ के एक नई फाइट के अंदर जाते हैं, वहां पे नॉक निकाले जा रहे होते हैं। एलएस के बॉयज यहां पर थोड़े से परेशान, हैरान और परेशान हो गए कि यार ये हो क्या गया यहां पर, ऐसा तो कुछ भी हमने सोचा नहीं था, बट यहां पर एक सोच में मजबूर एलएस के बॉयज यहां पर बैक जाते हुए नजर आएंगे। यहां पर बिल्कुल एक इकलौता प्लेयर यहां से मूव बैक करेगा, 9-2-11 हो चुका है, और यहां पर किल्स की अगर बात कीजिए भाई टीजी के बॉयज को यहाँ पर 5 kills मिल चुकी है, पीएस का स्टिल एक बॉय रह चुका है, नोमी। लुक एट दिस नोमी, बिल्कुल सांस रोक के बिल्कुल चौकड़ी मार के यहाँ पे बैठ चुका है कोने में, कि यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं, और टीम मेंबर भी कह रहे होंगे, इवन जानू कह रहा होगा तो मैं देख मैं तेरा जानू ना तो यहाँ से मूव नहीं करना तो सीन हो जाएगा। बट यहाँ से टीजी की बात करते हैं, कितनी खतरनाक स्क्वाड है, यहाँ से बाहर से चलते चलते आए, ओ इन्होंने नोमी को स्पॉट कर लिया और मेले क्या के नोमी को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो इस तरह यहाँ से एक स्क्वाड पीजी का भी एलिमिनेट हो जाता है, आई एम सॉरी पीएस का। बट टीजी बाहर से आए हैं इस कंपाउंड, ये जो कोटे का इलाका था ये सारा का सारा एक एलएस हाईग्राउंड के ऊपर मौजूद थी, यहाँ पे पीएस इसके अंदर मौजूद थी, बट टीजी बाहर से चलती हुई आई है, उन्होंने कंपाउंड छीने, कंपाउंड के अंदर गए हैं, उन्होंने वहां से पहले पीएस को एलिमिनेट किया, बाद में वो फाइट हाईग्राउंड पर जाकर एलएस से ली, एलएस के 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, और जब आखिरी प्लेयर्स के उसको वहां से भागना पड़ा अपनी जिंदगी बचाने के लिए, तो कितनी अग्रेसिव ये टीम खेली और कितनी अब ये डेडली टीम हो चुकी है, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीम इनको इतना आराम से मुकाबला दे सकती है, बेशक वो LFP हो, बेशक वो LS हो, बेशक वो LA हो, अब ये गेम मुझे TG की लगती हुई नजर आ रही है, जिस तरह की इनकी मेंटालिटी बन चुकी है, जितने किस तरह की इनकी गेम स्टाइल बन रहा है। बिल्कुल एक्जैक्टली टीजी के पास यहाँ पे 6 kills उनके हाथ में आ चुके हैं, और टीजी को थोड़ी सी मोटिवेट हो चुकी होगी कि यार के अब 6 kills हमारे पास आ चुके हैं, नाउ वी जस्ट नीड टू जंप फॉरवर्ड, यहाँ पर हमें आगे जाना चाहिए, आगे जाके और अच्छी फाइट हमें निकालनी चाहिए और किल्स उठाने चाहिए, और मैं आई एम जस्ट डैम श्योर अगर यहाँ पर ये एक अच्छे सर्कल को होल्ड कर लेते हैं, सर्कल के अंदर एक अच्छी प्लेस को होल्ड कर लेते हैं, हर आने वाली टीम को यहाँ पर एक सरप्राइज कर सकती है दिस टीम टीजी। समी की बात की जाए, समी भी यहाँ पर रहने वाले हैं, एक अच्छी लूट के साथ यहाँ पर रहेंगे, और मेरे ख्याल से यहाँ से एक रोटेशन देंगे, देखते हैं कि यहाँ पर मेरे ख्याल से ड्रॉप लेने की पर भी अगर बात कीजिए, यहाँ पर भी लूटने की ना अभी भी जो एक इतना लालच वो भी अभी कम नहीं हुई मेरे ख्याल से, अभी भी यहाँ पर भी सामने ड्रॉप को यहाँ पर भी जाके उस वहां से वेपन निकालने का फुल मूड लग रहा है। अभी दूसरी साइड अगर बात की जाए तो टीजी के बॉयज भी यहाँ से रोटेट करके आप आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर एक अच्छी प्लेस को यहाँ पर रखना बहुत बहुत मैटर करता है, और यहाँ पर ड्रॉप्स बिल्कुल जो टीम्स के पास आ जाते हैं, दिस इज एक्चुअली गुड सिंह ग्रोजा यहाँ पर आने वाली थी। और अभी भी बात जब बाकी टीम्स की बात करूँ, यहाँ पर टीजी की बात करूँ, यहाँ पर डीपी खटक की बात की जाए, या तो ये टीम भी यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स कार्स लेके यहाँ पर भी एक ट्रैक रेस खेल निकल चुके हैं, यहाँ पर एक अच्छी रेस के बाद एक अच्छी प्लेस को यहाँ पर कैरी करते नजर आएंगे। उसके बाद डीपी के राजा यहाँ पर रहने वाले हैं, एलए की बात करूँ तो एलए की पूरी टीम यहाँ पर रहने वाली है, 4 मैन पावर आरजी यहाँ पर अभी भी ये टीम रहेगी, तो मेरे ख्याल से एलए की बात की जाए या तो फिर एलएस की बात की जाए, यहाँ पर अगर बात की बाकी टीमों की बात करूँ तो काफी इंपॉर्टेंट मैच इनके लिए ये भी रहने वाला है, यहाँ पर अगर एक छोटी सी गलती इनको बहुत पनिश कर सकती है इन स्कोर कार्ड।
LFP थोड़ा सा पैसिव, RGA बहुत पैसिव खेलते हुए दो टीम्स नजर आ रही। इन लोगों ने तो सिर्फ अपनी जो पिछले 12 मिनट है वो इसको लूट के ऊपर और रोटेशंस के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ से लूट उठाया, अभी भी हमें यहाँ पे गन्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आर्मर्स मेड किट्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने अप कर लिया। अब इनकी कोशिश यही है कि हम जाके सर्कल के अंदर कोई अच्छी जगह लें। अभी तक इनके पास कंफर्टेबल पोजीशन है, बट सवाल यही है कि अगला सर्कल कहाँ बनता है, कहाँ जाता है, ताकि ये टीम उनके अंदर आती है या नहीं आती। बट फॉर नाउ अब ज्यादातर टीम्स ने सर्कल के एच सीज के ऊपर यहाँ पोजीशन ले लिया। और CAN का स्क्वाड डीमन, ये वो स्क्वाड है, अगर हम पिछले 4 गेम्स के मैप्स खोल के देखें तो ये वो स्क्वाड है जो हमेशा सर्कल के अंदर मौजूद होता है। नाउ अभी भी देखें अगला सर्कल बना है, काफी आई थिंक 9 में से 7 स्क्वाड सर्कल के बाहर है, 2 स्क्वाड सर्कल के अंदर, उसमें से एक CAN का स्क्वाड है। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पे बुश को कैरी कर लिया, क्योंकि ताकि यहाँ पर टीम्स को यहाँ पे पजल कर लिया जाए कि यहाँ पर हम नहीं मौजूद रहे, यहाँ पर बुश रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए MYC की, बात करूँ तो MYC भी यहाँ पर भी फाइट के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। DP के बॉयज यहाँ पर नोक निकालते जा रहे हैं। एंड फाइनली अगर एक बॉय की बात करूँ तो एक लड़का रहने वाला है यहाँ पर, ओ माई गुडनेस DP। फाइनली अगर बात की जाए ग्रोजा काफी लो HP रहने वाले थे, बट यहाँ पर somehow successfully यहाँ पर भी 7 किल्स अपने नाम कर लेती है टीम DP, और अभी भी यहाँ पर ऑन बोर्ड रहेगी। तो मेरे ख्याल से TG और DP दोनों का तगड़ा मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। लुक एट द किल्स, यहाँ पर भी 7 किल्स यहाँ पर रहने वाले, 4 4 बंदे दोनों के पास रहने वाले, जो टीमें यहाँ पे छोड़ के जा चुकी हैं उनके बारे में भी आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर दिख गया होगा कि काफी काफी अग्रेसिव फाइट हमें देखने को मिल रही है। TG और DP ये दोनों टीमें मेरे ख्याल से इन दिस मैच एक अच्छी परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रही है। अगर डीमन प्राइड की बात करूँ, अगर डीमन प्राइड भी यहाँ पर भी जंप मार के सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पे आना चाह रही है, दिस इज एक्चुअली नॉट बैड। फाइनली अगर जिस तरह की कल की बात की जाए तो भाई सब कुछ अपने हथियार डाल के, भाई उन्होंने कहा डू एंड डाई कंडीशन, वी जस्ट नीड टू परफॉर्म, हमें यहाँ पे जंप एक बड़ी जंप चाहिए, और DP की तरफ से हमें वो देखने को मिल भी रही है। उस्ताद यहाँ पे कोशिश करते हैं सर्कल के अंदर आ सके बगैर किसी मुसीबत के, बगैर किसी नॉइस के। LFP के डेंजर वहाँ पे स्नाइपर से मौजूद होते हैं, लॉन्ग रेंज शॉट्स लैंड करते हैं और उनको अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं इस गेम से। बट अब यहाँ पे अब ये जंग जो एक तूफान है उसकी बारी आ चुकी है। वेदर प्रेडिक्शंस की बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं सोचा था कि शायद ये बाइक इसके नीचे आ चुकी है, और ओ भाई हेलो ठीक है, तबीयत शबीयत ठीक है, बिकॉज मैं तो थोड़ा सा घबरा गया था कि गॉडज़िला शायद उस ट्रक के नीचे आ गए हैं, बट अभी तक गॉडज़िला बिल्कुल सेफ है। सर्कल के एच के ऊपर है, और अगेन इनके पास देखे जो इनके पास एक अच्छा कंपाउंड भी है। थोड़ा सा इशू रहेगा क्योंकि इनके इर्द गिर्द काफी ज्यादा प्लेयर्स मौजूद है। LS के यहाँ पे एक प्लेयर रहने वाले हैं जो बाय से रोटेट कर रहे हैं, बट आई थिंक डेंजर को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है। बाइक इन्होंने घर के अंदर पार्क की हुई थी, बट उनके लेफ्ट साइड पे इसका बिल्कुल ख्याल करना पड़ेगा। आई थिंक बिल्कुल नियर मिस मार के उनको गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और अभी बात करें यहाँ पर रोटेशंस अभी भी जाने वाली है इनकी तरफ से, और देखते हैं कि क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। गोरजिला यहाँ पे रहने वाले हैं, DP की बात करो तो DP भी यहाँ से मूव करेगी टीम, अभी बिल्कुल जोन कैच पे रहने वाले हैं। फौजी बिल्कुल इस अपने हथियार जो है ना सेट करके बैठा हुआ है कि यहाँ पर DP के बॉयज आगे आएंगे, उनको यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। बट लेट्स सी कि क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। बट मेरे ख्याल से जो माहौल जो गोरजी वाली साइड से देखने को मिल रहा है, तो उनके वो भी हैरान और परेशान कर सकते हैं DP की टीम को, क्योंकि उन्होंने सर्कल की तरफ मूव करना है और यहाँ पर भी माहौल जो है काफी गर्मा गर्मी का बनता हुआ नजर आ रहा है। राजा यहाँ पर भी एक जबरदस्त किस्म स्प्रे करते हैं, यहाँ पर कुछ डैमेज करते हैं, और एक प्लेयर यहाँ पे जेंटल की बात करूँ यहाँ पे नॉक हो जाता है, और उसके बाद मेरे ख्याल से रिवाइव सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। और जल्दी से खटक की बात करूँ तो खटक जैसे ही यहाँ पे टीम नॉक कंफर्म करती है, उसके बाद यहाँ पे चार्ज करने पे पहुंचती है। रैप्टर यहाँ पे रहने वाले, जल्दी से यहाँ पे शील्ड लगा ली गई है ताकि एक अर्ली चार्ज को यहाँ पर भी उनको थोड़ा सा होल्ड किया जाए। बट गोडजी की बात की जाए, RGA की बात करूँ तो दिस टीम लूज 2 प्लेयर्स हियर, यहाँ पे समी और फौजी, यहाँ पे समी और फौजी। फौजी देखते हैं यहाँ पर क्या 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 गेम करता है और किस तरह यहाँ पे खेलता है, बट मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सिलसिला यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि DP यहाँ पर काफी इनसेन गेम प्ले करते नजर आ रही है। यहाँ पे किल फाइनली अगर बात की जाए, रैप्टर का पैन पड़ता है, और यहाँ पे किल्स की बात कीजिए तो DP के पास एक शानदार किल्स के साथ ये मैच मेरे ख्याल से भुया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। फौजी इज दी ओनली गाय, यहाँ पर अकेला लड़का यहाँ पर रह चुका है, और रजिया वो कहते हैं ना वो फंस गई है यहाँ पर, तो वो वाला सीन मुझे लग रहा है यहाँ पर। बट CAN यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन, बिल्कुल CAN अच्छी पोजीशन में, फौजी अभी डैमेज लेते हैं बट कंपाउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। टूटा हुआ कंपाउंड है, थोड़ा सा पीछे से ख्याल करना पड़ेगा। DP की राइट साइड से रोटेशन आते हैं, सीधा सीधा कंपाउंड के अंदर लैंड करते हैं। TG अभी भी सर्वाइव करे 11 किल्स के साथ, बट ऑन द अदर हैंड DP के एक दो प्लेयर्स पीछे रह चुके थे और उन्होंने सफर किया अब यहाँ से एलिमिनेट होना। DP खटक हो जाते हैं, गॉडज़िला अभी भी सर्वाइव करे कोई मसला नहीं, बट यहाँ पे TG और CAN ये वो दो स्क्वाड है जो कि जिनका बुआ जाना बनता है। दोनों के स्क्वाड के 4 4 प्लेयर सर्वाइव करें, बाकी सिर्फ गॉडज़िला सर्वाइव करें, और आई थिंक DP के यहाँ पे राजा
सर्वाइव करें। अब इनके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है बिकॉज सी एन उनके बिल्कुल ऊपर है, उनको अंदाजा है चुका है बाहर प्लेयर्स मौजूद हैं और ये भी शायद अंदाजा कि सिर्फ एक या दो प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ सी एन को रश करके चली जाएगी और यही होता है कि आप बाहर निकलते थोड़ा डैमेज डील करने की कोशिश करते हैं। गॉडज़िला यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, बैक एंड से भी शील्ड लगाते हैं बट मोटू आते हैं छलांग मारते हैं गॉडज़िला को, यहाँ से नॉकडाउन कर देते हैं और टीजी सैफ इसे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करती है, एक प्लेयर को नॉकडाउन करती है बट वहीं पे शील्ड लगा के उनको कवर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे शील्ड्स का प्रॉपर यूज मुझे देखने को मिल रहा है आज के दिन के अंदर। बट अगर बात की जाए अभी भी टीजी की तो टीजी हैव 13 किल्स इन द बैकपैक, 13 किल्स लड़के करके बैठे और अभी भी वो कहते हैं ना भी प्यास बुझी नहीं, अभी और किल चाहिए, 14 किल यहाँ पे कर चुके हैं एंड नाउ कार्टून नेटवर्क के बॉय यहाँ पर भी एलिमिनेट हो जाएंगे एंड भुया यहाँ पर टीजी की टीम एज यू ऑलरेडी प्रिडिक्ट कि यहाँ पर टीजी के बॉयज कहीं ना कहीं भुया लेके जा सकते हैं और वही हमें होता हुआ नजर आया क्योंकि स्टार्ट में जिस तरह टीजी ने एक किसी टीम को चेस किया था, आई थिंक वो पीएस की टीम थी और फिर वो एलए की टीम थी और हाँ एलए की टीम थी तो एलए के नाम से एलएस भी है, एलए भी, एलएफपी भी है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था टीम में तो वो तो मेरी गलती है बट हाँ टीजी आई थी कॉम्पाउंड के अंदर से टीम को मारा, दूसरे कॉम्पाउंड से निकल के एक टीम हाईग्राउंड पे थी पहाड़ के ऊपर बैठी हुई थी उसको चेस किया उनको एलिमिनेट किया 8-9 किल्स उनकी 6 किल्स वहां पे हो चुकी थी। ये टीम बहुत डेंजरस लग रही थी हमें राइट एट द स्टार्ट और उन्होंने हमें करके भी दिखाया है कि इनको इनसे पंगा नहीं लेना, इनसे नहीं इतना लड़ना क्योंकि वो मेंटालिटी इनकी आ चुकी थी अगर हम हार रहे हैं तो क्यों ना जाए यार, मतलब चलो लेट्स गो आओ चलते हैं बंदे मारते हैं। उन्होंने वही किया, इन्होंने कंपाउंड टू कंपाउंड मूव किया, उन्होंने घरों के अंदर जाके प्लेयर्स को एलिमिनेट किया मैप से और अब जब इनके पास अच्छे खासे पॉइंट हो चुके थे फिर इन लोगों ने पैसिव खेलना शुरू किया, इन्होंने एक अच्छी जगह ढूंढी सर्कल के अंदर उस जगह को काफी देर तक होल्ड किया और अब भी इन द एंड जब सी एन वर्सेज टीजी रह चुका था सर्कल के अंदर अच्छी पोजीशन टीजी की थी, सीएन को अपने कंपाउंड से बाहर निकलना था, इन्होंने यही किया, उनको जैसे कंपाउंड से बाहर निकले इनके पास गन्स अच्छे थे लूट अच्छे थे उन्होंने उनको फौन एलिमिनेट किया और एक बंदा लूज किए बगैर इन्होंने बुया सिक्योर किया तो बहुत इंप्रेसिव थी इनकी तरफ से। एग्जैक्टली और यहाँ पर वंस अगेन जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी यहाँ पर वो चीज हमें देखने को मिल रही थी। अगर बात की जाए जिस तरह हमने पहले सोचा हुआ था कि यार की ये चीज हो जाएगी सब कुछ उल्टा होता जा रहा है, इवन हर भुया डिफरेंट टीम्स के नाम जाता नजर आ रहा है, कोई भी टीम ऐसी नहीं नजर आ रही जिसने रिपीट भुया निकाला हो और अभी भी अगर बात की चौथा मैच हमने यहाँ पर हो चुका है हमारा और पांचवें मैप की तरफ हमें जाएंगे अभी। बट अगर बात कीजिए अभी स्कोर कार्ड की मैं बात करूँ तो स्कोर कार्ड यहाँ पर भी एक नई शक्ल के अंदर आने वाला है, टीम्स को हैरान करने वाला है और यहाँ पर जो हमारी जो प्लेसमेंट्स यहाँ पर आने वाली थी वो यहाँ पर मुझे लग रही है कि भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर नीचे होने वाली है क्योंकि काफी कम यहाँ पर भी नजर आ रही थी हमें, टॉप जो 6 के पॉइंट्स थे हमें काफी कम नजर आ रहे थे बट लुक एट दिस हमें वो दो टीमें नजर आ रही है ऑन द टॉप। अगर बात की जाए दी लुक एट दिस अगर बात मेरे ख्याल से आप ही एक्सप्लेन करो इन सारी चीजों को, ये दी ग्राउंड अगर बात कीजिए टीजी की बात कीजिए डीमन की बात कीजिए कार्टून नेटवर्क की बात कीजिए, कार्टून नेटवर्क ने चलो समहाउ इन्होंने अपना जो अपनी जो प्लेस है उसको यहाँ पर होल्डिंग में ले आए हैं बट बाकी क्या कहेंगे आज इसका। आई थिंक वही बात हमें हुई नजर आ रही कि अब द गार्डियंस और डीमन प्राइड ओवरऑल स्कोर बोर्ड में नीचे मौजूद थे, अब इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं बिकॉज दे गॉट नथिंग टू लूज। अब उनके 27 पॉइंट्स द गार्डियन के डीमन प्राइड जो कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, 3 गेम्स उनके कोई 7 पॉइंट थे, एक ही गेम उन्होंने 18 पॉइंट सिक्योर किए हैं। कार्टून नेटवर्क कंसिस्टेंट एज ऑलवेज हमेशा से परफॉर्म करते हैं करते रहेंगे, उन्होंने 18-15 पॉइंट सिक्योर किए, आरजीए ऑफिशियल बहुत पैसिव खेले हैं और 7 पॉइंट सिक्योर किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही और मेक यू क्राई यहाँ पर भी 6 पॉइंट के साथ इस मैच को यहाँ पर भी इख्तिताम पे लेके आई है और उसके साथ लर्न फ्रॉम पास्ट 6वें नंबर पे आते हैं 6 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स के मामले में यहाँ पर भाई ये टीम जो है ना ये बिल्कुल स्लो नहीं हो रही बट जो जिन पे हर मेरे ख्याल से हर चैट में जितने भी हमारे साथ यहाँ पर भी हमारे जो प्यारे दोस्त हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन रहने वाले हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि भाई जो टीमें हमें ऑन ग्राउंड बहुत हैवी नजर आ रही थी वो इस मैच के अंदर पहले बरमूडा के मैच के अंदर उसने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं निकाली जिस तरह एलएस की बात कीजिए लेजेंड स्टाइल्स की बात करूं या फिर लेगेसी की बात कीजिए। ये दो टीमें ऑफ कोर्स फैन फेवरेट रहने वाली हैं, सारी जितनी भी ऑडियंस है उनको प्यार करने वाली हैं और पेशावरियन मेरे ख्याल से उनकी कंसिस्टेंसी यही है कि वो आराम सुकून से खेलते हैं, सुकून से खेल के आगे तरफ आने की कोशिश करते हैं कि यार के कुछ भी हो जाए
तो जो मुश्किलात वाला सामना है ना वो हमने कर ही लेना है, बट अभी जो एक मेंटेनेंस है पेशावरीन वाली साइड से वो एक मेंटेनेंस वाली साइड से ही चलते हुए जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अब जो सेकंड टूल बात की जाए आपकी, तो आपने बताया कि बिहार के भी अब तो सारी चीजें आउट हो चुकी हैं, तो अब जो है ना हमने एक जबरदस्त किस्म की गेम प्ले ही करनी है इन अपकमिंग। बट लुक एट दी ओवरऑल स्कोर कार्ड, डीमन डीमन 52 पॉइंट्स, टीम लेगेसी कार्टून नेटवर्क 52 पॉइंट्स, लेजेंड स्टाइल 48 पॉइंट्स। तीन टीमों में कोई फर्क नहीं है, जो दूसरी तीसरी टीम में वो सिर्फ 4 पॉइंट का फर्क है। और कितनी डेंजरस बात होती है नजर आ रही, एक गेम अच्छी जहां वो 17-18। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी सी आवाज़ का कुछ इशू लग रहा है, बट अभी बात की जाए अगर भाई नो डाउट अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड तो बिल्कुल चेंजिंग में लेके आ रहा है, कि जबरदस्त किस्म की चेंजिंग यहाँ पर हमें नजर आई है। और अभी अभी भी 2 मैचेस रहते हैं, तो इट्स मीन कि 52 पॉइंट्स यहाँ पे फर्स्ट टू प्लेस स्टिल यहाँ पर हमारे लिए एक ना एक सस्पेंस बना चुकी है, क्योंकि अगले 2 मैचेस में इन दोनों टीमों के बहुत बहुत टेंशन हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों टीमें नहीं चाह रही होंगी कि कोई भी इनसे आगे जाती हुई नजर आए। पेशावर की बात करूं यहाँ पर बिल्कुल 7वें नंबर पे बैठे हुए 29 पॉइंट के साथ, सेम पॉइंट सेकेंड पेज के ऊपर भी लर्न फ्रॉम पास्ट अगर बात करूँ सीखेंगे अपने जो गुजरे हुए वक्त से, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर 29 पॉइंट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और डीमन प्राइड की बात कीजिए तो यहाँ पर वो भी बिल्कुल साथ साथ अगर बात कीजिए बिल्कुल 2 पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं उनके भी कम, और वो भी टॉप 6, 7, 8 के साथ यहाँ पर भी मुकाबले हमें नजर आएंगे। डी फोर डी की बात कीजिए, फोर डायमंड्स की बात करूँ यहाँ पर 15 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पे रहने वाले हैं। मेक यू क्राई 12 नंबर पे रहेगी, और उसके पीछे जो रहने वाली है पी आर जी की टीम With 5 points, amazing game play, यार, amazing, क्योंकि मैंने वही बात की है देखो कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर नई चेंजिंग नजर आएगी आरजी, और वही हमें देखने को मिली। बिल्कुल काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आएंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी वो तो किसी ने ना उनको एक कागज में रखा है, उसको चॉपर में डाला, उसको कहीं बाहर फेंक दिया, उन्होंने प्रेडिक्शंस हमारी दूर फेंक दी, उन्होंने कहा आज हमको नई गेम दिखाते हैं। बट ये ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग रह चुका है हमारे पास, गेम जो पहले दिन था ग्रुप नंबर 1 था उसमें हमारे पास एक ना अल्टर डोमिनेशन नजर आई थी भाई कुछ टीमों की तरफ से। एसटीएक्स ने हाँ आखिरी 2 गेम में जाकर परफॉर्मेंस नहीं नजर आई थी, बट एसटीएक्स पहले 3-4 गेम में अच्छा खेली थी, 5 म्यूटेंट्स बहुत अच्छा खेली थी, बट आज के दिन में सारी अच्छा खेल रही है। लेगेसी होगी, लर्न फ्रॉम द पास्ट होगी, मैं उसकी बात करूं अब ये टीम उठ के आई है, टीजी का स्क्वाड हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें वो इतना अच्छा खेलते हुए नजर आ रही है, लेजेंड स्टाइल्स हो गए वो बेहतरीन खेल रही है, और अब वो हमें नजर भी आ रहा है कि हर एक गेम में मुख्तलिफ बुया निकालने वाली टीम एक मुख्तलिफ टीम है। उसके बाद हर टीम एक लिटरली 52 पॉइंट के ऊपर 2 टीमें खड़ी हुई हैं, उनसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कौन सी बेहतरीन टीम है, और इतना क्लोज का मुकाबला चल रहा है कि तीसरी टीम भी 48 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हुई है, जो चौथी टीम है 40 पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, तो बहुत बहुत करीब का मुकाबला चल रहा है हर टीम के दरमियान। बिल्कुल एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इस चीज़ को देख के काफ़ी इंजॉय कर रही होगी कि यार के जो माहौल जो क्रिएट हो चुका है, जो स्कोर कार्ड जो इतनी इतनी इंटेंस लेवल पे हमारे हमें हमारे सामने आ रहा है, टीम जो हमारी ऑडियंस रहने वाली है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही होगी। और भाई जितनी भी बॉयज रहने वाले हैं जो भी हमें देख रहे हैं, तो उनको बताता चलूँ कि अगर आप 15 लाख जो हमारा गिव अवे है डायमंड्स का, फ्री फायर डायमंड्स हम गिव अवे करें ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर, आपने सिंपली क्या करना है डिस्क्रिप्शन से हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है एंड जस्ट सिंपली पार्टिसिपेट। वहां पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो वहां पर ऑफ कोर्स एडमिन एंड मॉडरेटर्स वहां पर मौजूद होंगे, जो कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ यू गाइज कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। और गिव अवे कुछ कम नहीं रहने वाला, गिव अवे रहने वाला है 15 लाख, 15 लाख फ्री फायर डायमंड्स, दिस इज एक्चुअली इनसेन। और मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर हमारी ऑडियंस रहने वाली है तो इसके बाद उसको लाजमी इस ये डायमंड्स जो है ना ये लाजमी विन करने चाहिए, क्योंकि डायमंड्स आपको पता है कि कितनी वैल्यू रखते हैं इन फ्री फायर गेम्स, और का जो आपका दिल चाह रहा हो उसके बाद आप वो चीज़ वो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सिंपल जाएँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें एंड उसके बाद आपने उसमें उसमें पार्टिसिपेट ले लेना, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक्स जो है ना लाइक्स तो बनते हैं भाई। अब इतनी देर से हम बैठे हुए आपके लिए इतनी इंटेंस लेवल फाइट्स आपको दिखा दिए, स्कोर कार्ड अभी भी सस्पेंस में रहने वाला है, अभी हम भी सस्पेंस में हैं कि अब क्या होने वाला है इन नेक्स्ट अपकमिंग मैच।
बिल्कुल, और इन्फिनिक्स की साइड से इतनी अच्छी एक प्लेटफॉर्म ले गए, तो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की तरफ से उनके सब के पेजेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप हो गए, इंडिया टुडे गेमिंग हो गए और प्लेटोनिया स्पोर्ट्स हो गए, इन सब की तरफ से हमें इतना इन सब के पेजेस को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये लोग फ्यूचर में ऐसे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान नेपाल इंडिया की टीम्स को प्रोवाइड करते रहे। और जो फ्री फायर की जो थी ये फ्री गिव अवे, ये आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी कुछ गेन कर सके इस टूर्नामेंट, ना सिर्फ टीम, ना सिर्फ ये कंपनियाँ कुछ गेन करें, बल्कि एक आम इंडिविजुअल जो इस गेम को इस व्यू कर रहा है, इस टूर्नामेंट को देख रहा है, वो भी कुछ गेंद कर सके। तो 15 लाख फ्री फायर डायमंड्स हैं। बट डीमन, दो गेमें रह चुकी हैं, दिन के अख्ताम होने वाला हमारे पास, और अभी भी हम बिल्कुल भी करीब नहीं आए। तो अगर हम ऐसे गौर किया जाए, जो हम शुरू में थे वहीं पे हम अभी भी आके खड़े हुए हैं, जहां पे हमारे पास टीम्स थे, हम डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वो कौन सी टीम्स हैं जो बेहतरीन टीम कहलाई जाएंगी, वो कौन सी टीम्स हैं जो क्वालिफाई करेंगी, और 4 गेम्स के बाद भी हम करीब नहीं आए इस बात के डिसाइड करने के, प्रिडिक्ट करने के, यार ये 4 जा रही है आगे। बट थोड़ा सा जवाब के करीब आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास लेगेसी लेजेंड स्टाइल, हमारे पास कार्टून नेटवर्क की टीम होगी, ऑफिशियल की टीम्स होगी, और हमारे पास डायमंड भी थोड़ा सा ऊपर उठ के करीब है। ये टीम एक अच्छी फाइट पुट अप कर रही है, खास तौर पे टीजी का स्क्वाड भी हो चुका है। तो आई थिंक इस गेम के और अगली गेम के बाद हमें, इस गेम के बाद तो हमें शायद एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर, नॉट एग्जैक्ट पिक्चर जो हमें नजर आएगी, थोड़ी सी क्लियर पिक्चर नजर आएगी, इन 6 टीमों में से ये 4 क्वालिफाई कर रही है और ये 2 शायद क्वालिफाई ना करें। बट लेट्स सी क्या बनता है। बिल्कुल, लेट्स सी कि क्या बनता है। कि एक सीन जो है मैं ऑडियंस से शेयर करता हूँ, जो सस्पेंस में मैं हूँ फिलहाल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही कहूँ कि यार कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि एक से एक बढ़ के टीम जो है ना वो टॉप 7 में मुझे नजर आ रही है। और इवन अगर बात कीजिए, जो इवन अब टॉप 7 में नहीं, मैं कहूँगा टॉप 9 में मुझे नजर आ रही है, क्योंकि टॉप 9 भी यहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आ रही है, वो भी आगे विन करना चाह रही है। डीपी की परफॉर्मेंस देख लें लास्ट मैच के अंदर, डीपी ने वो चीज़ दिखा दी है जो कि उनको पिछले 3 मैचेस में दिखानी चाहिए थी, बट समहाउ वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। बट नाउ दोबारा आगे तरफ जाए, बट उनकी एक अर्ली एग्जिट उन्होंने प्लेन से ले लिया और साथ ही साथ लॉजिस की तरफ मूव कर लिया है। उनके आस पास सिर्फ गॉड्स के फौजी है, जो कि मेरा ख्याल है अकेले प्लेयर है जो काफी दूर है शायद टीम से, और मेरा नहीं समझ आ रही कि वो वहाँ पे क्या करे, जबकि उनके दरमियान में अब उनको सकून से गाड़ी पकड़ के बगैर किसी से फाइट के आराम से बाकी जहाँ उनके प्लेयर्स मौजूद है उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। डीमन, आई थिंक थोड़ा सा हमें फिर पैसिव गेम प्ले प्ले नजर आएगा काफ़ी टीम्स की तरफ से, क्योंकि अब ऐसे सारी सारी टीम इतना क्लोज रह चुकी है, तो वो अब इस तरह के अग्रेसिव मूव्स लेते हुए नजर नहीं आएंगी। और आई मीन ब्रासिला की तरफ LFP मौजूद है, मार्बल वर्क की तरफ MYC मौजूद है, और गोल्फ कोर्स की तरफ पूरे की तरफ LS की टीम फैली हुई है, नीचे वाले फायर ब्रिगेड में एक टीम फैली हुई है, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो एक दूसरे क्लोज क्वार्टर्स में मौजूद हो। एग्जैक्टली, बट मैं देख रहा था TG बॉयज को जो फील्ड वाले एरिया को बिल्कुल एक स्प्रेड लेवल में यहाँ पर लूट करते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास नहीं रहने वाले, बिल्कुल स्प्रेड होके एक दूसरे से अलग अलग होके लूट करें, विच इज नॉट ए गुड पार्ट। अगर कोई भी प्लेयर अकेला अकेला किसी टीम के साथ यहाँ पर टकराव कर जाता है तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल उसके लिए बन सकती है। बट स्टिल अगर बात की जाए, उमर यहाँ पर रहने वाले हैं, उमर को जल्दी से यहाँ पर भी एक मेडकिट मिल चुकी है। नाउ दिस द बॉय नीड टू मूव आगे की तरफ, यहाँ पर जाएगा और आगे और लूट भी चाहिए होगी, यहाँ पर भी लूट जो है हर टीम को चाहिए, क्योंकि अगर बात कीजिए वंस अगेन वो हमें मैच देखने को मिलेगा, वो जो कि लास्ट सर्कल के अंदर एक इनसेन फाइट हमें देखने को मिलती है, जिस तरह पिछले मैचेस में देखने को मिलती रही है, वो इस मैच में वंस अगेन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ नजरे करम यहाँ पर TG के बॉयज को यहाँ पर पड़ चुके हैं, बट TG डोंट इवन नो दैट कि TG के बॉयज काफी अलग से अकेला रहने वाला लड़का यहाँ पर, ये विच इज नॉट ए गुड पार्ट, ये चीज अच्छी नहीं रहने वाली। TG का अकेला लड़का पूरी टीम के ऊपर चार्ज करना चाह रहा है, और ये मुश्किलात भी बन सकती है, इवन TG के लिए एक चांस बन सकता है कि वो जंप मार के आगे आए, रोप का इस्तेमाल करके सेंट्रल के अंदर ही मूव किया जा रहा है। बट यहाँ पे रोटेशंस की बात की जाए, तो आई थिंक वही जो गेम हमें गेम नंबर थी जहाँ पे टीम्स ने बहुत पैसिव खेला था, हमारे पास कोई 1-2 फाइट्स होती हुई नजर आई थी जो कालाहारी के मैप के ऊपर थी, वही कुछ हमें रूप यहाँ भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीम थोड़ा सा कून से खेले, लूट के ऊपर फोकस कर रही है और ऑल अक्रॉस द मैप फैली हुई डिस्पर्स हुई हुई है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे नीड्स टू डू, कि अब जैसे गाड़ियाँ, क्योंकि उन गाड़ियाँ उन बाइक्स की बहुत ज़रूरत होती है जब वो रोटेशंस कर रही होती है, तो आई थिंक यहाँ पे जहाँ पे लूट कर रहे हैं आपके एक प्लेयर को हमेशा जाके गाड़ी ढूंढनी चाहिए, ये हमेशा स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है। 3 प्लेयर्स वो कंपाउंड लूट करें, एक प्लेयर जाके रोड्स के ऊपर गाड़ी ढूंढे, एक गाड़ी लेके आए फिर दूसरी गाड़ी लेके आए, ताकि जब आप रोटेशन करना चाहें 5 से 6 मिनट के ऊपर एटलीस्ट आपके पास 1 या 2 गाड़ियाँ लाजमी हों।
ये हर चीज हर टीम को ये चीजें करनी चाहिए, और हर टीम को ये चीज समझनी भी चाहिए कि भी रोटेशंस काफी मैटर करती हैं। अगर अगर बात कीजिए इस लेवल के ऊपर बात करूं जो टीमें यहाँ पर रहने वाली हैं, ऑफकोर्स इस गेम को बहुत ज्यादा उन्होंने स्टडी कर लिया, बहुत ग्राइंड कर लिया, और ऑफकोर्स अब जाके वो एक रोटेशंस की जब इतनी बड़ी परफेक्ट जहाँ पर हर चीज परफेक्ट पड़ी हो ना, वहां पर काफी ज्यादा सोचना पड़ जाता है, क्योंकि सामने से भी एक आईक्यू लेवल एक आईक्यू किंग बैठा होता है, जिसने जिसको पता होता है कि हाउ टू रोटेट, कैसे रोटेट करके हम सामने वाले को जो है ना मौत दे सकते हैं। और फाइनली अगर बात की जाए गोर्ज की बात की जाए आरजीए लड़के ये लड़के भी समी की बात करो, समी की जो गेम सेंस है ना आपने पिछले गेम में मेरे ख्याल से नोटिस की होगी, जो पिछली जो 4 गेम में हम स्पेक्टेट कर चुके हैं, दिस बॉय इज लाइक क्रेजी। इसकी गेम प्ले जो है, इसका जो जो गेमिंग स्टाइल रहने वाला है, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, मुझे काफी पसंद आया। एंड नाउ अगर बात कीजिए वन ऑफ माई फेवरेट टीम मैं कहूँगा यहाँ पर इस और प्लेयर की बात करूँ, समी मुझे अच्छा लगा है, ये मेरा ओपिनियन है। लाजमी नहीं है कि आपको सिर्फ विनिंग टीम ही पसंद आ रही हो, गेम प्ले भी किसी का पसंद आ जाता है। बट अभी फौजी की बात करूँ यहाँ से ये भी मूव करेगा, बाकी टीमें भी अभी लूट में मसरूफ रहने वाली हैं, अभी तक कोई भी वो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत वाली क्लोजनेस हमें टीम में नजर नहीं आ रही, पर वो प्यार मोहब्बत जब बढ़ता है ना तो फिर उसके बाद लड़ाई भी हो जाती है, जब क्लोजनेस होगी उसके बाद लड़ाई भी हो जाएगी, तो वो देखते हैं कि क्लोजनेस सबसे पहले किसकी होती है, जो ये फाइट पहले सबसे किसकी होती है, फर्स्ट ब्लड यहाँ पे किधर गिरेगा, वो भी हम साथ साथ देखते रहते हैं। आई थिंक वो हमें थोड़ा सा करीब आर्मी और आरजीए का नजर आ रहा है कि दोनों की दोनों टीमें इस वक्त बहुत ही क्लोज विसिनिटी में मौजूद है एक दूसरे के, और ये फैक्ट्री का इलाका है, मुझे नहीं समझता इस फैक्ट्री की तरफ इतना मोहब्बत क्यों है, इतना प्यार क्यों है, हर दफा फाइट होती तो इधर ही होते हुए नजर आती है, दोनों की दोनों टीम इस बात को जान चुकी है कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा स्क्वाड मौजूद है। आई थिंक आरजी को तो कंफर्म ये बात पता है कि यहाँ पे कोई स्क्वाड मौजूद है, लेकिन आर्मी के स्क्वाड की ये शायद इन्फॉर्मेशन ना हो कि इनके बिल्कुल बाहर वेसिनिटी में कोई स्क्वाड घूम रहा है, बिकॉज ताकि वो रीग्रुप कर सके, अभी भी बाकी 2 प्लेयर्स एक दूसरे से काफी दूर हैं और वहाँ पे उनको रीग्रुप करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे शबी पकड़े गए तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, या बाकी 2 प्लेयर्स पकड़े गए वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं, तो उस तरह रीग्रुप करने की शदीद जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके बाद भी अगर देखें अगर यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनती है उसके रोटेशन के बाद कुछ सीन बनता है, बट यहाँ पे फाइट हमारे सामने आ चुके हैं, एलएफपी के बॉयज यहाँ पर बिल्कुल फाइट टू फाइट यहाँ पे चलते नजर आ रहे हैं, बट 4D के बॉयज भी वैकेंट में, फराज यहाँ पर रहने वाले हैं, फराज यहाँ पर अपने आप को मेरे ख्याल से बूस्ट अप करते नजर आएंगे, बट अभी भी बात करूँ यहाँ पे क्लोज किया जाएगा, फर्स्ट ब्लड हमारे सामने आ चुके हैं आफ्टर आफ्टर 5 मिनट्स, मैं कहूँगा आफ्टर 5 मिनट्स हमें फर्स्ट ब्लड नजर आता है, बट हे यू गो यू कैन सी दैट कि अभी भी माहौल जो है गर्मा गर्मी का रहने वाला है, एलएफपी के बॉयज यहाँ पर एक प्लेयर यहाँ पर नॉक रहने वाला है, जल्दी से बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, डेंजर यहाँ रहने वाले, डेंजर भी 1 HP रहने वाले, जल्दी से रिवाइव हो जाएंगे, और किल की बात कीजिए 4 किल्स इनके पास आ जाती है, पहली टीम हमें जो छोड़ के जा चुकी है आपके सामने रहेगी, और 4 किल्स एलएफपी के हाथ में आ चुके हैं, तो एलएफपी को थोड़ा सा मोटिवेट हो चुके होंगे कि यार कि चलो हमारा स्टार्ट जो रहने वाला है, हमारा जो अपकमिंग स्टार्ट रहा है वो काफी अच्छा निकल गया, खास तौर पे लर्न फ्रॉम द पास्ट कि अगर हम इस ओवरऑल स्कोर कार्ड की बात करें तो उनकी जगह कोई खास अच्छी नहीं है, वो नंबर 7 या नंबर 8 के ऊपर है, पेज नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 1 से इस तरह नीचे गिरना उनके लिए खास तौर पे एक कॉन्फिडेंस उनका लूज कर देता है, इस 4 किल्स के बाद आई थिंक होप कि उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए और गेम में वापस आ जाए, बट उनकी अभी गेम खत्म नहीं, अभी तो आगाज है इस कम बैक का, क्योंकि इनके बिल्कुल साथ ही TG का स्क्वाड मौजूद है, और TG का स्क्वाड पिछली गेम में काफी काफी अग्रेसिव खेलता हुआ नजर आ रहा था, तो अब देखते हैं कि क्या ये वो ये फाइट कौन जीता, बिकॉज जो भी है अगर TG फाइट जीता पॉसिबली TG क्वालिफाई कर जाएगी फायर उसके लिए प्ले ऑफ के लिए, बट LFP के लिए फाइट जीता बहुत जरूरी है, बिकॉज कम बैक मुश्किल हो जाए, ऐसा थोड़ा सा डैमेज जरूर लेते हैं, बट इस तरह उनको अंदाजा हो चुका है यहाँ पे कोई मौजूद है, वापस बैक तरफ जाते हैं, बट TG साहब थोड़ा सा अग्रेसिव पोजिशन लेते हैं और शार की एक हाई ग्राउंड से कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक प्लेयर जो यहाँ पे LFP का काफी अग्रेसिव पोजिशन है उसको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, कोई राइट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करते हैं, हसन के बिल्कुल सामने आते हैं, नेट छोड़ के आते हैं, इनको शायद ग्रेनेड फेंक फायर कर देना चाहिए, और ग्रेनेड फेंकते हसन कवर का इस्तेमाल करते हैं, कोइटा का ब्यूटीफुल नेट जाके हसन को यहां पे नॉक डाउन कर चुका है, बट साथ साथ PS का स्क्वाड भी यहां पे थर्ड पार्टी करने आ चुके, 3 स्क्वाड छोटी सी जगह पे लड़ने लगे हैं और यहां से जीत के एक ही निकलेगा, बिल्कुल यहाँ पर जीत के एक ही निकलेगा, TG के बॉयज बिल्कुल यहाँ पर भी मौके की तलाश में, जो भी टीम आगे आएगी उसको टेक डाउन करेंगे, अभी भी बात की जाए राइट नाउ TG बॉयज डोंट हैव हिज किल, बट फाइनली दिस गाय गेट ए किल, अभी पहली किल यहाँ पर इनके नाम होती है, दूसरी किल इनके नाम हो चुकी है, बट अगर बात कीजिए पास में एक और टीम भी आ चुकी थी जो यहाँ पर भी फाइट करना चाह रही है, RG के बॉयज की बात करूँ RG के पास एक कार्टून नेटवर्क के बॉयज भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो मेक श्योर कि मेरे ख्याल से टीम को मेरे ख्याल से चाहिए जानना चाहिए कि यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन उनको जरूर चाहिए कि कहाँ से फायर आ रहे हैं, बट फाइनली मेरे ख्याल से फायर करके उन्होंने बता दी
कि वेर वी आर, हम किस साइड पे रहने वाले हैं। यहाँ पर बात की पीएस की, बात करो पीएस की बॉयज यहाँ पे, टीजी की बॉयज यहाँ पे दो किस करके अभी भी बैठे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर एक बात की जिनकी तरफ से भी है कि यहाँ पर भी खेला जा रहा है, गेम के लिए किया जा रहा है, बट कार्टून नेटवर्क के अटोम यहाँ पर रहने वाले जबरदस्त किस्म का स्प्रे किया जाता है, उनको यहाँ पर नॉक किया जाता है, बट यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा आरजी को, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग रेंज यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल रही है। कार्टून नेटवर्क की टीम जानती है कि यहाँ पर ये कंपाउंड उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर तो बात कीजिए अगर आरजी के बॉयज यहाँ पर जंप करके नीचे डाउन आते हैं तो मेरे फाइट करना चाह रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स कार्टून नेटवर्क होगी कि ये लड़के नीचे आए और तब हम उनको यहाँ पर क्लोज ब्लॉक के हम नॉक करें। बट पीएस के बॉयज की बात करूं यहाँ पर जानू मुझे नजर आ रहे हैं, बट टीजी के बिल्कुल पास यहाँ पर एक प्यारा नेड तीनों को टेक डाउन कर सकता है। बट यहाँ पर अगर बात की जितना तेजी से यहाँ पर निकल के सामने आए कोयटा जो है यहाँ से मूव करते हुए नजर आएंगे। फाइनली अगर बात की जाए यहाँ पर नोमी की, तो नोमी भी यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या सीन बनने वाला है, जल्दी से यहाँ पे शील्ड लगाई जा रही है इनकी तरफ से ताकि जो भी टीम आए वेलकम करने के लिए उनके लिए माहौल बना लिया। देख लुक एट दिस, पहले से माहौल बना लिए, जैसे ही यहाँ पर आएंगे हमारे पास कवर होगा। जानू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, जानू के नॉक होने के बाद यहाँ पर कामी भी नॉक हो जाएंगे, नोमी भी नॉक हो जाएंगे, एंड फाइनली वन लास्ट प्लेयर टीजी गेट सम मोर किल्स। यहाँ पर एक प्लेयर बैट सनी यहाँ पर नॉक हुए थे जिसको भी यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा, एंड लुक एट द किल, 6 किल्स टीजी लेके जा चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो पिछले मैच का इनका स्टार्ट था वही स्टार्ट, वंस अगेन वही एनर्जी आरजी, वही एनर्जी हमें वापस देखने को मिली। और यहाँ पे पीएस का स्क्वाड जो है काफी डेडली स्क्वाड रहने वाला था, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बट उसको रखते हैं खोपचे में। अब सीएन के सामने सिराजदी का स्क्वाड आ चुका है आर्मी का, उनके ऊपर डैमेज डील किया जाएगा, दो नेड्स फेंक के जाते हैं, डैमेज डील करके एलिमिनेट किया, यही होता है खूबसूरत नेड, और किंग जाकर एक प्लेयर को नॉक आउट करते हैं, और दूसरे पे रेड जरूर नॉकडाउन होते हैं सीएन के, बट कोई बात नहीं, किंग का एक और नेड आता है, कोई प्लेयर को नॉकडाउन कर चुका है और थोड़ा सा यहाँ से कवर से बाहर निकलते हैं, उसके लिए पनिश किया जाता है, रेड को रिवाइव कर दिया, तो किंग को भी रिवाइव कर दिया जाएगा। सपोर्ट टीम की रहती है, एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सारी की सारी टीम इकट्ठे खेलते हुए नजर, बट अब मैक्स की अकेले प्लेयर रह चुके हैं, अब इनका यहाँ से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी तरह पूरा का पूरा स्क्वाड यहाँ से आर्मी का एलिमिनेट होता है, सीएन को एक अच्छी 3 किल्स भी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और डीपी के बॉय यहाँ पर रहने वाले हैं, जल्दी से अपने आपको हील अप करेंगे, काफी यहाँ पे लो एचपी रहने वाले। प्यारा नेड, ओ भाई साहब, रैप्टर को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, राजा यहाँ पे रहने वाले हैं, खटक भी यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर रिवाइव पॉसिबल हो जाएगा, बट यहाँ पर नेड जो है ना वो नहीं रुकने वाले, नेड्स पे नेड, खटक को भी यहाँ पर लो एचपी कर दिया गया। अल्ले की बात करो, अल्ले के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक रहने वाले, डीपी के बॉयज यहाँ पे क्लोज जरूर करना चाहेंगे, अल्ले को यहाँ पे टेक डाउन करना चाहिए, अभी भी दो प्लेयर यहाँ पे नॉक रहने वाले, किल को कन्फर्म करेंगे, अभी क्लोज और जाते हैं, गोरजिला यहाँ पर रहने वाले, गोरजिला तेजी से आगे मूव करें, बट यहाँ पे शीट यहाँ पे अप्लाई की जा रही है ताकि मुश्किल जो है ना यहाँ पे देख देखी ना जाए, बट यहां पर फाइनली हमें एलए की टीम यहां पे टेक डाउन होते हुए नजर आएगी। एंड लुक एट द डीपी टीम, ये वो टीम रहने वाली है जो कि पिछले 3 मैचेस से हमें खामोश दिखाई दे रही थी, बट फाइनली टीजी एंड द डीपी ये वो टीमें रहने वाली हैं जो कि एकदम से एक उजागर हो चुकी हैं इस मैप के ऊपर, एक दफा फिर से हमें रहने वाली हैं। एंड मेरे ख्याल से जो मुझे ऐसा लगा एक दफा कि वंस अगेन जो है ना यहाँ पे माहौल जो है गर्मा गर्मी का रहेगा। टीजी को देखें, टीजी वंस अगेन एक ऐसे प्लेस को होल्ड करना चाह रही है, सर्कल के बीच में करना चाह रही है ताकि जो भी टीम आए इनको इनके साथ जरूर भिड़ती हुई नजर आए। एलएस के बॉयज बड़ी तेजी से यहाँ पर व्हीकल्स के जरिए यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उस्ताद के पास यहाँ पे प्लेयर रहने वाले, दरख्त का यहाँ पे सहारा लेगा, कवर में जाएगा, बट यहाँ पे नॉक होने के लिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी यहाँ पे शील्ड लगा ली गया, अगर यहाँ पर भी एक नॉक निकल जाता तो काफी मुश्किलात वाली सूरत हाल बन जाती, बट उस्ताद यहाँ पे रहने वाले हैं, जेएफसी के बॉयज यहाँ पे रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से जेएफसी नोटिस दैट यहाँ पे टीम रहने वाली है। एमवाईसी की बात करूँ, एमवाईसी यहाँ पे जान चुकी है कि हमें एक क्विक चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा, या तो हमें मूव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नेड्स की अगर बात की जाए तो नेड्स यहाँ पे प्रॉपर सेंड किए जा रहे हैं, बैड बॉय यहाँ पर ऊपर ऑन टॉप रहने वाला है, तो बैड बॉय को भी यहाँ से मूव करना चाहिए, उस्ताद यहाँ पे नोक रहने वाले हैं, और अभी भी अगर बात कीजिए फाइट रुकती नहीं है दोस्तों, अभी भी यहाँ पर फाइट जो है अभी हमारे सामने रहने वाली है, उस्ताद को यहाँ पर रिवाइव मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी एक कहानी रहेगी, बट यहाँ पे कल कन्फर्म किया जाएगा, पहली किल एमवाईसी के हाथ में आएगी, और वंस अगेन एक और किल यहाँ पर आती है, बैड बॉय भी नजरों में आ चुके हैं, लुक एट दिस बैड बॉय के पास यहाँ पर थोड़ा क्विक अगर बात कीजिए ना अर्ली यहाँ पे शूट किया जाता है कि यहाँ पर जैसी विंडो में आए यहाँ पर टेक डाउन हो जाएगा, बट बैड बॉय थोड़ा सा बैड बॉय रहने वाला था, ही नोटिस दैट कि यहाँ पर मुझे नॉक पड़ सकता है, बट ही जस्ट डिड नॉट केम, यहाँ पर वापस नहीं आता विंडो के अंदर, बट लेट्स सी एलएस के बॉयज यहाँ पर हमारे सामने रहेंगे, एलएस के 4 बॉयज यहाँ पर किस तरह खेलते हैं, ये किस तरह यहाँ पर मूव करते हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, बट अभी भी मैं अगर बात करूँ यहाँ पर टीम्स की, टीम्स यहाँ पर बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं, वो टीमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं जो कि पिछले मैचेस के अंदर जरा थोड़ा सा होल्ड अप खेलते हुए नजर आ रही थी, बट राइट नाउ अगर बात की जाए एमवाईसी की बात की जाए, एमवाईसी के ऊपर बैड बॉय का यहाँ पर स्प्रे जाता है, 2 प्लेयर्स यहाँ पर आ चुके हैं, राफे गेमिंग एंड बैड बॉय, ये 2 बॉयज देखते हैं यहाँ पर किस तरह परफॉर्म करते हैं, और अगर बात की जाए एमवाईसी की, अगर वो चारों के चारों प्लेयर्स एक साथ इस कंपाउंड में चार्ज करते हैं तो मेरे ख्याल से बैड बॉय की वो आखिरी कहानी होगी इस मैप के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल, लेकिन MYC उनको कुछ खास करना पड़ेगा, 2 किल्स उनको कुछ नहीं पड़ेगा, उनको पेज के ऊपर उठ के आना पड़ेगा, उनको टॉप 4 में आने के लिए और से और किल्स चाहिए। बट सर्गल की बात कर रहा है, मार्जिन है एक गेम की एरर का, तो उनके लिए इतनी सीरियस है ये गलती, बल्कि काफी इतनी सीरियस नहीं है जितनी DP के लिए है फाइट रहने वाली। तो DP के लिए यहाँ पे सब कुछ दाव में है, सब कुछ ऑन द लाइन है, तो इनको राइट साइड से भी ख्याल करना पड़ेगा। बट लेफ्ट साइड पे इनके पास एक और स्क्वाड भी मौजूद है जो इनके बिल्कुल पीछे लो ग्राउंड पर, वो RGA का है, तो यस वो भी इनको सर्कल राउंड करे, तो इनको दोनों तरफ से अपना कवर मेंटेन करना पड़ेगा। CN एक अच्छी पोजीशन में है, वो कंपाउंड के अंदर है, वो सर्कल के अंदर, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। अगर DP ने रश किया तब उनका वो उसका ख्याल करें, वरना उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है और होल्ड करनी है। बिल्कुल एग्री। और यहाँ पर इस कार्टून नेटवर्क की बात करूँ तो कार्टून नेटवर्क स्टिल उसी कंपाउंड को होल्ड करके बैठे हैं। DP के बॉयज ने यहाँ पर चार्ज करने का मेरे ख्याल से सोचा हुआ है कि नहीं सोचा हुआ, बिकॉज अगर बात की जाए व्हीकल्स की, जहाँ पे अगर व्हीकल्स होते हैं तो काफी जबरदस्त सीन बन जाएगा। बट अगर भी बात की जाए गोर्जी की बात करूँ, RGA ये लड़के यहाँ पर एक स्नैपर टावर को यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, और बिल्कुल LSK बॉयज भी इस नजरों में रहने वाले हैं। उमर यहाँ पर नॉक रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बात की जाए अभी भी इनकी तरफ से यहाँ पर भी एक जबरदस्त किस्म के टैब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे शील्ड लगा के सामने वाली टीम को थोड़ा सा नोटिसेबल में लेके आते होंगे नजर आएंगे। बट LSK बॉयज यहाँ पर जल्दी से रिवाइव भी हो जाएंगे। जिस तरह अगर बात की जाए LS की, तो LS यहाँ पर मेरे ख्याल से मूव करके रोटेट करके एक अच्छी प्लेस को होल्ड कर सकती है। नया सर्कल की जो शेप है ना वो एक नई मूव के ऊपर जाएगी, तो देखते हैं कि कौन सी टीम सर्कल के अंदर रहती है कौन सी नहीं रहती, ये एक कहानी रहने वाली है। एंड लुक एट दिस, अभी अगर बात की जाए तो मोस्टली टीम्स अगर बात की जाए सर्कल से बाहर रहने वाली, सिर्फ एक टीम सर्कल के अंदर रहेगी, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। क्योंकि अभी बात करूँ कार्टून नेटवर्क ने मूव करना है, सर्कल के बिल्कुल पास रहती है, जल्दी से जंप करके यहाँ पर भी छोटे छोटे कंपाउंड जो रह चुके हैं उसमें जाएगी, यहाँ पर उसको होल्ड करेगी, क्योंकि ये इनके लिए एक क्विक चार्ज, मैं कहूँगा क्विक डिसीजन, यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा डिसीजन ले लिया है। तो मेरे ख्याल से कार्टून नेटवर्क समहाउ यहाँ पर सबको वेलकम करते हुए नजर आएगी, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। यहाँ पर सी कार्टून नेटवर्क के बॉयज एक अच्छी प्लेस को होल्ड कर चुके हैं। और उसके बाद करें RGA की बात की जाए, RGA के बॉयज भी यहाँ पर अभी तक LA के साथ फाइट करते नजर आ रहे हैं। बट LA के बॉयज ने भी ये LA के बॉयज को भी ये चीज समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में जोन जो है उसने यहाँ पर स्टार्ट हो जाना, और दिस टीम नीड टू मूव इन दिस सर्कल, यहाँ सर्कल के अंदर वापस जाना चाहिएगा। बट यहाँ पर अभी भी बात की जाए तो यहाँ पर भी स्प्रेस जान के ऊपर आते नजर आएंगे। अभी भी अगर बात की जाए RGA की, तो RGA को भी यहाँ पर भी स्टक करके रखा हुआ है LSK बॉयज ने अपने साथ। कार्टून नेटवर्क जो कि सर्कल के अंदर पहले रह चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए MYC की बात करूँ, MYC के बॉयज भी यहाँ पर सर्कल के अंदर रहते हैं। क्लोज में अगर बात की जाए LSK बॉयज भी यहाँ पर सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। टीम अगर बात की जाए बाकी टीम्स की क्या सीन बनते हैं, किस तरह वो यहाँ पर आगे आती है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। बट अभी जो माहौल मुझे नजर आ रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द गेम चेंजिंग माहौल। DP के बॉयज एंड द TG बॉयज एज यूजुअल अगर बात कीजिए, इन सब बॉयज की बात करूँ तो ये वो टीमें मेरे सामने आई हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया इन द लास्ट 3 मैचेस। अब मेरे ख्याल से आखिरी जो मैच रहेगा वो भी काफी इनसेन लेवल होगा फ्रॉम द DP साइड एंड द TG साइड। मैं दोनों टीमों बिल्कुल, बट अब अगर देखा जाए राइट नाउ तो यहाँ पे अब सिचुएशन डायर होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज RGA उमर यहाँ पे सर्कल के अंदर आना चाह रहे हैं, बस CN के यहाँ से प्लेयर लेफ्ट साइड से उनको बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहते, वो चाहते हैं कि इनको पॉइंट का पॉइंट डैमेज डील किया जाए, कवर के अंदर जाने की कोशिश करें। उनके राइट साइड पर DP का स्क्वाड भी रहेगा, तो उनके लिए आसानियां बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। बट फाइनली टीमन सर्कल बन चुका है आखिरी, वो सर्कल CN को फेवर करता हुआ नजर, तो एक ही टीम है जो सर्कल के अंदर और CN, बाकी टीम्स को अब मेहनत करके मुशक्कत करके लड़ लुड़ के सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। गॉड्स और DP, आज जो DP के स्क्वाड की फाइट होती है, राजा रश करते हुए जा रहे, बिकॉज उन्हें पता है कि हम ज्यादा देर तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, और ट्रिपल किल आती है उस तरफ से TG क्वेटा, दूसरे सर्कल दूसरे से यहाँ से लॉन्ग शॉट फाइट लेते हैं। बट अभी भी कंसंट्रेशन इसी तरफ है, DP खटक पीछे की तरफ आते, प्लेयर को स्पॉट करते हैं, बट एक ग्रेड आता है फौजी की तरफ से जो फौजी को ही नॉक डाउन कर देता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब जेंटल भी यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट पोजीशन में फंस चुके, खटक भी काफी डैमेज लेते हैं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। CN दूसरी तरफ सर्कल के अंदर से बैठे हुए सबको यहाँ पे दूर दूर तक डैमेज डील कर रही है, बट ज्यादातर टीम इस वक्त सर्कल के अंदर अपनी पोजीशन बना रही है। 2 टीम यहाँ से एलिमिनेट हो चुके, 3 रह चुकी, जिसमें CN का स्क्वाड है, एक TG का स्क्वाड और एक LS का स्क्वाड है। TG सर्कल के अंदर आता है, बट इनके बिल्कुल सामने LS का स्क्वाड रहने वाला है, उन्होंने अभी तक भी सर्वाइव करे। CN अभी भी दूर से बैठे हुए लॉन्ग शॉट फायर करी है, और साथ ड्रॉप शॉट भी देते हैं, बट ड्रॉप शॉट से पहले ही उनको एक प्लेयर को नॉक डाउन कर देते हैं। CN के 2 प्लेयर नॉक डाउन, बट
LS यहां पे TG को एलिमिनेट करते हैं, दो यहां पे 3v3 है, बट यहां पे CNK एक प्लेयर को रिवाइव करना बहुत जरूरी, एक नेड आता है खूबसूरत सा नेड एंड डबल बोटू को दोनों को नॉक डाउन कर चुका है। दिस इज द मोमेंट जहां पे अब आपको रश करना है, ब्लैक हॉक एक और नेड निकालते हैं और आखिरी प्लेयर रह चुका है और अब उसका भी मेरे ख्याल में यहां बचना बहुत मुश्किल, सॉरी दो प्लेयर्स रहते हैं अब उनका बचना मुश्किल है बिकॉज यहां पे 2v3 है और यहां पे उनको सर्कल भी प्रेशर आउट कर, एक और नेड ब्लैक हॉक यहां से बाहर निकालते हैं हाथ में और अब उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। यहां पे रश करते हुए जाते हैं तो उसे डैमेज डील करें, किंग को एलिमिनेट करते हैं बट जो यहाँ पे नॉक डाउन होता है 1v2 और यहाँ पे अभी भी सरवाइव करते हुए राइडर नजर आ रहे हैं बट फाइनली ब्लैक हॉक यहाँ पे वो जॉब कर देते हैं वहां पे, वो यहाँ सिक्योर कर लेते हैं अपनी टीम के लिए। बाय व्हाट ए गेम प्ले बाय एलएसआर द लेजेंड, लेजेंड स्टाइल है वाकई यहाँ पर, लेजेंड स्टाइल हमें देखने को मिल चुका है एक दफा फिर, वंस अगेन एक गेम चेंजिंग टीम, वंस अगेन जंप फॉरवर्ड यहाँ पर एक अच्छी जंप इनकी भी देखने को मिली है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कार्टून नेटवर्क ये गेम विन कर जाएगा बट यहाँ पर जो बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं वो चीजें आज हमें देखने को मिल रही हैं आरजी जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी और कार्टून नेटवर्क के पास गेम लग रही थी और बिल्कुल एक नेड जो है वो नेड जो है बिल्कुल गेम चेंज कर देता है, कार्टून नेटवर्क के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देता है कि यार कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इवन कार्टून नेटवर्क ये चाह रहा होगा देख रहा होगा कि यार वी जस्ट गेट ए बुया वी जस्ट रिलैक्स हो चुके होंगे बट इतना रिलैक्स हो गए कि भी उन्होंने अपने हाथ से जो गेम है वो एलएस को दे दी बट एलएस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल हार नहीं मानी, लास्ट टाइम तक वो फाइट करते रहे और अच्छे खासे अगर बात करूं यहां पर अभी पॉइंट्स उनके पास आ चुके होंगे और स्कोर कार्ड में वो वंस अगेन एक चेंजिंग्स लेके आ रहे होंगे, वंस अगेन हमें एक नई चीज देखने को मिल रही होगी। तो देखते हैं कि अभी स्कोर कार्ड जो है अभी काफी वो कहते हैं ना हमें भूल भुलैया में रखा हुआ है, एक उसने एक वो मिस्ट्री में रखा हुआ है कि यार कि क्या जो क्या सीन बनेगा क्या नहीं बनेगा, समहाउ हमें अपने माइंड में पता है कि यार कि क्या चीज बन सकती है जो अभी रिजल्ट आने वाला है, हमें हम आरजी को भी ये अंदाजा होगा कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही होगी, ऑफकोर्स हमें पॉइंट सिस्टम का सारा हमें नॉलेज साथ साथ हमें टीम का पता होता है बट अगर बात की जाए हमारी ऑडियंस की तो ऑडियंस बड़े ही कश्मकश में रह रही हूँ, मैं सस्पेंस खराब नहीं करना चाह रहा नाम लेके कि यार कि कौन सी टीम किधर जंप करके जा चुकी है, मेरे ख्याल से हम रिजल्ट जब दिखाएंगे ओवरऑल जब रिजल्ट आएगा उसमें आपको समझ आएगी कि किसकी बात कर रहे थे, अगर आप पिछले रिजल्ट्स की अगर बात देखते चलते आ रहे हैं तो अगर उसकी बात करूं और अभी की बात करूं लुक एट द चेंजिंग्स, अगर बात की जाए एलएस की बात करूं तो एलएस ने यहां पर भी 20 पॉइंट्स सिक्योर किए इन दिस मैच और द गार्डियन भी यहां पर अगर बात की जाए तो 19 पॉइंट के साथ है, टीजी के बॉयज वंस अगेन एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए हैं और उसी के साथ दूसरे तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास कार्टून नेटवर्क, देन हमारे पास आते हैं भी डीमन प्राइड डीपी के बॉयज भी हमें वंस अगेन एक अच्छी फाइट के अंदर नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से डीमन जो टीम है ना वो हमें अभी 7 के ऊपर और मे भी जंप करके आगे आते हुए नजर आए, मेक यू क्राई 7 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पे रहेगी और उसके बाद आरजीए ऑफिशियल्स 6 पॉइंट के साथ 6वें नंबर पे रहेगी। काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस काफी टीम की तरफ से नजर आई, डीमन प्राइड दोबारा अपनी गेम अप करते हुए नजर आई है, पहली गेम में इन पहली 3 गेम्स में इनसे कुछ खास दिया परफॉर्मेंस नहीं दी गई थी बट इन लास्ट 2 गेम्स में इन्होंने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी है बट आई डोंट थिंक सो कि आप ये लोग गेम में कब वापस आ सकते हैं, लर्न फ्रॉम द पास्ट जैक एफएफ क्लब पिशावरियन टीम लेगेसी, ये वो जो चार टीम थी पहले पेज और दूसरे पेज के दरमियान में टीम लेगेसी तो टॉप पे मौजूद थी बट लर्न फ्रॉम द पास्ट पिशावरियन जैक एफएफ क्लब इनके लिए ये गेम जीतना बहुत जरूरी था, अच्छी परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी थी बिकॉज ये लोग 6, 7, 8 पोजीशन के ऊपर थे ओवरऑल स्कोर कार्ड में, लेकिन अब इनके लिए ये गेम तो इतनी बुरी गई है जिनके पास 4-4, 3-3 पॉइंट सिक्योर किए तो अब इनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बट 4D डायमंड्स वो हमेशा से आई थिंक परफॉर्मेंस खास नहीं दे पाए, वो नीचे ही पड़े बैठे हैं स्कोर कार्ड के काफी देर से उनका मैं आई डोंट थिंक कि वो अब क्वालिफाई कर पाएंगे, बट इवन मैं बात करता चूँ उस आखिरी फाइट की इस गेम की जहाँ पे दो टीम मतलब CN का हमें भूया कन्फर्म भूया नजर आ रहा था बट जिस तरह एक होता ना कि इन फ्री फायर की स्ट्रेटजीज होती हैं आप कंपाउंड होल्ड करें आप सर्कल के अंदर जल्दी चले जाएं आप एजिस को खेलें हर उसकी डाउनसाइड होती हैं तो उनका डाउनसाइड तक कोई नेड आया बट उसको रखते हैं खोपचे में उसको करते हैं बात करते हैं बाद में कार्टून नेटवर्क ऑल दो बुया सिक्योर नहीं कर सके लेकिन इस वक्त ओवरऑल स्कोर कार्ड के टॉप पे आ चुके 69 पॉइंट्स के साथ। मैं वही कह रहा था कि बिल्कुल एक सस्पेंस जो मैंने बना के रखा हुआ था भाई मुझे थोड़ा बहुत था अंदाजा बट ये इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी गेम चेंज हो जाएगी,
लुक एट द कार्टून नेटवर्क, एक बड़ी जंप कार्टून नेटवर्क की तरफ से हमें देखने को मिली है ऑन टॉप। यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं 69 पॉइंट्स, और अभी भी एलएस के साथ उनकी फाइट चलती रहेगी क्योंकि 68 एक पॉइंट कम सेकंड प्लेस पे एलएस के बॉयज रहेंगे। उसके बाद गार्डियन की बात करूं तो गार्डियन ने काफी अच्छा कमबैक किया है और अभी भी अगर बात की जाए 58 पॉइंट के साथ यहाँ पर रहने वाले हैं, और उसी के पीछे पीछे हमारे पास लेगेसी की टीम रहेगी और समहाउ ये टीम सारी टीमें जो रहने वाली डीमन प्राइड में सेकंड पेज के मैं 7 पॉइंट पे कह रहा था कि ये 7वें नंबर पे आ जाएगी, बट डीमन प्राइड भी 6वें नंबर पे आ चुकी है। तो एक अच्छी गेम प्ले लास्ट मैप के ऊपर भाई एक गेम चेंजिंग सिस्टम यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद अगर जैक ऑफ क्लब्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये टीम भी रहती है विद 38 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स के साथ LFP। उसके बाद पेशावरीन की बात करूँ 32 पॉइंट के साथ यहाँ पर रहेगी 9वें नंबर के ऊपर। देन 19 पॉइंट के साथ हमारे पास मेक यू क्राई 10वें नंबर पे रहेगी। 4D की बात की जाए तो यहाँ पर 4D के बॉयज दी 4 डायमंड्स विद 15 पॉइंट्स और 11 प्लेस। PRG आर्मी यहाँ पर 7 पॉइंट्स के साथ 12वें नंबर पे रहेगी। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस यार आरजी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस स्कोर कार्ड की इस तरह का स्कोर कार्ड बन के सामने आएगा। और अभी भी अगर बात की जाए आरजी, मैं यही कहूंगा कि अभी भी बहुत सारा सस्पेंस बाकी है क्योंकि लास्ट मैच काफी डिपेंडेंट रहने वाली हर टीम के ऊपर, इवन उनके लिए जो कि टॉप पे बैठी हुई है, और जरा सी एक छोटी सी गलती उनको कार्टून नेटवर्क को भी नीचे लेके आ सकती है, और कार्टून नेटवर्क को भी काफी सोच समझ के अभी आगे आगे गेम खेलनी पड़ेगी, लेगेसी को काफी सोच समझ के गेम खेलनी पड़ेगी। इवन अगर बात की जाए दी गार्डियंस की बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छा कम बैक किया है इन टॉप फोर, उन्होंने एक अच्छी जंप की है, एक जबरदस्त किस्म का गेम प्ले उनकी तरफ से भी देखने को मिला है। और इवन एलएस की बात की जाए तो एलएस के बॉयज को भी काफी मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि अगर बात की जाए एक छोटी सी गलती इन लास्ट मैच आपको भाई एक बड़ा दिल का झटका दे सकती है। वो कहते हैं पड़ गया मुझे दिल का दौरा, वैसा कुछ सीन हो जाता है। बट यहाँ पे जहाँ पे एक सीएन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पॉसिबली काफी हद तक क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरे ख्याल में इनकी 80-90% वो है चांसेस है क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ्स में। वहीं पे टीम लेगेसी ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस, लेजेंड स्टाइल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट टीजी बैक टू बैक दो गेमों में एक होता है ना कंसिस्टेंट एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे के वो भी इस वक्त टॉप फोर में आ चुकी है। बट इशू है टीम लेगेसी का, जहाँ पे लेजेंड स्टाइल अच्छा खेल रहे, लेगेसी की कुछ अर्ली गेम्स काफी अच्छी गई थी, उनकी कुछ लास्ट टू गेम्स कुछ खास नहीं गई, खासतौर पर इस गेम में सिर्फ उन्होंने 3 पॉइंट सिक्योर किए हैं। तो अब उनको इस गेम के अंदर जाके आई थिंक एटलीस्ट 10-12 पॉइंट सिक्योर करें, एटलीस्ट अगर वो अर्ली एग्जिट ले जाते हैं और जो उनके नीचे बिल्कुल टीम मौजूद है जो 40 पॉइंट्स या 44 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी है वो आराम से इनको ओवरटेक कर सकती है, वो पूरी सिक्योर करते हैं तो वापस आपकी पोजीशन ले जाएंगी। तो उनको अपनी गेम अप करने की जरूरत है बिकॉज बैक टू बैक अगर आप अर्ली एग्जिट ले रहे हैं मैप से, इसका यही मतलब है कोई टीम ऊपर आ जाएगी, बेशक जितनी अच्छी मर्जी आपकी अर्ली गेम्स अच्छी गई थी। तो बट डीमन आखिरी गेम आ गई है और इसका जिसका हमें इंतजार था, खासतौर पे ये ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मतलब ये कल का ग्रुप भी इंटरेस्टिंग था बट कल के ग्रुप में हमें कुछ जवाब सवालों के जवाब काफी जल्दी पता चल जाएगा। एसटीएक्स क्वालिफाई कर रही है, हमें पता था कि 5 म्यूटर्स पॉसिबली क्वालिफाई कर रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी। आज के दिन हमें कुछ भी नहीं पता था, हम लोगों ने जो अर्ली प्रेडिक्शंस थी उनके ऊपर नहीं चले, हम लोगों को ये भी नहीं पता चला कि, और अभी भी एग्जैक्टली 5 गेम्स हो चुकी हैं और हमें भी ये भी नहीं पता कि कौन सी टीम उठ के आगे आराम से आ सकती है और कौन सी टीम अभी भी ट्रबल में है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और स्टिल हम जो है सस्पेंस में रहने वाले, इवन हमारी ऑडियंस सस्पेंस में रहने वाली, इवन उनके चाहने वाले सस्पेंस में रहने वाले कि क्या वो क्वालिफाई करके आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम यहाँ पर आ चुका है और एक एक, एक, एक इतना बड़ा हगी डिफरेंस नहीं रहता, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस रहता है। और मेरे ख्याल से जो सारी टॉप फोर के टॉप सिक्स जो टीमें मुझे नजर आ रही थी, इन सारी टीमों को काफी सोच समझ के अभी फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अभी वो कोई भी टीम इनमें से अर्ली एलिमिनेट होती है तो इट्स मीन कि वो टाटा बाय बाय वाला सिस्टम मुझे लग रहा है, या तो फिर वो टॉप फोर पे स्पेशली जो हमारे पास लेगेसी रहने वाली है तो उसको तो बहुत सोच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेगेसी का एक अर्ली फाइट अगर उसमें कुछ भी कोई भी प्लेयर लूज करते तो मुश्किलात का सिलसिला आपके सामने रहेगा। बिल्कुल, बट आखिरी मैप है, कालाहारी के ऊपर खेला जाएगा, पहले भी खेला गया था और इस मैप के ऊपर खासतौर पर टीजी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सीएन ने परफॉर्मेंस दी थी, बट अगर देखा जाए तो आई थिंक सीएन ने एक भूया सिक्योर किया है, लेकिन बाकी गेम्स ने उनकी परफॉर्मेंसेस को ये नहीं थी कि वो होता ना कि किल्स में बहुत ज़्यादा थे या उनकी रोटेशंस बहुत इंप्रेसिव थी, रोटेशंस थी इंप्रेसिव बट उनकी एक चीज़ जो कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट ऑल द 5 गेम्स वो यही थी कि वो हर गेम में 10-12 पॉइंट लेकर जाते थे। मतलब अगर आप टीमन आपको याद हो आज के दिन के शुरू में हमारी पहली गेम होती है उसने भूया लिया है बट सीएन इनके 10-12 पॉइंट है,
ओ इसने बुया लिया बट सीएनजी 10-12 पॉइंट है, इसने बुया लिया सीएनजी 10-12 पॉइंट है, बट उस 10-12 पॉइंट को जब आप इकट्ठे करते जाए कंसिस्टेंटली तो आखिर में अब आपको ये नजर कि सीएनजी कार्टून नेटवर्क ऑन द टॉप है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्हें बुया कितने मिले, उन्होंने कहा हमने हर गेम में खेलना है, हर गेम में एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ताकि हमारे पास पॉइंट्स एक्युमुलेट होते हुए नजर आए, और इट्स वर्किंग आउट फॉर देम इन द एंड, आखिर में आके वो टॉप पे आ चुके हैं और क्वालिफाई भी कर चुके हैं। तो ये तो बात हम शुरू से करते हैं कि आप एक गेम में अच्छा खेल के दो में ना खेलें, इससे बेहतर है कि आप तीनों गेम में एक एवरेज परफॉर्मेंस दे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल बात भी होती है, इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मेरे ख्याल से सारे बंदे एग्री करेंगे कि यार कि भी आरजी ने भी हमारे पते की बात करी, हम यही प्लान कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि यार ये चीजें होंगी, बट मेरे ख्याल से जो आखिरी 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 जो मैच रहने वाला है कालाहारी का, तो मेरे ख्याल से इसकी इम्पोर्टेंस हर टीम को समझ आ रही होगी कि यार कि मेरे ख्याल से हर टीम राइट नाउ इन स्ट्रेस में होगी कि यार कि क्या क्या प्लान करना चाहिए, क्या हमें एग्रेसिव खेलना चाहिए, क्या हमें नॉर्मल खेलना चाहिए। अभी इस मैप के ऊपर ये मैप मुझे वैसे ही इतना एग्रेसिव लगता है, इसमें एग्रेसिव गेम प्ले मजे की बनती है, तो मेरे ख्याल से टीम्स जो के नीचे रहने वाली हैं जिनके ऊपर डू एंड डाई वाली कंडीशन रहने वाली है वो यहाँ पर कोई हार्ड स्टेप्स लेते हुए नजर आएंगे, मे बी अर्ली ड्रॉप क्लैश देते हुए नजर आए, और अगर उस ड्रॉप क्लैश में टॉप सिक्स की कोई भी टीम अगर आ जाती है और वो भाई वहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो वंस अगेन एक नई गेम चेंजिंग सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता, वो भी हम साथ साथ आपसे डिस्कस करते रहेंगे, बट राइट नाउ वी हैव वी जस्ट सी द क्लैश पीएस का क्लैश विद एलए मेरे ख्याल से यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी मुश्किल यहाँ पे बना सकता है। और अभी भी अगर बात की जाए लुक एट द मैप और मैप में जिस तरह टीम यहाँ पे भी मूव करती नजर आ रही है उजैर यहाँ पे जंप कर चुके हैं और जो भी क्लोजनेस यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी जो भी माहौल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा वी आर हियर टू शेयर विद यू गाइस बट MYC एक अर्ली स्टेज में यहाँ पर भी हमें एक क्लैश में नजर आ रही है और कार्टून नेटवर्क की टीम जो कि ऑन टॉप रहती है एक पॉइंट के हाथ में रहने वाला है क्योंकि एक पॉइंट पीछे इनके LS रहने वाली है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कार्टून नेटवर्क इस चीज को विन कर लेती है तो मेरे ख्याल से वंस अगेन बैक कम बैक करती है, बट यहाँ पर इनको इनको कोई भी प्लेयर यहाँ पर लूज होता है तो मुश्किलात बन जाएगा। अटोम वंस अगेन ओ कार्टून नेटवर्क के दो प्लेयर यहाँ पे नोक हो जाते हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कार्टून नेटवर्क ओ माय गॉड व्हाट आई जस्ट सॉ कार्टून नेटवर्क के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं। MYC इसी के साथ अगर बात की जाए दो किल्स वो कंफर्म कर चुके हैं और सामने दो किल्स और रहने वाले हैं कार्टून नेटवर्क के, और कार्टून नेटवर्क के ये बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा नहीं कर रही होगी कुछ ऐसा उनके साथ हो जाना है, एक किल उनके हाथ में रहने वाला है MYC का, बट स्टिल कार्टून नेटवर्क विद टू मैन स्टैंडिंग दिस टीम नीड टू मूव, अभी यहां से उनको निकलना पड़ेगा 9-2-11 होना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर अगर एलिमिनेट हो जाती है काफी मुश्किल सीन हो जाएगा RZ अगर यहां पर एलिमिनेट हो जाती है बाकी टीम्स को चांस दे देगी कि वो आगे आ जाए। बट दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे PS के सामने बिल्कुल DP का स्क्वाड और DP के एक प्लेयर गॉडजिला को नॉकडाउन करके एलिमिनेट कर दिया, तो डीमंस के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं रहेगी और उनको सर्कल भी एक तरह से अच्छी पोजीशन भी ली हुई है PS ने, दो प्लेयर्स इनके बिल्कुल राइट साइड पे, दो प्लेयर्स लॉन्ग रेंज फाइट्स भी ले रहे हैं जिसकी वजह से DP अब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम लॉन्ग रेंज फाइट लें शॉर्ट रेंज में, लॉन्ग रेंज पे खट्टा के यहाँ पे एक अच्छी शॉट लैंड करते हैं और यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकडाउन कर चुके हैं, बट अब यही मसला है कि उस प्लेयर को नॉकडाउन करके हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, बाकी सब वहीं पर मौजूद है। बट दूसरी यहाँ पे JFC की फाइट हो रही है रेंज के साथ, यहाँ पे आर्मी के साथ और LFP वहीं पे मौजूद, LFP के एक प्लेयर हसन है यहाँ पे जो कि एक बड़ी अजीब पोजीशन में फंस चुके हैं, स्पॉट करते हैं हसन को और रेज यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करते हैं बट उनको रश करेंगे और नॉक करके एलिमिनेट भी कर देंगे, बट हसन ये कहाँ थे यहाँ पे और ये क्या कर रहे थे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे DP का गोरजिला भी एलिमिनेट हो चुके हैं, तीन प्लेयर रहने वाले DP के और DP को भी काफी सोच समझ के खेलना पड़ेगा क्योंकि 6 प्लेस यहाँ पर #6 के ऊपर यहाँ पर जरूर रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर बात की जाए रैप्टर की खटक की बात करूँ यहाँ पर ये काफी इंप्रेसिव और काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हुए यहाँ पे प्लेयर रहते हैं, काफी अच्छा IQ भी यूज करते हैं, तो देखते हैं कि PS के ऊपर यहाँ पे क्या सीन बनता है। नेड यहाँ पर आता है बट यहाँ पर ग्रेनेड को अभी चकमा देके यहाँ से मूव कर जाते हैं, बट खटक यहाँ पे रहने वाले हैं, DP के रैप्टर यहाँ पे रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अभी काफी माहौल जो है गर्मा गर्मी का रहेगा, अगर PS यहाँ पर भी यहाँ पर मौके पे चौका मारती है तो काफी मुश्किल वाला सीन बन सकता है रैप्टर के लिए, बट PS के लिए काफी अच्छा सीन बन जाएगा। PS यही चाह रही है इस टाइम के ऊपर कि PS यहाँ पर भी ये जो DP के किल्स है इसको सिक्योर कर ले, एक किल यहाँ पे गोरजिला का यहाँ पे सिक्योर कर चुके हैं बट PS के बॉयज यहाँ पे क्लोज करते हुए चलाएंगे, DP के ऊपर सारे पहुंच चुके हैं, PS के बॉयज यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल से जितना क्लोजनेस यहाँ पर दिखा दी गई जितनी मोहब्बत यहाँ पर दिखा दी DP के साथ और DP काफी यहाँ पर भी स्ट्रगल करते नजर आएगी, दो प्लेयर यहाँ पे और DP के जाते हुए नजर आएंगे बैक टू लॉबी और DP यहाँ पर जिस तरह परफॉर्मेंस नजर आ रही थी वैसी नहीं देखिए। LFP की बात करूँ तो LFP के बॉयज भी यहाँ पर भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, दो प्लेयर यहाँ पर इसके भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे, बट रेंज को
लॉन्ग रेंज यहाँ पर भी स्प्रे आता है वो यहाँ पर नॉक हो जाएगा, बट स्टिल अगर बात की जाए रेंज को यहाँ पर भी कवर करके अगर रॉय मिलता है कि नहीं मिलता ये भी एक कहानी रहने वाली है। बट अगर बात कीजिए जे एफ सी की तो जे एफ सी का एक प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका, थ्री मैन स्टैंडिंग टीम ऑन दिस ग्राउंड, अभी भी यहाँ पर थ्री मैन स्टैंडिंग रहती है, एक और प्लेयर यहाँ पर नॉक हो जाएगा। आर्मी की बात करूँ तो आर्मी यहाँ से मूव करके आगे की तरफ जाएगी, पी एस के बॉयज यहाँ पर तीन किल्स कन्फर्म हो चुके हैं, एक और किल यहाँ पर कन्फर्म करते हैं, डीपी का एक प्लेयर यहाँ पर अपनी कहाँ पर रहने वाला है, बट Here you go, Pikachu is here, DP का यहाँ पर, ये Pikachu DP यहाँ पर रहने वाला है, let's see, अकेला प्लेयर यहाँ पर, look at this, अकेला प्लेयर यहाँ पर देखते हैं कितना दूर तक जाता है, बट अभी भी बात की जाए यहाँ पर चार के इसके बैकपैक में अभी भी रहती हैं आरजी, और अभी भी कहानी जो है ना वो काफी डिफरेंट यहाँ पर लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, मे बी 1v4 भी यहाँ पर टीम्स करते हुए नजर आए, क्योंकि एक प्लेयर मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स इतने इतने टैलेंटेड है कि वो 1v4 भी कर सकते हैं। वो तो आपकी बात दुरुस्त है, बट यहाँ पे अगर हम शुरू से अभी तक देखें हमारे पास 5 मिनट हो चुके हैं और काफी टीम्स अभी एक दूसरे से फाइट ले चुकी है, बट कोई एक ऐसी टीम ने जो डोमिनेट कर रही हो, हर प्लेयर एक टीम एक प्लेयर लूज करती है, दूसरी टीम दो प्लेयर लूज कर रही है, एक स्क्वाड एलिमिनेट हुआ है, हमारे पास एक कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने मैं कहूँगा ये फाइट अच्छे तरीके से जीती हो, और यहाँ पे सैम आर्मी का मुकाबला हो चुका है एलए के साथ, एलए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है और अब शील्ड लगा के भागे पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके ऊपर रश किया जा रहा है आर्मी की तरफ से, एक प्लेयर उनके काफी डेंजरस पोजिशन में जो अग्रेसिव पोजिशन में, बट सेफली वो कॉम्पाउंड के अंदर चले गए, उनके पीछे से बैकअप भी आ चुका है, तो अब थोड़ा सा आर्मी को ध्यान से खेलना पड़ेगा, उस तरह रश नहीं कर सकते जिस तरह पहले कर रहे थे, शील्ड्स आती हैं बट स्टिल एलए थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में खेलते हैं, शबी एक प्लेयर को नॉक डाउन जरूर करते हैं, बट अब अब्दुल भी काफी ज्यादा डैमेज लेते हैं, फराज उनकी किल पीछे से कोई किल सिक्योर करते हैं, बट एलए स्टिल ऑन अ डिफेंसिव पोजीशन भागने की कोशिश कर रही है, बट कब तक भागेंगे ये प्लेयर्स, बिकॉज उनके ऊपर काफी तरफ से वो कवर किया जा चुका है, बट यही हुआ कि एक प्लेयर को नॉक डाउन के साथ साथ एलिमिनेट भी कर दिया, उसको रिवाइव करने का मौका भी नहीं दिया गया, बिल्कुल एक्जैक्टली रिवाइव करने का मौका भी नहीं दिया गया, बट आर्मी की टीम भी यहाँ पर रहने वाली विद थ्री मैन स्टैंडिंग, और सामने की टीम एलए जो रहने वाली है, एलए देखते हैं कि एलए अब यहाँ पे किस तरह परफॉर्म करती है, आगे किस तरह मूव करती है, क्योंकि यहाँ पर अगर माहौल जो माहौल जो मुझे मैं माहौल माहौल बोल रहा होता ना, जो माहौल बनता है ना, दिस इज एक्चुअली दी मेन थिंग, माहौल चाहिए यहाँ पर भी फाइट का, तो माहौल जब बन जाएगा वो एक मजेदार सीन बन जाएगा। एलए की बात करूँ, एलए के दो प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं ऑन ग्राउंड, और स्टिल अगर बात कीजिए दिस टीम इज ऑन बोर्ड हेयर एज वेल, यहाँ पर तीन प्लेयर्स के साथ ये भी टीम रहने वाली है, दो किल्स इसके बैकपैक में रहेंगे, और अभी बात करूँ यहाँ पर उसके बिल्कुल साइड पे आरजी के कुछ बॉयज मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर रोटेट करके आएंगे, और मेरे ख्याल से एक नई फाइट जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर मेरे मे भी रूप यहाँ पर यूज करके सामने की तरफ जाया जाए, अगर यहाँ पर जाया जाता तो काफी इनसेन फाइट बन सकती है, बट लेट्स सी, अभी भी अगर जो टीम्स के पास मौका है यहाँ से मूव करने का, फाइट करने का ऑन ग्राउंड, अगर बात कीजिए यहाँ पर हमारे पास अभी भी 30 प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, 10 टीमें हमारे पास रहने वाली हैं, तो देखते हैं कि अभी क्या सीन बनता है, अभी तो काफी गेम पड़ी हुई है, अभी तो गेम चेंजिंग माहौल बना ही नहीं, सर्कल ने जब एक नई शेप लेके जानी है तब यहाँ पे पता चलेगा कौन सी टीम सर्कल में रहती है, बट एलए ओ माय गॉड एस एलएस का शिकार हो जाती है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि एलए का यहाँ पर एक किल यहाँ पर चला जाएगा, जो कि टीम्स जो रहती हैं ऑन बोर्ड यहाँ पर, टीम जो हमें नजर आ रही हैं वो जब आपस में फाइट करेंगी आरजी, तो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज करके दूसरे को मौका देने वाली है। एलएस के लिए एक अच्छी गेम जा रही है, खासतौर पर अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो ब्लैक हॉक है जो कि काफी आउटस्टैंड कर रहे हैं, दो गेम्स में ये लोग एमवीपी रह चुके हैं, इसकी किल्स काफी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक यहाँ पे आज के दिन के तो एमवीपी अगर रहे तो ब्लैक हॉक ही रहेंगे, आप काफी जगह पर अपनी टीम को भी कैरी किया है, सर्कल मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब इनको ये पोजीशन भी छोड़नी पड़ेगी। एमवाईसी एक अच्छा स्टार्ट मिला बट अपना प्लेयर लूज कर चुकी है, अगर ये कुछ करना खास चाहते हैं इनको कुछ अग्रेसिव पोजीशन लेना पड़ेगी, बट सीएन के दो प्लेयर्स वहां से सर्वाइव कर चुके हैं, अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी उनकी तरफ से कोई खास मूवमेंट भी नजर नहीं आ रही, बिकॉज उनके दो प्लेयर सर्कल कैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट एलएस वहां से शूट करके राइट कन्फाइनमेंट की तरफ जा रही है, आई थिंक वो देखे आरजी को किस तरह जो 7S की टीम है किस तरह अवॉइड करती है, सारी की सारी कन्फाइनमेंट में चली जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप इतनी बड़ी रोटेशन करें, कन्फाइनमेंट का एरिया लूट करें, फिर सर्कल के अंदर भी चले जाए। शिफ्ट आ गया, डीमन शिफ्ट आ गया, व्हाट ए शिफ्ट, अभी बात की जाए यहाँ पर टीजी के यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योर कर दिया है सर्कल ने, तो लेट्स सी कि टीजी के बॉयज उसे इस अच्छे एडवांटेज को, सर्कल एडवांटेज को किस तरह यूज करते हैं, एलएस के बॉयज यहाँ पर देखते हैं वो किस तरह मूव करके जाते हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि अभी सर्कल के अंदर यहाँ पर टीम एमवाईसी तो पहुंच चुकी है, बाकी प्लेयर्स की भी देखते हैं कि वो किस तरह पहुंचते हैं यहाँ पर, अभी टीम की अगर बात की जाए यहाँ पर कंपाउंड टू कंपाउंड यहाँ पर मूव करेगी, यहाँ पर एक ओपन फील्ड यहाँ पर भी रोटेट करना इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बिकॉज टीम यहाँ पर ये अंदाजा कर चुकी होंगी कि यहाँ पर कौन सी टीम की सेट मूव करके आगे की तरफ आएगी, एलएस के बॉयज ऑलरेडी यहाँ पे 4 मैन पावर यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर पीएस के बॉयज भी 4 मैन पावर रहेंगे, एलएस के बॉयज मेरे ख्याल से उनको यहाँ पर प्लेयर एडवांटेज जरूर चाहिए होगा टू विन ए बुया, और उसके बाद अगर बात की जाए टीजी सेम, अगर बात की जाए सेम गोज थिंग गोज टू टीजी, यहाँ पर जितने जिस टीम के पास यहाँ पर
माहौल जो है ना चार प्लेस का रहेगा, वो माहौल जो है ना फिर वो भुया की तरफ जाएगा। तो देखते हैं कि माहौल जो है, कौन सी टीम का माहौल जो है वो भुया की तरफ जाता है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आर्मी की टीम यहाँ पे दो किल्स के साथ रहने वाली है, कार्टून नेटवर्क वन किल के साथ यहाँ पे दो प्लेस रहने वाले हैं, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। कार्टून नेटवर्क यहाँ पर भी काफी पैनिक हो चुकी हुई, क्योंकि यहाँ पर उनको अभी वो फ्रीडम नहीं रहने वाला आरजी, जिससे जो फ्रीडम वो चार प्लेयर्स के साथ बना सकते थे, जो चार्ज करने का फ्रीडम, अभी वो उनको हर अपना जो कदम है ना वो उसको फूक फूक के रखना पड़ेगा, कि अभी जहां पर भी हम स्टेप लेंगे, जहां पर भी हम जाएंगे, जिस साइड पे भी मूव करेंगे, तो वो मुश्किलात की जो घड़ी है उनके सामने जो बनेगी वो काफी इंटेंस लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि दो प्लेयर्स बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, एग्रेसिव डिसीजंस नहीं ले सकते, इन फ्रंट ऑफ फोर प्लेयर्स वो जंप नहीं कर सकते, तो काफी चीजें उनको रोकती हुई नजर आएंगी, और सिर्फ एक पॉइंट रहता है उनके पीछे वाली टीम के पास, अगर वो एक पॉइंट भी ऊपर लेके आते हैं तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग हमें देखने को मिल जाएगी। बट थोड़ा सा सुकून आ चुका है, पहले कुछ जो हमें फाइट्स होते भी नजर आई थी, जहां पे पहले तीन चार मिनट में हमारे पास काफी ज्यादा प्लेयर लूज कर चुके हैं, बट इन द लास्ट हमारे पास आखिरी चार पांच मिनट में सिर्फ आई थिंक तीन प्लेयर या चार प्लेयर्स लूज हुए हैं। बट यहां पे आर्मी अब्रश कहते हुए पीएस के ऊपर जा रही है, पीएस को दोनों को अंदाजा हो चुका है, नेट फेंकते, अच्छा नेट जाए तो शायद यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज डील कर सकते हैं, बट वो नेट अभी तक किसी को खास डैमेज डील नहीं करता, बट यहाँ पे दूसरे से डैमेज भी पड़ा, उनको थर्ड पार्टी किया जाए तो उनको जल्दी कवर की तरफ जाना पड़ेगा। PS, एक प्लेयर को नॉकडाउन जरूर करते हैं, हुशा यहाँ से राइट साइड से डैमेज डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा रश भी शायद करना पड़ेगा अगर उनको एलिमिनेट करना है। सर्किल के अंदर की तरफ बात की तो उनको रश लाजमी करना चाहिए, बिकॉज सेवन एस के पास एक कंफर्टेबल और एक अच्छी पोजीशन है सर्कल के अंदर, थर्ड पार्टी का भी इनको कोई डेंजर नहीं है, तो आई थिंक एक और प्लेयर को नॉकडाउन करके आराम से रश कर सकते हैं। एक और प्लेयर ऑल्दो पिछली साइड पे जरूर मौजूद है, थोड़ा सा डैमेज ले रहा है, और अब यहाँ पे आखिरी प्लेयर एलए के प्लेयर का सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और लुक एट दी पोजीशंस ऑफ आरजी बॉयज, यहाँ पर आरजी को भी काफी डैमेज यहाँ पे पड़ता नजर आ रहा है, बिल्कुल साथ उनके पीएस के बॉयज रहने वाले हैं, उसी के साथ एलए के बॉयज, और जो टीम यहाँ पर भी नॉक्स निकालते हैं आरजी ए के बॉयज, जो कि बिल्कुल यहाँ पर डैमेज देते नजर आ रहे हैं, दोनों टीमों के लिए यहाँ पर मुश्किल बनाते नजर आ रहे हैं। जानू यहाँ पर मैक्स के ऊपर चार्ज करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफी मुश्किल टाइम रहने वाला है, जानू यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ पर भी जानू यहाँ पर जिस तरह क्लोज करके या टीम को टेक डाउन करते हैं, पीएस के लिए एक जबरदस्त सिचुएशन बन जाती है। पीएस के वो एक नॉक होता है, छह किल्स के साथ पीएस स्टिल ऑन ग्राउंड, अभी भी नौ टीमें ऑन ग्राउंड रहते हैं, 26 प्लेयर्स अभी भी लाइव रहते हैं, अभी भी माहौल जो है ना पीएस के पास रहने वाला है, पीएस के सारे प्लेयर्स यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं, छह किल्स के पास रहने वाली है, बट सर्कल के अंदर मूव करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्कल के अंदर जाना टाइमली काफी टाइम रहेगा, बट 9 सेकंड्स के अंदर नया सर्कल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंकिंग मूड उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। बट अभी एमवाईसी की बात करूँ तो एमवाईसी भी यहाँ पर बिल्कुल सामने रहने वाली है, एलएस की बात करूँ बिल्कुल सर्कल लाइन के ऊपर रहेगी, जल्दी से लूट करेगी आगे तरफ जाएगी। अभी की बात की जाए जो टीजी के बॉयज रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर सर्कल एडवांटेज जरूर रहने वाला है, और यहाँ पर सर्कल एडवांटेज उनके पास बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल मिड में रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो माहौल इनके लिए बनेगा वो काफी एक नेक्स्ट लेवल जा सकता है। टीजी इज गोना विन ए बुया, मेरी प्रिडिक्शन फिलहाल ये कह रही है कि टीजी के पास एक अच्छी लोकेशन आने वाली सर्कल के अंदर, एंड लुक एट दिस राइट नाउ, दिस टीम इज स्टिल गेटिंग नॉक्स, यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन को होल्ड कर ली उन्होंने, टाइमली ऐसी पोजीशन को होल्ड कर लिए कि अब हर टीम को आते 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 जाते वेलकम करते नजर आएंगे, एंड स्टिल सर्कल आपके सामने रहने वाले हैं। लुक एट द टीम्स, इस छोटे से सर्कल के अंदर इतनी सारी टीमें रहने वाली, इतने सारे प्लेयर्स रहने वाले हैं, तो अभी काफी माहौल जो है गर्मा गर्मी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। टीजी के बॉयज यहाँ पर अभी भी यहाँ पर नॉक्स निकालते नजर आएंगे। किल्स की बात करूँ राइट नाउ दिस टीम हैव ए वन किल, बट 4D की बात करूँ 4D You can see that shield to shield यहाँ पे भी यहाँ पर revive, यहाँ पर situation चल रही है। PS के boys भी यहाँ पर रहने वाले हैं, PS के boys ने भी यहाँ पे आगे की तरफ move करना है, zone काफी जो है उनको दूर रख रहे हैं, अपने बिल्कुल साथ रखने वाले, circle के अंदर move करना है। TG के boys के पास फिर से RG circle आ जाता है, और डीमन सिर्फ टीजी के पास है, सीएन का स्क्वाड भी सर्कल के अंदर मुझे एलएस राइट साइड से रोटेट कर रहा है, ये तीन स्क्वाड सर्कल के अंदर, पीएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट जानू की तरफ से खूबसूरत शॉट आती है, सनी को नॉक करके एलिमिनेट भी कर देते हैं।
खूबसूरत शॉट ही 7 किल्स हो चुकी है बट आउट इन दी ओपन मूव कर रहे थे, इनको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा इस तक शॉट्स लैंड करने से पहले। स्पॉट करते हैं यहाँ पे गॉड जी के मेंबर, आर्मी के मेंबर को, बट साथ ही साथ इनको दूसरे शॉट्स लैंड की जा रहे हैं। अब इनकी बारी है सर्वाइव करने की, बिकॉज अब टीजी यहाँ पे रिटेलिएट कर रही है, कामी को नॉकडाउन कर दिया गया है। अब नोमी और अहूशा भी काफी सारा डैमेज ले रहे हैं और यही होता है कि एक प्लेयर को नॉकडाउन किया है, अहूशा भी नॉकडाउन हो चुके हैं। अब नोमी सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, नोमी का बचना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। एक प्लेयर सर्कल के अंदर जरूर मौजूद है इनके जानू, बट वो भी थोड़ी सी डेंजरस पोजीशन में। उमर को काफी ज्यादा डैमेज डील कर, उमर यहाँ से जोन से भी डैमेज ले रहे हैं, बट आई थिंक जोन से बच के अंदर की तरफ आ जाएंगे। दूसरी साइड पे आज जी है ऑफिशियल शट डाउन हो जाती है गॉड जी के हाथों, और टीजी का स्क्वाड यहाँ पे अब नेट जरूर फेंकता है बट जोकर सर्वाइव जरूर कर रहा है। टीजी का एक अच्छी पोजीशन है बट टीजी को भी पोजीशन छोड़ के सीएन के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सर्कल जो है एक नई शेप लेके जा चुके हैं, और टीजी को यहाँ पे स्ट्रगल करके आगे तरफ मूव करना पड़ेगा। ये शिप जो है दी ब्रोकन शिप, यहाँ पर इसको छोड़ के आगे तरफ मूव करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर बात की जाए, टीजी हैव जस्ट लूज वन प्लेयर जो कि काफी जबरदस्त किस्म का नॉक पड़ा था, जैसे कार्टून नेटवर्क की बात करूँ तो कार्टून नेटवर्क सम हाउ यहाँ पर सर्वाइव करके, लुक एट दिस दिस टीम नो दैट कि हमें सर्वाइव करना है यहाँ पर, प्लेस को सर्वाइव करना, बट कार्टून नेटवर्क यहाँ पर स्ट्रगल करते नजर आ रही है। यहाँ पर एल एस की तरफ से एक जबरदस्त स्प्रे, एल एस फोर मैन पावर अभी भी ऑन ग्राउंड रहने वाली है, तो मुझे सम हाउ जो मुझे पहले टीजी के लिए जो फीलिंग आ रही थी अब एलएस के लिए भी आने स्टार्ट हो चुके। तो लेट्स सी के पीएस के बॉयज जो रहने वाले, जानू इज दी ओनली गाय, तो लेट्स सी कि जानू मानू यहाँ पे किस तरह यहाँ पे प्ले करते हैं, कितना दूर जाते हैं अपनी टीम को लेके, तो वो भी साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। स्टिल हमारे पास पांच टीम है, टीजी यहाँ पे एलएस के बॉयज को यहाँ पे नॉक करती है, एलएस के बॉयज भाई जबरदस्त था, पीएस जानू इज क्रेजी क्लोज में जाके यहाँ पर भी, ओ भाई साहब भाई ये क्या था भाई, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर अगर एलएस जोकर की बात करूँ वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और इसके बाद अभी जो ऑन ग्राउंड हमारे पास टॉप थ्री टीम्स रहने वाली है, आरजीए के बॉयज रैंक पे रहेंगे, और प्यारा नेड हो सकता है, लुक एट दिस नेड, व्हाट ए पिन ड्रॉप नेड, बड़ा जबरदस्त किस्म का, ही जस्ट नो दैट प्रॉपर कुक्ड नेड यहां पे फेंका गया, कार्टून नेटवर्क वर्सेस टीजी, यहां पर एक जबरदस्त किस्म की फाइट हमारे सामने आ चुकी है, एंड मेरे ख्याल से यही मौका था जो ऑडियंस भी हमारा देखना चाह रही थी, एंड नाउ कार्टून नेटवर्क नीड टू हील अप वेरी फास्ट, जल्दी से उनको हील अप करना पड़ेगा, नाउ कार्टून नेटवर्क इज हियर एंड फाइनली बुया गोस टू दी The Guardians है, Guardians यहाँ पे once again अब भैया secure कर चुकी है RC, क्या कहेंगे यार, amazing amazing performance, MVP goes to Quetta, भाई छा गए हैं यार, छा गए हैं TG के boys, भाई GG होने से ये प्यार मोहब्बत दिखा दो इस टीम के लिए in the chat, और stream को भी like कर दो, and share this stream with your friends, subscribe to the Indian Today Gaming channel, और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का भी लिंक होगा, इवन चैट के अंदर पिन होगा इंस्टा का लिंक, तो मेक श्योर यू गाइस गो एंड फॉलो अवर सोशल्स, एंड उसी के साथ प्लेटोनिया की भी बात करूं तो प्लेटोनिया की भी सोशल्स को आप भी जाके फॉलो कर लें, और उसी के साथ शॉटर्स की बात कर रहे हैं तो हम इनफिनिक्स को कैसे भूल सकते हैं आज, बिल्कुल इनफिनिक्स को कैसे भूल सकते हैं, बट हम बात करें आखिरी गेम की, कितनी खूबसूरत थी, कितनी लाजवाब थी, बट इन छह गेम्स में आपको एक कॉन्स्टेंट नजर आएगा डीमन के, जहां भी सर्कल का सेंटर बना टीजी आखिरी गेम में वहां पहुंचे हुए थे, और सीएन तो अमेजिंग थी, मतलब सीएन वो दो प्लेयर्स राइट एट द स्टार्ट पहली फाइट में एमवाईसी के हाथों लूज कर चुके थे बिल्कुल पहले या दूसरे मिनट के ऊपर, और सर्वाइव करना और दूसरी पोजिशन के ऊपर आना, ये बात क्लियरली इस चीज का सबूत है कि यार ये बेहतरीन टीम है, ये बेहतरीन टीम है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। इनका नाम थोड़ा सा आई थिंक चाइल्डिश सा नाम है, थोड़ा सा वो होता ना कि थोड़ा सा मीम नेम है, बट कोई बात नहीं, अगर आपकी गेम इतनी अच्छी है तो आपको नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है कि कोई टीम उसको सीरियस ले ही ना, और उसने गेम सीरियस करनी बट उसने नाम ऐसा रखा हुआ है कि कोई भी उसको सीरियस ना ले, और भाई वो गेम उन्होंने अपनी गेम से बता दिया कि भाई वो गेम को लेके कितना सीरियस है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द नेम, वी आर सीरियस विद अवर गेम, गेम प्ले उनका बहुत तगड़ा रहने वाला था, उनकी रोटेशंस इवन दो प्लेयर्स के साथ वो इस साइड पे आए, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं, स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, हमारा जो इस मैप की जो परफॉर्मेंस निकली है आपके सामने आएगी। अगर पीएस की बात करूं, पीएस ने काफी अच्छा खेला, टीजी बॉयज ने काफी अच्छा खेला, पर टीजी की बात कीजिए, टीजी ने किल के साथ यहाँ पर प्लेसमेंट को भी काफी अच्छा अच्छे तरीके से सिक्योर किया है, 7 किल्स यहाँ पर निकाले हैं, 12 पॉइंट्स इनके यहाँ पर निकल के आए हैं सामने की तरफ, और 19 टोटल पॉइंट्स रहेंगे। इसी के साथ पीछे बैक एंड की जो टीम रहती है, दिस इज एक्चुअली पेशावरियंस, यहाँ पर 13 पॉइंट्स टोटल सिक्योर करती है, 4D इस मैच के अंदर 12 पॉइंट्स सिक्योर करती है। उसके बाद अगर आरजीए की बात करूं, आरजीए ऑफिशियल्स की बात कीजिए, 12 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर चौथे नंबर पर आती है, कार्टून नेटवर्क्स यहाँ पर अपने आप को पांचवें नंबर पे लेके आती है विद 12 पॉइंट्स, और मैं कहूंगा नॉट बैड, दिस टीम एक्चुअली प्लेड वेल, और उसके बाद जो टीम उसके बिल्कुल बैक टू बैक यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही थी, दिस इज एक्चुअली लेजेंड स्टाइल्स, यहाँ पे एलएस की बात कीजिए, वो उसकी भी वो भी यहाँ पर 8 पॉइंट के साथ रहने वाला है, बट
टॉक अबाउट मेक यू क्राई 5 पॉइंट के साथ, उसके बाद जेएफसी यहाँ पर 4 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पे, डीमन 4 पॉइंट्स 9 प्लेस, पीआरजी आर्मी 3 पॉइंट्स 10 प्लेस, लेगेसी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि लेगेसी के साथ इस तरह को किसी का, क्योंकि लेगेसी का हमने पहले भी बात की थी आरजी कि लेगेसी को काफी सोच समझ के खेलना पड़ेगा, और अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स इन्होंने गेन किए, और वहां पे दूसरे पे आरएफसी ऑफिशियल ने, बगल में आरएफसी बट ऑफिशियल ने वहां पे 12 पॉइंट्स गेन किए, और यही वो दो टीम्स थी जो आपस में उस चौथे पॉइंट के लिए लड़ रही थी। तो अभी हमारे पास ओवरऑल स्कोर कार्ड ही बताया वो कौन सी चार टीम्स को क्वालिफाई कर रही है, बट ऑल इन ऑल वो लेजेंड स्टाइल से काफी अच्छा खेला हमारे पास कार्टून नेटवर्क, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो और भी बाकी टीम ने खेला, बट अब हमारे पास ओवरऑल स्कोर कार्ड आ चुका है, टीम लेगेसी क्वालिफाई कर रही है, बट क्योंकि उनकी किल्स ज्यादा है, उनकी किल्स 22 है और आरजी ऑफिशियल के एग्जैक्टली सेम पॉइंट है 58, बट उनकी किल्स नीचे है अनफॉर्चुनेट, बट किल्स के मामले में टीम लेगेसी ले गई है बिल्कुल। एंड लेगेसी played actually well, और मेरे ख्याल से देखते हैं कि भी क्या सीन बनेगा। अभी भी अगर बात कीजिए look at the points, मतलब कि भी points अभी भी उसी से, अगर एक दो matches और भी होते हो ना तो teams अभी भी जो है ना वो gamma gammy का शिकार होती, क्योंकि 81 points then 77 76 58 58 45, मतलब कि माहौल जो है ना आपके सामने रहने वाला है, और जो audience भी है इस चीज को अभी agree करेगी कि यार ये क्या क्या माहौल बन चुके हैं। बट No doubt, every single team perform well. मतलब कि भी पहला मैच हमने देख, पहला जो हमारा ग्रुप वन के मैचेस थे RG, we witnessed that कि यार की काफी इंटेंस फाइट्स हमें देखने को मिली, काफी एक हमें पहले से ही पता चल चुका था कि भी कौन सी टीम जो है वो अब टेबल टॉप पे रहने वाली है, स्कोर कार्ड के ऊपर टॉप पे ही रहेगी, उसको यहाँ पे कोई बीट नहीं कर सकता था। फाइव एम की बात करूँ तो उसके बाद अगर बात कीजिए यहाँ पर भी पेशावरीन की बात करूँ तो पेशावरीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन आरजीए ने ऑफिशियल से काफी अच्छा परफॉर्म किया इन दिस मैच। और इसी के साथ अगर बात की जाए जो हमारे सेकंड टीम सेकंड पेज पे रहने वाली है, हर टीम ने इस मैच के अंदर बहुत अपनी जो 100% है ना आरजी वो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया हमारे सामने, बिल्कुल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बट पेशावरियंस की तरह से अच्छा कमबैक आया था, बट वो भी लैक कर गए हैं लेजेंड स्टाइल गार्डियंस कार्टून नेटवर्क, ये तो सारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। लेगेसी और आरजे ऑफिशियल की एक अच्छी फाइट चली है, आखिर तक चलती रही है, बट इन द एंड टीम लेगेसी है वो जो क्वालिफाई कर गई है। तो इस ग्रुप से भी ये चार टीम्स क्वालिफाई करेंगी डीमन इन टू द प्ले ऑफ, और आरजे पेशावरियंस, उसके बाद बात करें हम LFS की, डायमंड्स की और बाकी TPS की, ये सारी टीम हमारे पास क्वालिफाई नहीं ही करेंगे प्लेऑफ्स के लिए। तो कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो इन चार टीम्स को, और गुड लक फॉर द नेक्स्ट ये इनके जो प्लेऑफ्स के लिए, बिकॉज प्लेऑफ्स बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि प्लेऑफ्स इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। डीमन स्प्राइट, जैक एफएफ क्लब, लर्न फ्रॉम द पास्ट 34 के ऊपर, फोर डायमंड्स 27 के ऊपर, मेक यू क्राई 24 के, और पीआरजी आर्मी आखिर में खड़ी है 10 पॉइंट्स के साथ। तो ये बॉयज का इख्तिताम होता है यहाँ पे, ये स्क्वाड्स का इख्तिताम होता है, बट आई थिंक यहाँ पे एक तो इनके लिए लॉस थी कि यार अफसोस बात ये थी कि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए ये एक अच्छी बात ये होगी कि आई होप कि इन्होंने काफी सीखा होगा इस प्लेटफॉर्म से। एग्जैक्टली ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से इनके लिए प्रोवाइड कर दिया गया, और कोई भी टीम किसी से काम नहीं थी, सब टीम्स के लिए वो कहते हैं ना दिल से रिस्पेक्ट है, और मेरे ख्याल से उन्होंने काफी अच्छा गेम प्ले किया, हर टीम ने ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर प्लेड वेल, और भाई इस गेम के बाद उनको काफी चीजें सीखने को भी मिली होंगी, काफी उनको अपनी वीकनेस पता चली होंगी यार कि हमने किस किस जगह पे मिस्टेक किया, वो वापस आके स्ट्रीम को मेरे ख्याल से देखेंगे भी और इसे चीजें विटनेस भी करेंगे कि यार के किस तरह जो टीमों ने ये परफॉर्म किया है, किस तरह यहाँ पे खेल के गई है, और दूसरी टीमों को देख के वो सीखेंगे भी कि यार कि उन्होंने क्या चीज पहले विटनेस की है, क्या चीज उन्होंने पहले देखा है कि यार के ऑफकोर्स अगर बात कीजिए यहाँ पर भी सर्कल को पहले जज करके यहाँ पर प्रॉपरली पहले उसके ऊपर भी थिंकिंग करके यार कि यहाँ पर सर्कल इस तरफ मूव करके जा सकता है, इस तरह पे हमें मूव रोटेट करना चाहिए, या तो हम इस साइड पे अगर रहते हैं तो हम सर्कल के एज के ऊपर आ सकते हैं। तो मोस्टली टीम्स तो इस तरह प्रेडिक्ट कर रही होती हैं सर्कल को कि यार कि हम जो नेक्स्ट सर्कल बनेगा उसके एज के ऊपर रहें, सेंटर में ना जाएं, क्योंकि सेंटर में ऑफकोर्स अगर बात की जाए सेंटर में जिस तरह अगर बात की जाए टीजी की बात करूँ सेंटर में वो इस तरह फंस चुके थे कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और बिल्कुल ऊपर अप्स एंड डाउन्स हर जगह से उनको स्प्रे आ रहे थे, क्योंकि हर टीम की नज़र जो है वो मिड पॉइंट पे ही रहती है, क्योंकि उस सर्कल के मिड पॉइंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं क्योंकि सर्कल को उन्होंने कैरी करना होता है। बट
अगर जो सेंटर में टीम होती है हल्की सी भी झलक दिखा दे, लाइक टीजी का जो सबसे पहला प्लेयर एलिमिनेट होता है, सबसे पहली ओपनिंग जो टीजी के ऊपर निकलती है वो जिस तरह ही नजर में आता है उसको यहाँ पर टेक डाउन किया जाता है और साथ नॉक के बाद फौरन से एलिमिनेट कर दिया जाता है। पर टीम में एक और बात होती है कि मतलब फ्री फायर के जो सर्कल्स होते हैं वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो चांस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आप ये कह सकते हो जी इस गेम में एक लक का फैक्टर है, बट वो चीजें आई डोंट बिलीव इट। आई थिंक लक का फैक्टर जैसे गेमों में अगर उस तरह होना कि चलो ठीक है गेम में कोई जीता गेम में कोई जीत रहा हो, जब आपने सर्कल्स देखे थे लेटर पार्ट जाते हुए देखते थे तो आपको दो टीमें नजर आती थी, एक होती थी टीजी एक होती थी सीएन। अब उनके पास तो कोई एक सिक्स सेंस तो थी नहीं जहां पे वो लोग देखे हुए सर्कल इधर जा रहा है, उनकी रोटेशन इतनी अच्छी होती थी, उनकी ऑन पॉइंट टाइम होता था कि अगर सर्कल वहां बनाए अब हमें यहां जाना चाहिए, अब हमें यहां जाना चाहिए, और एग्जैक्टली आपने देखा भी था सीएन टाइम नहीं वेस्ट करते अगले सर्कल के बनने के, वो एग्जैक्टली सर्कल के अंदर मूव कर जाते किसी कंपाउंड को ढूंढती है। तो सर्कल को पढ़ना, सर्कल को रीड करना और रोटेशन टाइमली करना, ये सीएन ये टीजी से बंदा सीखे, क्योंकि दोनों के दोनों हर गेम के अंदर सर्कल के अंदर होते थे और आखिरी फाइट इन दोनों के दरमियान ही हो रही होती थी, एंड दिस इज व्हाई कि वो लोग अभी क्वालिफाई भी कर गए हैं प्लेऑफ्स के लिए। तो You can't just say कि यार लक थी इसलिए वो लोग क्वालिफाई किए, नहीं 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 those are the better teams, वो बहुत बेहतरीन टीम्स हैं। I'm not saying that, मैंने ये नहीं कहा, बट बात की जाए अगर टीम्स की बात करूँ, टीम्स जिस तरह टीम्स ने प्रिडिक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर बात की सर्कल की प्रिडिक्शन की तो ऑफकोर्स काफी, अगर बात की जाए जो जो मेन वाइल्ड जो प्लेयर्स होते हैं, इवन अगर बात की जाए मैप की थिंकिंग की, मैप की मतलब कि मैप किस तरफ फ्लाइट पाथ किस साइड पर मूव किया, किस साइड पर ड्रॉप हो रहा है सर्कल, अब यहाँ पे श्रिंक होके किस साइड पे मूव कर सकता है, जस्ट थिंकिंग होती है, मतलब कि भी श्योरिटी नहीं होती, अगर वो थिंकिंग अगर उनकी एक अच्छी प्रिडिक्शन उनकी निकल आती है तो वो उनके लिए एक अच्छा गेम प्ले भी निकाल लेती है। ऑफ कोर्स अगर बात कीजिए प्रिडिक्शन की तो मेरे ख्याल से फ्री फायर का जो मैंने नोटिसेबल चीज की है कि अगर 10 मिनट तक आपको बिल्कुल सर्कल की को प्रिडिक्ट करना ही नहीं चाहिए, 10 मिनट से पहले, 10 मिनट के बाद आप सोचो कि यार कि अब सर्कल किस साइड पे जा रहा है, अब सोचना चाहिए कि यार कि सर्कल जिस साइड पे मूव कर रहा है हमें सर्कल टू सर्कल मूव करना चाहिए, क्या हमें जोन टू जोन मूव करना चाहिए कि सर्कल को आगे जाने दें, हम बिल्कुल एज पे रहें और एज के बाद जो नया शेप बने उसके तरफ रोटेशन करें। अगर पहले से जो टीमें सर्कल के अंदर रहने वाली होती हैं वो ऑफ कोर्स वो देख रही होती हैं कि किस साइड से टीम्स आ सकती हैं, अगर हम अगर सर्कल से बाहर होते और हमारी एनिमी की प्लेस यहाँ पर होती तो वो हमें कहाँ पर सपोर्ट करते और हम कहाँ से रोटेट कर रहे होते, तो टीम्स जो हैं वो ये चीज़ें थिंक करती हैं कि यहाँ पर टीम्स कहाँ से आ सकती हैं, कहाँ पर होल्ड कर सकती हैं, वो एडवांस में आप स्प्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं, नीड स्पैम करना स्टार्ट कर देती हैं। इवन अगर बात की जाए फाइट्स की तो अगर आप देखें कि टीम के आने से पहले कवर्स लगना स्टार्ट हो गए थे और वो पहले से कवर बनाना स्टार्ट कर चुके थे और वो कवर्स उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया उन कवर्स ने कि उन्होंने टीम को पहले बुलाया अपने पास, फिर कवर के अंदर फंसाया, उसके बाद उनको टेक डाउन किया। दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग थिंग। बिल्कुल यू राइट, बट डीमन आज के दिन इख्तिताम होता है, बट आज के दिन की हाइलाइट्स हम आपको दिखाते हैं, बट उससे पहले हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक, ये है वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जिसको प्रेजेंट किया इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स ने, और उनका नई प्रोडक्ट आया इन्फिनिक्स नोट 11 एस, तो जाके उसको भी चेकआउट करें, और ये ऑर्गेनाइज किया इंडिया टुडे गेमिंग ने। लेकिन हम मूव करते हैं आज हाइलाइट्स की तरफ, और हाइलाइट्स भी ग्रुप टू और डे टू की होगी, जहां पे आज हमें बहुत सी बेहतरीन शॉट्स, बेहतरीन गेम प्लेस नजर आएंगे ऑल अक्रॉस द डे। उन छह मैप्स के ऊपर, बरमूडा के ऊपर, परगेटे के ऊपर, कालाहारी के ऊपर खेले गए शॉट्स नजर आएंगी, और आपको वो हाइलाइट्स हम जरूर जल्दी ही दिखाते हैं। तो नजर भी आपको यही आएगा कि कुछ प्लेयर्स होंगे जो बार बार आउटस्टैंड करेंगे, कुछ अमेजिंग शॉट्स हमें नजर आएंगे, कुछ अमेजिंग स्ट्रेटजीज हमें नजर आएंगी। क्यों दीवन? बिल्कुल ऐसे ही, और जो माहौल जो मैंने बना दिया था, माहौल एक वर्ड मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा दिए, और जो अगर माहौल का मतलब कि भी एक माहौल गेम के अंदर बनता है, टीम अगर बात की टीम्स की बात करूँ, जो आपने मैचेस आज देखते हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग माहौल इसका इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, जो टीम्स की आपस में कम्युनिकेशन होती है, वो माहौल जो होता है, लुक एट दिस, जो वेरी वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब कि जो माहौल हमें देखने को मिला, जो फाइट्स हमें देखने को मिली, कार्टून नेटवर्क, मतलब कि डे मतलब मैच स्टार्ट हमें काफ़ी अच्छा लगा। टी जी की बात कीजिए, लुक एट द टी जी यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आई है स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर। बट अगर बात कीजिए बाकी टीम्स की, अगर बात कीजिए तो बाकी टीम्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ईच एंड एवरी सिंगल। एलए की बात कीजिए, एलए ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। डीपी की बात करूँ तो डीपी के स्टार्टिंग के मैच कुछ अच्छे नहीं गुजरे, बट डीपी ने बाद में, पीएस की बात करूँ, पीएस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरह अगर बात कीजिए, ये वो टीमें रहने वाली जिन जो कि स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल उनके सामने आई हैं, जेएफसी की बात कीजिए, इसी तरह बाकी टीम्स की बात कीजिए, स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल उनको की उन्होंने की है, बट बाकी जो अपकम आफ्टर दैट आफ्टर सम मैचेस जब उनका कम बैक हुआ, उन्होंने बताया कि बीआर के वी आर हियर एज वेल, उन्होंने काफी अच्छा गेम प्ले वापस करके दिखाया कि यार कि हम भी यहाँ पर रहने वाले हैं। डीपी के बॉयज यहाँ पर भी एक मेन स्ट्रीम यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने लेट यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया, बट उन्होंने जब गेम दिखाई है तो भाई अगर वो पहले उस वो गेम अगर स्टार्ट में होती तो ऑफकोर्स गेम चेंजिंग, और जो है ना जो हमारे जो इतना इतना मतलब सस्पेंस था ना हमारा स्कोर कार्ड को लेके, वो हमारे हमें दोबारा से वो और इंटेंस हो जाता है अगर डीपी स्टार्ट से परफॉर्म करते नजर आते। बिल्कुल, बट यहाँ पे हमारे पास उमर नजर आ रहे हैं, यहाँ से सुकून से बैठ के खुद सर्कल के बाहर से, बट दूर अनिग्मा की जिंदगी भी अजाब कर रहे थे, और ये आई थिंक ये मेरा बेस्ट मोमेंट था, ये मोमेंट आपको भी बहुत पसंद आया था कि अब्दुल ऊपर मौजूद थे, अल्फा ऊपर मौजूद थे, हाई ग्राउंड इनके पास था, कि ये लोग ऊपर से बैठ के स्नैपशॉट मार रहे थे। ओह व्हाट अ नेट, व्हाट अ नेट, ब्लैक हॉक आई थिंक ये एमवीपी थी, दिस गाय इज द एमवीपी, जिस तरह ये लोग रश कर रहे थे, जिस तरह ये लोग आगे की तरफ जा रहे थे, बहुत इंप्रेसिव इसकी तरह से मोमेंट हमें नजर आई थी। अब्दुल बार बार दोबारा हमारे पास आगे ऐसी हाइलाइट्स के अंदर नजर आते हैं, और इस दफा सी एन रेड दोबारा हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े होके इस दफा हमें परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे थे। क्या खूबसूरत शॉट थी, क्या खूबसूरत लॉन्ग रेंज फायर थी, और उन्होंने क्लोज भी नहीं किया इस शॉट को, और यहाँ पे उस्ताद बेचारे अकेले फंसे हुए थे, और सीएन की पूरी टीम उनको चेस करते हुए नजर आई थी। बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ पर पीएस की वंस अगेन, पीएस की अगर बात कीजिए, पीएस ने काफी अच्छी फाइट की, यहाँ से जंप करके बिल्कुल जो पीछे उजैर के जाके उन्होंने किल को कंफर्म किया था, इसके बाद 4D यहाँ पर दो प्लेयर लूज कर देती है, बट पीएस की बात करूँ तो पीएस ने भी यहाँ पर काफी अच्छा चार्ज किया था, और उसके बाद अगर बात कीजिए एमवाईसी की बात करूँ, एमवाईसी ने भी इस मैच के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया। टीजी की बात करूँ तो टीजी आफ्टर दिस मैच जो उसने मतलब कि तबाही मचाना स्टार्ट की थी, जो उसने गेम प्ले करना स्टार्ट किया था, दैट इज एक्चुअली एन अमेजिंग थिंग, काफी जबरदस्त किस्म का उनका यहाँ पे कम बैक स्टार्ट हो चुका था। एलएफपी की बात करूं तो एलएफपी ने भी काफी अच्छे किल्स उठाए, काफी अच्छा गेम प्ले किया, बट डीपी इस मैच के बाद मतलब कि भी इस मैच के बाद जो उसने भी माहौल उठाया ना, जो गेम उठाई है, दिस इज एक्चुअली एन इनसेन, काफी मजेदार सिस्टम इनका बन चुका था। बट किल्स की मामले की बात करूं तो किल्स भी काफी, टीजी की बात करूं और डीपी की बात करूं, इन दिस मैच यहां पर इन्होंने गेम चेंज यहां पर स्टार्ट कर दी थी, डीपी एंड टीजी दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इन दिस मैच। लुक एट द टीजी स्किल, यहां पे 14 किल्स यहां पे कर चुके थे, यहां पर उसके बाद किल पे किल उठाते हुए नजर आ रहे थे, 15 किल्स, उसके बाद और किल्स है। टीजी लुक एट द नेड्स, प्रॉपर नेड यहां पे करते हुए नजर आए, काफी अच्छा गेम प्ले करते हुए नजर आए। और टीजी के बात करूं यहां पर भी बाकी प्लेयर्स, जिस तरह की बात कीजिए पीएस की बात करूं, यहां पे जानू कामी यहां पर जिस तरह यहां नोक होते थे, लास्ट प्लेयर ने यहां पर भी एक अच्छा गेम प्ले निकाला और फाइनली एक अच्छी किल्स निकाल के आगे तरफ मूव किया। बट डीपी की बात करूं, डीपी यहां पर रहने वाली थी, उसके बाद यहां पर इन्होंने भी यहां से मूव करे, यहां पर किल उठाए चार, और उसके बाद आगे की तरफ मूव किया।
एमवाईसी यहाँ पर रहती है, और यहाँ से इन्होंने भी यहाँ पर रोटेट किया। सामने की तरफ अगर बात कीजिए, यहाँ पर जो क्लस्टर बना हुआ था, यहाँ पर जो माहौल कार्टून नेटवर्क को मिल चुका था, इन्होंने यहाँ से जितने जितने मजे से किल उठाए थे, टीजी यहाँ पर जिस तरह पीछे रहने वाली थी, उनको भी यहाँ पर कार्टून नेटवर्क ने यहाँ पर टेक डाउन कर दिया था। बट अगर बात की जाए जो एल एस की बात करूँ, लास्ट में जो कार्टून नेटवर्क की फाइट हुई थी, तो यहाँ पर जो चिकन भुया निकल के आया था, वो यहाँ पर गेम चेंजिंग यहाँ पर निकल आया था। एम वाई सी की बात कीजिए, वांटेड यहाँ पर रहने वाले थे, उन्होंने भी काफी अच्छा गेम प्ले किया। रेज इज हियर एज वेल, बिल्कुल यहाँ पर रेज भी मौजूद है। पी एस के जानू काफी अच्छी परफॉर्मेंस, इनके नाम भी मैं प्रोनाउंस करने का दिल भी नहीं कर, बड़े वेट से नाम लगाते हैं, बट ब्लैक हॉक हमें दोबारा हाईलाइट्स के अंदर नजर आते हैं, और ये हाई ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे, यहाँ से फाइट ले रहे थे, बट ये क्विक स्कोपिंग हमें उषा की तरफ से भी नजर आ रही थी, तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अब ये हाईलाइट अगर हम बात करें, सास्की का ट्रिपल किल थी यहाँ पे, जाके उन्होंने रश किया था रूजी से, जाके उन्होंने दो प्लेयर्स नॉक डाउन भी किए थे, और इस किल की आई थिंक आप भी बात करें तो प्री गेम सेगमेंट में, जहाँ पे एक टीजी के प्लेयर की एक ओपनिंग बन चुकी थी जबकि वो हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े थे सर्कल के सेंटर के ऊपर, तब भी यहाँ से एक लो ग्राउंड से पी एस ने उनको शॉट डाउन किया था, ऑल्दो ये लोग बुया निकाल गए थे तो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एक प्लेयर जरूर लूज किया था। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें बार बार नजर आ रही थी कि यार टीजी के प्लेयर्स होते थे या तो पीएस के, बट मोस्टली टीजी एलएस और सीएन के प्लेयर्स हमें बार बार नजर आते, खासतौर पर ब्लैक हॉक। बिल्कुल ऐसे ही है, बट आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग अबाउट दी जानू। ठीक है, जानू उस मतलब कि जब होता है बंदा कि सम टाइम मैं खुद खेल रहा था, मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, डीमन कम यार लेट्स प्ले गेम, तो हम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब कि अक्सर मुझे भाई पूछता है किसकी कॉल थी, तो मतलब कि मैं कहता हूँ यार मेरे दोस्त की कॉल है, प्रेडिटर है फलाना, मतलब किस तरह करके मैं बताता हूँ। मतलब कि भी अगर जानू ने किसी को कॉल की हो, तो अगर अब्बा जान पूछे बेटा किसकी कॉल थी, तो अब्बा जान जानू की कॉल थी, तो बेटा तू इधर आ, तू इस तरह का सीनियर सिचुएशन बन जाएगी। बट अमेजिंग नेम यार, मतलब कि भी जो प्लेयर्स है ना, मतलब कि इन गेम की अगर बात कीजिए, मैं ये चीज समझ सकता हूँ, इवन आरजी ये चीज समझ सकता है, जो इन गेम हमारा नाम होता है ना, उससे मोहब्बत ही डिफरेंट होती। मतलब कि भी मतलब ये एक गेमर ही समझ सकता है कि यार के उस नाम की क्या वैल्यू है। बिल्कुल, बट आज का दिन होता है अख्ताम, ये था आज का ग्रुप डे टू और वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का कोर दिन रह गया रीजनल क्वालिफायर्स का, जहां पे हमारे पास थे और 12 टीमें खेलेंगी, और उस दिन हमारे पास चार आखिरी टीम मिलेंगी प्लेऑफ्स के लिए। वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जो कि अगेन प्रेजेंट किया गया था इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की तरफ से, और उनकी नई प्रोडक्ट आई इन्फिनिक्स नोट 11S, वो भी जाके चेक कीजिएगा। और ये गेम, ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था इंडिया टुडे गेमिंग ने, और ब्रॉडकास्ट पार्टनर थे प्लेटोनिया। बट ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छा दिन गुजरा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग डे था, काफी क्लोज कंपटीशन नजर आए, खासतौर पर दो तीन टीम्स थी जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस देती जा रही थी, इनके पॉइंट्स भी काफी क्लोज थे। बट ये होता है खत्म को, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल, मैं था आपका कास्टर आरजी, मुझे ज्वाइन किया था डीमन, तो कल तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।